ओके okay. एक बार स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद अभी मैं बच्चों को शो हो रही हूँ नहीं हो रही हूँ पता नहीं है ना तो फिर म्यूट कर लेता हूँ ना हेलो बच्चो मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो तो बच्चों यस yes. मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है यस चलो ठीक है सो वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दिस इज डॉली शर्मा योन केमिस्ट्री मैम And आज हम उम्मीद सीरीज में कवर करने जा रहे हैं वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग क्लियर तो आज की जो हमारी कोशिश है बाकी तो तुम पे भी डिपेंड करता है ठीक है आज की हमारी कोशिश है इस चैप्टर को कंप्लीट होने की ठीक है अगर कंप्लीट नहीं होगा अगर कंप्लीट नहीं होगा तो इसका पार्ट टू आपको रिकॉर्डेड मिलेगा ठीक है बच्चों तो आज की क्लास में हंड्रेड परसेंट फोकस के साथ बैठना है और इस चैप्टर को हमें अपने कंट्रोल में करना है ताकि इसका हर क्वेश्चन हमसे बने ठीक है तो अपनी प्रेजेंस को बनाए रखो कोशिश करो सब्जेक्ट रिलेटेड बातें करो यहाँ पे लास्ट टाइम भी मैंने डांट दिया हम लोग को आज भी डांट खाओगे नहीं तो ठीक है स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें एकदम एकदम जीरो से चलेंगे अपन बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं किसी भी चीज में आपका नीट का क्वेश्चन पक्का बनेगा ठीक है अगर आप पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास में बैठोगे और क्लास को अटेंड करोगे ठीक है चैप्टर का नाम क्या है बेटा

प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नंबर टू इज सेकेंडरी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर मैं प्राइमरी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो कि कंपेरिटिवली स्ट्रगर होता है क्लियर इसमें अगर बात करें बेटा तो तीन तरह के बॉन्ड हमारे पास बनते हैं कौन कौन से बेटा दैट इज आइनिक बॉन्ड इस चैप्टर की समरी में आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूं बेटा नेक्स्ट कोविलेंट बॉन्ड एंड नंबर थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बेटा दो तरीके के बॉन्ड हैं नंबर वन दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड नेक्स्ट वन इज वॉन्ड्रॉल बॉन्ड वॉन्ड्रॉल बॉन्ड तो बेटा बॉन्ड कैसे बना क्यों बना ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे मैं आपको पूरे चैप्टर की समरी बता रही हूं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि हम आज

मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नेक्स्ट बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहीं पे हम डिस्कस करेंगे रूल रेजोनेंस क्लियर और थर्ड जो हमारे पास है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें इसे यहां पर सिर्फ बनाना सीखना है कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है बनाते कैसे वो हम सीखेंगे यहां पर दैट इज इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर बेटा सेकंड फिर हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन्डरबल बॉन्ड दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्या हम पढ़ क्या रहे हैं बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है Force of attraction, दो तरीके का होता है Start करेंगे करेंगे बेटा से से फिर bond में हम ये सारी को क्वेश्चन आएगा बेटा जब मैं वेस्पर थ्योरी शुरू करूंगी इस वेस्पर थ्योरी में हमारा 70 परसेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कैसे क्योंकि इसी वेस्पर थ्योरी में हम बहुत सारी चीजें सीख लेंगे जिस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं क्लियर Yes, अब start करते हैं हमारी आज की क्लास फर्स्ट टॉपिक जैसे कि हमने लिखा हुआ यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको बता दिया बॉन्ड दो टाइप का होता है कौन कौन सा बॉन्ड होता है ये भी बता दिया अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई बॉन्ड बनता क्यों है तो अगर आपसे पूछा जाए वाई डू एलिमेंट कम्बाइन एलिमेंट्स कम्बाइन क्यों होते हैं एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन क्यों होता है टू अटेन स्टेबिलिटी क्या बोलेंगे बेटा टू अटेन स्टेबिलिटी तो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए और एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जैसे कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है रोटी कपड़ा मकान सेम उसी तरीके से ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं क्यों कंबाइन होते हैं सिंपल टू अटेन स्टेबिलिटी और एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी कब मिलती है बेटा एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी मिलती है जब वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अटेन कर लेते हैं दैट एट से सराउंडेड हो जाएं, तो हम क्या कहते हैं कि वो स्टेबल हो गया ठीक है तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा दैट इज आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें बेटा तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है एक देकर स्टेबल हो रहा है एक लेकर स्टेबल हो रहा है जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं पूरे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बना रहे हैं और अलग अलग तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बेटा जल्दी बताओ आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा सिंपल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आय टू ऑपोजिटली

81 और यहां क्या लिखेंगे 287 अब इस केस में आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है उसको ध्यान से देखो बेटा इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल कैसे हो जाएगा अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहां पर क्या हो जाएगा ये ये बन जाएगा Na+ और यहां पर इसे वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा Cl माइनस तो ये क्या है बेटा अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा बेटा एन ए क्या बनेगा NaCl और यहां जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि आयनिक बॉन्ड बना कैसे भाई एक देकर स्टेबल हो रहा है और एक लेकर स्टेबल हो रहा है क्लियर तो इसे हम क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड अब आप बताओ पीरियोडिक टेबल की क्लास में आप लोग प्रेजेंट थे कौन सी एनर्जी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस बेटा इसे कहते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी और यहां पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज लेटे एनथेलपी इन तीनों के बारे में बात करेंगे अभी सबसे पहले एक चीज क्लियर रखो कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है जब भी हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है उनमें एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो रहा है और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है यर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसकी भी कुछ कंडीशन होती है अब इस केस में दो तीन टर्म्स आई है जैसे कि लैटिस एनथेलपी भी बोलते हैं लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं इसके बारे में आपने थर्मो में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या होती है बेटा लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथेलपी इसको हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कैसे देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल वन मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिटूंट आयंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिटूंट यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा क्या कॉन्स्टिट्यूएंट आय जब भी हम एक मोल आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं जैसे हमने एन बनाया किससे बनाया बेटा इसके आयन से मिलकर एन ए प्लस सी एल माइनस तो अब जो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी और जब जब एनर्जी रिलीज होती है क्या कहा था बेटा जब जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो कैसी होती है बेटा नेगेटिव एक्सोथर्मिक वहीं पे बेटा वहीं पे इसको हम दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं लेटेस्ट एनर्जी पॉजिटिव भी होती है जस्ट रिवर्स अगर कर दो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ इट्स कॉन्स्टिटेंट आय उसे हम क्या बोलते हैं वो भी लेटेस्ट एनर्जी है लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज क्यों होती है मैम बेटा वो स्टेबिलिटी अटेन कर रहे हैं अट्रैक्शन है तभी तो स्टेबिलिटी है और एनर्जी रिलीज होगी लेकिन अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं तो लेटेस्ट एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या लिख सकते हैं बेटा दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट

बस डिफरेंस कितना सा है बेटा कि इस बार हम इस वन मोल क्रिस्टल को तोड़ रहे हैं इन टू इट्सिटेंट तो लैटेस एनर्जी तो यह भी कहलाता है लेकिन इस बार लैटेस एनर्जी पॉजिटिव होगी क्योंकि मैंने क्या बोला बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है अगर कभी रिलेशन आइडेंटिफाई करना हो बेटा तो यह लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के इस पे भी तो टोटल टोटल प्रकाश. प्रकाश तो हो गई ना ना बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में बॉन्ड तोड़ना होता है बस लेकिन यहां पर हम बॉन्ड तो तोड़ रहे हैं लेकिन उसको उसके कॉन्स्टिटेंट आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स में नहीं ठीक है

जितने इलेक्ट्रॉन दिए वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी तो वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं अगर आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसी वैलेंसी को कोवेलेंसी कह देते हैं ठीक है तो अब हम यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और कोई भी एलिमेंट हो या आयन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर सकता है जो उसकी वैलेंसी है फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बात की थी सोडियम की हमने अभी बात करी थी सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड में अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है सोडियम की तो आप क्या बोलोगे बेटा सिंपल इलेक्ट्रोवैलेंसी थी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे सोडियम ने कितने दिए थे बेटा एक तो इसकी वन अगर क्लोरीन की पूछोगे तो वो भी वन क्लियर तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हम सिंपली यहां पर क्या बोल देते हैं बेटा उसी वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी कह देते हैं एक और एग्जांपल देखो बेटा आपने नाम सुना होगा ए एल सी एल थ्री का दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लियर तो यहां पर अगर हम बात करें ए एल सी एल थ्री की क्लियर तो इसमें भी हम सेम इसी तरीके से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते भाई अगर एल्यूमिनियम की बात करो अगर एल्यूमिनियम की बात करो तो यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन है कैसे कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है बेटा बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है तो यहां पर हम इसका भी बता सकते हैं जैसे कि अगर हमने इसका लिखा इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिकेशन हो गया टू एट थ्री में तीन इलेक्ट्रॉन है और तीन क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बना रखा है तो बेटा क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाया होगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एट सेवन इस क्लोरीन का टू एट सेवन इस क्लोरीन का टू एट सेवन तो क्या होगा बेटा अगर इन्हें एक 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 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनका आउटर मोस्ट शेल आठ इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा और अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो सिंपली एल्यूमिनियम ने तीन इलेक्ट्रॉन दिए ना तो इसकी इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या हो गई बेटा थ्री वहीं पे ये जो तीनों क्लोरीन प्रेजेंट है आपके सामने ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो यहां पर इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा हो जाएगी दैट so है बेटा वॉट आर फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड करेक्ट इन करेक्ट में स्टेटमेंट आ सकता है क्या फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं कंडीशन नंबर वन दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी भाई आयनाइजेशन एनथेलपी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लो क्यों होनी चाहिए अरे यार एक बात बताओ सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है बेटा टू एट वन इसके मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये एन प्लस का फॉर्मेशन कर देगा लेकिन अगर हमने ज्यादा एनर्जी दे दी आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा दे दी तो इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल जाएगा इसलिए आयनाइजेशन एंड कैसी होनी चाहिए लो होनी चाहिए नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंड की तो हाई बोलो या मोर नेगेटिव क्या होना चाहिए बेटा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी कैसी होनी चाहिए बेटा मोर नेगेटिव होनी चाहिए और एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी बेटा उतनी ज्यादा रिलीज होगी जितना ज्यादा कली पड़ा था एफिनिटी अच्छी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एफिनिटी अच्छी होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि यहां पर क्या होना चाहिए बेटा यस मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है बेटा लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया शुड बी हाई लैटिस एनर्जी हाई क्यों होनी चाहिए जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी जो प्रोडक्ट हमारा बना तो दीज आर द्री सिंपल फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइनिक बॉन्ड कियर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है आयनिक बॉन्ड की भाई ये समझ में आ गया एक देता है एक लेता है और दोनों उसको शेयर कर रहे हैं उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मस्ट कंडीशन ये है कि एक देकर स्टेबल हो रहा है और एक लेकर स्टेबल हो रहा है क्लियर नेक्स्ट क्या इसकी प्रॉपर्टीज है भाई प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बता देते हैं आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो आयनिक बॉन्ड जो बना उसकी प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है तो बहुत सारी चीजें हम कंपेयर करके बता सकते हैं बॉन्ड से भी जब हम कोवलिन बॉन्ड पढ़ेंगे तो भाई इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जो अपोजिटली चार्ज है उनके बीच में अट्रैक्शन भी अच्छा होगा तो स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर उतना ज़्यादा देना पड़ेगा इसीलिए मैम तो ये यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है यूनी डायरेक्शनल का मतलब है कि बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में बनेगा चाहे किसी भी तरीके से बनाओ बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में बनेगा नेक्स्ट बेटा क्या इसका डायरेक्शन फिक्स होता है नहीं ये नॉन डायरेक्शनल होता है नॉन डायरेक्शनल ऐसा नहीं है कि भाई एक ही डायरेक्शन में बॉन्ड बन सकता है इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि इसका डायरेक्शन की ऊपर ही बनेगा या इस एक्सेस पे बनेगा एक्स पे बनेगा वाई पे बनेगा या जेड पे बनेगा बने 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 ये किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकता है इसीलिए नॉन डायरेक्शनल है लेकिन बॉन्ड एक ही बना सकता है इसलिए हमने कहा यूनी डायरेक्शनल है क्लियर क्स्ट yes. इनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो यह क्या है बेटा ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड बनता है वह बहुत स्ट्रांग होता है बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी तो उस में उसका मेल्टिंग आयनिक बॉन्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा हाई होगा क्लियर नेक्स्ट बेटा और क्या कंडीशन हम इनकी बता सकते हैं भाई आयनिक बॉन्ड है पार्शियल चार्ज अराइज हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इसका मतलब वो नेचर में पोलर है तो हम बोल सकते हैं सोल्यूबल इन इन पोलर सोलवेंट है ना और ये किस कंसेप्ट बेस्ड है बेटा लाइक डिजोल्व लाइक जो जैसा होता है वो वैसे ही लोगों में घुल मिल जाता है अब जैसे कि अपनी क्लास की चैट चल रही है है ना तो लास्ट क्लास में भी होता अब भी हुआ था जो पढ़ने वाला होगा वो क्वेश्चन पूछने पर आंसर देगा लेकिन जो अपनी जोड़ी बनाने आया है टाइम पास करना है वो क्या करेगा आपस में बातें करेंगे है ना लड़की हो लड़का हो लगे रहेंगे आपस में बातें करते रहेंगे तो जिसको पढ़ना है वो फोकस करेगा लेकिन जो जैसा है वो वैसे लोगों में घुल मिल जाएगा ठीक है अब जैसे कि जिसको सेटिंग करनी है वो अपनी सेटिंग भी करेगा साथ वाले की भी करेगा दोस्त की भी करेगा अपनी अपनी चॉइस होती है ठीक है तो जो जैसा होता है ना वो वैसे भी घुल मिल सकता है अब जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, उसको इस चैट से फर्क ही नहीं तो, like like. खुद नेचर में पोलर है तो ये सोल्यूबल भी किस में होगा बेटा सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट एंड क्या बोल सकते हैं बेटा इन सोल्यूबल इन इन सोल्यूबल इन नॉन सॉल्वेंट जो नेचर में नॉन पोलर होते हैं उनमें इनसॉल्यूबल होता है क्लियर बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी किसकी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं या नहीं होते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी दो ही तरीके से कंडक्ट होती है भाई या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो या फिर आयंस का मूवमेंट हो लेकिन जब कोई आयनिक कंपाउंड आपके पास है तो जब वो कंपाउंड फॉर्म में है जब वो सॉलिड स्टेट में है तब तो हमारे पास उसके आयंस नहीं है लेकिन जब वो एक्वे फॉर्म में है यानी कि पानी में डाल दिया या फिर जब वो फ्यूज फॉर्म में है तब वो आयनिक फॉर्म में है और आयनिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है तो क्या लिखेंगे हम दैट गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर of electricity good conductor of electricity in aqueous in aqueous or molten or molten state but bad conductor but bad conductor of electricity bad conductor of electricity in solid state सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते तो दैट इज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड क्लियर दैट इज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड इसकी सारी प्रॉपर्टीज याद रखना बेटा क्योंकि जब हमें कंपेरिजन करना होगा तो हमें ये बहुत काम आएगा ठीक है तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी यहां से क्वेश्चन आयनिक बॉन्ड खत्म यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है फेवरेबल कंडीशन पूछ लेगा करेक्ट इनकरेक्ट में या इलेक्ट्रोवैलेंस ही पूछ लेगा या ये जो प्रॉपर्टीज अभी हमने लिखी हैं इसको आगे फिर से लेकर आएंगे जब हम फैजान रूल पढ़ेंगे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो जब जब किसी के बीच में आयनिक बॉन्ड हुआ तो इसका ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट उसी का होगा क्यों क्योंकि आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉगेस्ट बॉन्ड जिसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रेक्शन प्रेजेंट होता है क्लियर नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड अभी हमने बताया इसके बारे में कि सोल्यूबल होते हैं बात करते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल ये आपने पढ़ा हुआ है कहां पर दैट इज दर्मोडाइनमिक्स में ठीक है हेबर साइकिल क्या होता है जब भी कोई प्रोसेस हो रहा है उस पूरे प्रोसेस की एंथेल्पी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर फॉर एग्जाम्पल सोडियम हमारे पास सॉलिड स्टेट में है क्लोरीन हमारे पास गैशियस स्टेट में है और हमें यहां से फॉर्मेशन करना है एनएसएल आयनिक क्रिस्टल का तो भाई यहां पर टोटल कौन कौन सी एंथेल्पीज हैं ये हमें पता होनी चाहिए और कैसे पता होंगी वो देखो भाई सोडियम सॉलिड स्टेट में है तो सबसे पहले क्या करोगे इस सोडियम को कन्वर्ट करोगे किसमें गैशियत स्टेट में स्टेट में कन्वर्ट क्यों करोगे बेटा क्योंकि सीधा सीधा सोडियम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता तो बेटा इस सोडियम सॉलिड स्टेट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है सोडियम तो यहां पर कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बोलो जल्दी वेरी गुड मोहित कश्यप ट इज सब्लीमेशन एनर्जी वेरी गुड बेटा अब हमें यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोशेल ऑफ द आइसोलेटेड गैशियस एटम राइट नेक्स्ट बेटा अब सीधा सीधा क्लोरीन में तो इलेक्ट्रॉन को एड नहीं कर दोगे पहले क्या करोगे हमें एक क्लोरिन गैशियस एटम चाहिए क्यों चाहिए बेटा क्योंकि हमें इसका बॉन्ड तोड़ना है और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिएक्शन बैलेंस करें तो यहां वन बाय टू लिख देते हैं तो इसे भी टू से डिवाइड कर दिया यहां से क्या मिल जाएगा मैम बेटा यहां से हमें मिल जाएगा क्लोरीन गैशियस स्टेट में क्लोरीन गैशियस स्टेट में अब हम इसमें जरूर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो हीट रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी यहां से मिल गया सी एल माइनस अब इस केस में बेटा कौन सी एनर्जी होती है यह सीएल माइनस है कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बेटा वन मोल क्रिस्टल को बनाने के लिए बोलो जल्दी वेरी गुड लेटिस एनर्जी तो देख रहे हो यहां से यहां तक के पूरे प्रोसीजर में कितनी सारी एंथेल्पीज इन्वॉल्व हुई है नोट डाउन कर देते हैं बेटा तो हम लिख सकते हैं दैट एंथेल्पी ऑफ रिएक्शन ये जो पूरी रिएक्शन हमने लिखी है ना किसकी बेटा सोडियम क्लोराइड को हमने बनाया है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन दियर एलिमेंटल स्टेट सोडियम का एलिमेंटल स्टेट सॉलिड स्टेट है भाई नेचर में सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और क्लोरीन नेचर में गैशियस स्टेट में पाया जाता है तो यहां पर टोटल कौन कौन सी एंथेल्पीज इन्वॉल्व हुई है बेटा दैट इज इक्वल्स टू सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी और बेटा सब्लिमेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि एनर्जी रिक्वायर होती है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट बेटा गैशियस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहां पर कौन सी एनर्जी है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी और ये भी पॉजिटिव होगी क्यों भाई क्योंकि कल ही पड़ा है लास्ट लेक्चर में एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैशियस एटम तो एनर्जी रिक्वायर्ड है प्लस बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज डिवाइड बाय टू ये भी बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है तो ये बाय टू हो गया और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी कैसी होगी बेटा नेगेटिव क्यों क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है कल ही पढ़ा था हमने भाई क्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है तो ये लिख दिया हमने नेगेटिव प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा यहां पे लैटिस एनर्जी और लैटिस एनर्जी की भी वैल्यू कैसी होगी बेटा नेगेटिव अभी बताया अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूंट आयंस तो हम ये बोन हेबर साइकिल इस पूरे को क्या बोलते हैं बेटा साइकिल भी भी हो यहां पर मैंने इसलिए गेन एंथेपी एंड आयनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आयनिक बॉन्ड खत्म होता है अगर आयनिक बॉन्ड से क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से कुछ आ जाएगा तो आ जाएगा नहीं तो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा जो होती है ना बेटा वो होती है कोविल बॉन्ड से क्लियर? बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है नाम तो सुना ही है ना क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब में मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है क्लियर तो बेटा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले यही लिखवाई थी elements combine? Elements combine हो रहे हैं के लिए। और इनकी स्टेबिलिटी कैसे करते भाई हमारी शेल में, हमारा एटम अगर आठ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है तो हम खुश हैं हम स्टेबल हैं क्लियर तो आयनिक बॉन्ड में तो क्या हुआ एक ने देकर स्टेबल हुआ एक लेकर स्टेबल हुआ लेकिन यहां पर बॉन्ड में ये एलिमेंट आपस में क्या करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की एक तू दे एक मैं दूंगा फिर दोनों उसको शेयर करेंगे फॉर एग्जाम्पल क्लास चल रही है अपनी ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास में आप सारे आके बैठे हुए हो मैंने ब्रेक ब्रेक दे दिया break दिया तो दो बहुत अच्छे दोस्त हैं ठीक है वो कैंटीन गए एक ने पांच रुपए दिए दूसरे ने पांच रुपए दिए और जाकर दस रुपए का कुरकुरे का पैकेट लेकर आए और दोनों ने खाया शेयर दोनों ने किया और बॉन्ड भी दोनों ने शेयर किया तो दैट इज कोवलेंट बॉन्ड कैसे बेटा जैसे कि Uh, हमारे पास कोई भी एक एटम है ए ये इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक एटम है हमारे पास बी ये इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर तो ये अगर दोनों इस बॉन्ड को शेयर कर लें तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया दैट इज ए बॉन्ड बॉन्ड बी अब इस में जो ये दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसके भी काउंट होंगे और इसके भी काउंट होंगे दैट इज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड कि ये होती है डेफिनेशन किसकी बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें कुछ चीजें आपको पहचाननी आनी चाहिए पांच मिनट और बेसिक चल रहा है फिर हम हाई लेवल पे पहुंचेंगे बिल्कुल जीरो से शुरू किया ना बेटा इसलिए कुछ बच्चों को लग रहा होगा हम कितना इजी इजी पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए लेकिन बहुत बेसिक चीजें होती हैं बेटा अगर किसी के बीच में इस तरीके से बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं क्लियर देखो बेटा जो भी कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में बॉन्ड होता है ठीक है तो वो बॉन्ड है ना ये दो क्या है बॉन्ड पेयर्स है क्या है बेटा दो बॉन्ड है तो इसमें दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है एक ये रहा और एक ये रहा एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो फोर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर ये बी के ऊपर दो क्रॉस क्या लगा हुआ है क्रॉस भी हो सकता है डॉट भी हो सकता है इसे हम क्या कहते हैं बेटा दो का एक पेयर है तो इसे हम कहते हैं लोन पेयर लोन पेयर क्या होता है बेटा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उसे हम क्या बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लियर तो ये क्या कहलाएंगे बेटा अगर मैं पूछूं के लोन पेयर ए पे कितने हैं तो बेटा ए पे लोन पेयर कितने दिख रहे हैं एक पेयर ये रहा एक पेयर ये रहा दो हैं मैंने पूछा लोन पेयर बी पे कितने हैं तो आप क्या बोलोगे एक ही लोन पेयर है क्लियर और अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलू

भाई मैम आप बहुत देर से बोल रहे हो कि आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसी भी एटम अगर सराउंड हो जाता है आठ इलेक्ट्रॉन से तो वो स्टेबल हो जाता है ठीक है तो ये कहा किसने था तो भाई अलग अलग साइंटिस्ट है उन्होंने अलग अलग अपने रूल्स दिए जो हमें अच्छा लगा हमने उसको एनसीआरटी में रख लिया फॉर एग्जाम्पलिविज अप्रोच बोलते हैं लीस ने क्या किया था बेटा ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने एसिड बेस को भी डिफाइन किया था जब भी किसी एलिमेंट एलिमेंट बहुत सारे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एलुमिनियम सिलिकॉन सल्फर सब हमने पढ़ा हुआ है ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जब इनके सिंबल के साथ इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं लीज डॉट रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यहां पर एलिमेंट्स लिख देती हूँ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब यह मत पूछ लेना कि मैम किस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था बेटा हाइड्रोजन का तो रिप्रेजेंटेशन हो, हो. क्या होगा इसके साथ दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई बोलो जल्दी से लिथियम ग्रुप वन में प्रेजेंट है वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेरिलियम दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बेटा जब भी किसी एटम को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट करें दैट इज ऑल अबाउट दैट लीज डॉट रिप्रेजेंटेशन ये ऑक्टेट रूल क्या होता है भाई ऑक्टेट रूल दैट इज द बेस ऑफ़ या कोई भी जब बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बना वो इसलिए बना स्टेबिलिटी के लिए कैसे स्टेबल मानते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल को तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है एट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल कोई भी मॉलिक्यूल जब किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है अगर एटम इज राउंडेड बाय एट इलेक्ट्रॉन चाहे वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो इफ एटम इज सराउंडेड बाय एट इलेक्ट्रॉन यानी कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है और अगर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है तो वो कैसा होगा वो स्टेबल होगा ऐसा किसने कहा बेटा ऐसा कहा ऑक्टेट जी ने तो भाई सिंपल है हम मॉलिक्यूल बना बना के देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बेटा सी एच फोर ये रहा कार्बन ये रही चार हाइड्रोजन क्लियर बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो क्या हो बेटा ऑक्टेट वो सराउंड हो जाए आठ इलेक्ट्रॉन से तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वन टू थ्री फोर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक 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 तो ये इस रूल का ड्रॉबैक भी है बेटा कि हाइड्रोजन और हीलियम का ड्यूपलेट कंप्लीट होता है ऑक्टेट कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकता क्लियर तो यहां पर ये एक-एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक इसने दिया इन्होंने बॉन्ड बना लिया एक इसने दिया एक इसने दिया बॉन्ड बना लिया एक इसने दिया एक इसने दिया बॉन्ड बना लिया और शेयर कर लिया अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है सिंपल वर्ड्स तो मैंने आपको गिनना सिखाया है इलेक्ट्रॉन अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना वो कार्बन के भी काउंट होंगे और हाइड्रोजन के भी काउंट होंगे तो ये कार्बन के पास वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कार्बन इज सराउंडेड बाय एट इलेक्ट्रॉन्स तो बस ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है अब इस ऑक्टेट रूल का एप्लीकेशन ये है कि हम यहां से कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखेंगे स्ट्रक्चर्स को बनाने का बहुत सारे रूल्स है टीवी एस यू रूल्स ठीक है बहुत सारे रूल्स हैं मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला सिखा रही हूं और इन स्ट्रक्चर्स को बनाने का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना सा है बेटा कि हमें उन स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आ जाएगा मैम ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा फॉर्मल चार्ज होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन अ कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में किसी एक एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज फॉर एग्जाम्पल आपने कार्बोनेट का नाम सुना होगा सीओ थ्री माइनस टू सल्फेट का सुना होगा एसओ फोर माइनस टू लेकिन वो माइनस चार्ज एग्जैक्टली है कौन से एटम के ऊपर ये हम कैलकुलेट करना सीख सकते हैं फॉर्मल चार्ज से तो मैं इस चैप्टर में सबसे पहला आपको स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाने जा रही हूं उस स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए करना है उससे ज्यादा उस स्ट्रक्चर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर्स हम आगे सीखेंगे वेस्टर थ्योरी में बट वो स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए क्यों क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन से एटम पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये देखना आएगा तभी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे ठीक है तो अब हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स वाया तो बेटा वैसे ये structures आप खुद भी बना सकते हो इलेक्ट्रॉन शेयर करके लेकिन मैं आपको ट्रिक मैं आपको ट्रिक बता देती हूं तो बेटा क्या स्टेप्स फॉलो करनी है क्योंकि दो मैं बनाऊंगी दो आप फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करोगे फिर ठीक है तो सबसे पहला स्टेप नंबर वन है आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दे आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दे सबसे पहले क्या करना है बेटा कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करना है बेटा जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टू से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे उस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं वो आ जाएंगे ठीक है आप इस केस में हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टू से डिवाइड किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए फिर क्या करना है सिलेक्ट द सेंट्रल एटम सिलेक्ट द सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम को भी सिलेक्ट कर लेंगे कैसे कर लेंगे भाई जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और लार्ज होगा साइज में लार्जर इन साइज फिर इन सिंपल वर्ड्स जो सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है हमारा सेंट्रल एटम नेक्स्ट बेटा ये ध्यान रखना हाइड्रोजन इज ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता क्लियर तो ये हमेशा टर्मिनल पोजिशन पे होगा क्लियर नेक्स्ट बेटा फिर क्या करना है आपने मॉलिक्यूल को रखा सेंट्रल एटम रख दिया सारे पूरे मॉलिक्यूल के टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। यस, वेरी गुड कृष्णा फिर क्या करना है गिव वन वन बॉन्ड बॉन्ड पेयर टू एवरी सराउंडिंग एटम हमारे पास जितने भी सराउंडिंग एटम हैं, क्या करो बेटा उनको एक एक बॉन्ड पेयर दे दो उनको जब पेयर दे दोगे उनको जब पेयर दे दोगे फिर क्या करोगे कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम पहले सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है वाया लोन पेयर्स लोन पेयर्स को यूज करते हुए सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है और फिर बचा कुचा सेंट्रल को दे देना है बन गई आपकी स्ट्रक्चर एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा ठीक है तो एक बार हम ये तो हमने रूल देख ही लिए एक बार फॉर्मल चार्ज भी डेफिनेशन लिख लेते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर सारे क्वेश्चन की स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा द चार्ज प्रेजेंट द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन अ कंपाउंड किसी भी एक कंपाउंड में जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी एक एटम पे उसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा दैट फॉर्मल चार्ज बराबर V माइनस एल माइनस बी बाय टू यहां पर बेटा V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है V रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके जिसका फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट करने जा रहे हो नेक्स्ट बेटा एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जिस एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो उस उसपे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और बेटा बी क्या रिप्रेजेंट करता है जिसका फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट करने जा रहे हो उस उसपे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं उससे आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एटम का ताकि आपको पता चले कि वो चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है वो कौन से एटम पे प्रेजेंट है किस कंपाउंड के अंदर क्लियर तो अब देखना बेटा ध्यान से एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम एग्जांपल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास दैट इज CO3-2 आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि ये स्ट्रक्चर जो हम अभी बनाने जा रहे हैं इसका एप्लीकेशन सिर्फ इतना है कि हमें किसी का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो हम उसके लिए ये स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करेंगे तो हम किसी भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं यह देखने के लिए कि किसके पास कितने लोन पेयर है या किसके पास कितने बॉन्ड पेयर है ठीक है तो पहला स्टेप क्या था भाई पहला स्टेप था जब भी कोई मॉलिक्यूल देखो उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो बेटा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है तो बताना बेटा कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने फोर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने six. लेकिन तीन ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन पेयर है अब भूल जाओ कि कौन से किसके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ठीक है फिर क्या करना था सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना था सेंट्रल एटम कार्बन हो जाएगा बाकी तीन ऑक्सीजन को हमने

सराउंडिंग एटम का क्या करना है ऑक्टेट कंप्लीट करना है और ऑक्टेट मतलब वो एटम सराउंड होना चाहिए आठ इलेक्ट्रॉन से तो अभी इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखो बेटा ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसे कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बताओ जल्दी इसको कितने लोन पेयर दे दूं कि ये सराउंड हो जाए आठ इलेक्ट्रॉन से भाई दो इलेक्ट्रॉन से तो ऑलरेडी सराउंडेड है मैम अगर आप इसको तीन इलेक्ट्रॉन पेयर दे दोगे ना तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्लियर वेरी गुड इसको भी दे दिया हमने तीन और इसको भी दे दिए तीन अब हर सराउंडिंग एटम आठ इलेक्ट्रॉन से सराउंड है या नहीं चेक कर लेते हैं टोटल बारह इलेक्ट्रॉन पेयर थे वन टू थ्री तीन दे दिए बॉन्ड पेयर की फॉर्म में फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व हमारे पास टोटल बारह इलेक्ट्रॉन पेयर थे और बारह के बारह हमने दे दिए रूल फॉलो करते हुए ये हमारे पास आया स्ट्रक्चर लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि सेंट्रल का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है और इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करो किसी भी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर लो और उसको शेयर कर लो फिर से रिपीट कर रही हूं दिखने में ऐसा लगेगा कि कॉर्डिनेट बॉन्ड है लेकिन कॉर्डिनेट बॉन्ड को मैं बाद में बनाना सिखाऊंगी ये स्ट्रक्चर्स जो बनाने का रूल हमने अभी फॉलो किया है ये स्ट्रक्चर्स ये रूल तभी फॉलो करना है जब भी किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो लास्ट में क्या करना है बेटा सेंट्रल वाला एटम जो है वो छह इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लो और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो तो। ये ले लिया तो यहां से क्या इसकी फाइनल स्ट्रक्चर बनी है क्या दिख रहा है वो देखते ये रहा कार्बन यहां पर ये दो बॉन्ड हो गया ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसके पास अभी भी है ये ऑक्सीजन जिसके पास अभी भी तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये ऑक्सीजन जिसके पास अभी भी तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट दैट इज फाइनल स्ट्रक्चर फॉलोइंग रूल अब अब हमें हमें क्या करना है? अब हमें करना है है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट तो इसको मैंने नाम दे दिया ऑक्सीजन वन इसको दे दिया नाम ऑक्सीजन टू इसको दे दिया ऑक्सीजन थ्री चलो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना शुरू किया तो पहले फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं कार्बन का भाई कार्बोनेट पे -2 चार्ज दिखता है तो ये -2 कौन से एटम पे प्रेजेंट होता है तो बेटा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है v minus l minus b 2 तो अगर मुझे कार्बन का कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज तो कार्बन के v कितना v बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 l l मतलब क्या था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या इस कार्बन पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नहीं दिख रहा -0 माइनस पेयर इलेक्ट्रॉन ये कार्बन चार बॉन्ड से सराउंडेड है तो कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है आठ एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एट बाय टू यहां से कितना आ गया बेटा फोर माइनस एट बाय टू फोर जीरो यानी कि कार्बन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है क्लियर नेक्स्ट अगर कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज

वन टू थ्री फोर चार लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं माइनस बेटा इस ऑक्सीजन कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से है फोर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से क्योंकि दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा यहां से हम फोर बाय टू करेंगे तो आ गया टू तो यहां से भी फर्स्ट ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया जीरो नेक्स्ट बेटा सेकेंड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं क्या फॉर्मूला वही v माइनस एल माइनस बी टू तो इस ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऐसा है बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस बेटा ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड से है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने टू और टू बाई टू किया तो आया वन तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया बेटा माइनस वन नेक्स्ट बेटा इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर देते हैं भाई एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू हो गया टू बाई टू किया तो यहां से भी आ गया माइनस वन तो समझ रहे हो देख रहे हो इन चारों को देख लो इन चारों को सम करोगे तो क्या निकाल लोगे नेट रिजल्टेंट चार्ज और नेट रिजल्टेंट चार्ज के लिए क्या करोगे बेटा हर एटम पे जितना जितना चार्ज है उसको प्लस कर दोगे सबको प्लस करोगे तो आया माइनस टू इसीलिए कार्बोनेट पे माइनस टू चार्ज होता है लेकिन वहां पर भी कौन से एटम पे माइनस चार्ज प्रेजेंट है वो कहां से पता चलता है बेटा फॉर्मल चार्ज से तो हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज है यानी कि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये जो दो इलेक्ट्रॉन हमने बाद में टोटल किए थे वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास था इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के पास इनके पास एक एक, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था इसका सिग्निफिकेंस बहुत काम आने वाला है मैं आपको फॉर्मल चार्ज की भी ट्रिक बताने वाली हूं लेकिन पहले सिंपली कैलकुलेट करना सीख लेते हैं क्योंकि फॉर्मल चार्ज का सिग्निफिकेंस यही है कि भाई किस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है ताकि हमें पता चले कि कौन से एटम के पास वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया दैट इज अमोनिया क्लियर अब मैं अमोनिया की बात करूं तो रूल तो वही है सेंट्रल एटम बना दिया नाइट्रोजन और ये हमने लिख दिया हाइड्रोजन 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 बॉन्ड कैसे बना दिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 क्या फॉर्मूला था सिलेक्ट सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम लिख दिया सराउंडिंग एटम बना दिया पहला स्टेप क्या था बेटा कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देते हैं बेटा नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ जल्दी नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव होता है एक हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीन हाइड्रोजन का कितना प्लस थ्री कर देंगे डिवाइड बाय टू कर दिया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टू करेंगे तो यहां से क्या आ गए हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए अब फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए हां जी बिल्कुल अब क्या करो हाँ, एक एक बॉन्ड पेयर दे दो तो हर सराउंडिंग एटम को तो ये दे दिया वन टू थ्री और बचा कुचा किसको दे दो सेंट्रल को बन गया स्ट्रक्चर अमोनिया का का क्योंकि यहां पर अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है हाइड्रोजन कैलकुलेट तो किया नाइट्रोजन का। वही क्या फॉर्मूला था बेटा माँनस एल माइनस बी बाई टू तो बेटा इस नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने फाइव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे तो बर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बाय टू क्लियर तो यहां से हमारे पास कितना आ गया फाइव माइनस टू माइनस थ्री तो ये आ गया जीरो यानी कि नाइट्रोजन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं इन तीनों हाइड्रोजन का भी तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन क्या इस हाइड्रोजन पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं जीरो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड पेर इलेक्ट्रॉन टू बाय टू कितना जीरो आप चाहो तो बाकी दोनों का भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो जीरो जीरो ही आना है और सबका जीरो आया तभी तो अमोनिया पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता क्या बेटा इसीलिए अमोनिया पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तो जब-जब आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हो तब-तब आप यही मेथड को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर्स को बनाओगे एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दे रही हूं बेटा चलो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाया है ना चलो बेटा इसकी स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे बताओ कि ये जो माइनस टू चार्ज है ये किस पे प्रेजेंट है जल्दी से बताओ ये ट्रिकी है भाई शॉर्ट ट्रिक है जल्दी बताओ मुझे माइनस टू चार्ज किस पे प्रेजेंट है जल्दी से ताकि स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा तो फिर चार्ज कैलकुलेट करना आ जाएगा और चार्ज कैलकुलेट करना आ जाएगा तो यह पता चल जाएगा कि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर है क्या बेटा वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास है ताकि उसको हम कंसीडर करके चलेंगे ये बेटा हाइड्रोजन का ड्यूपलेट कंप्लीट होता है एंड दैट इज द डीमेरिट ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल क्योंकि उसने ऑक्टेट के बारे में बात की ड्यूपलेट के बारे में कोई बात नहीं की ये yes, कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चे ऑक्सीजन चलो निकालते हैं ये 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 हमने हमने बना दिया हमने बना दिया सेंट्रल एटम और चारों सराउंडिंग आई एम रिपीटिंग वंस अगेन स्ट्रक्चर बनाने का तरीका तभी फॉलो करना है जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हो बाकी तो स्ट्रक्चर बनाना सीख ही जाओगे अभी जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे हम ठीक है देखो बेटा ध्यान से क्या करेंगे सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं ठीक है जी तो इस सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स प्लस एक ऑक्सीजन के सिक्स सिक्स फोर ट्वेंटी फोर जितना माइनस है उतना प्लस कर देंगे डिवाइड बाय टू तो कितना आ गया बेटा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स थर्टी थर्टी प्लस टू थर्टी टू थर्टी टू बाई टू किया तो टोटल आ गए सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स अब भूल जाओ किसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अब इन इलेक्ट्रॉन पेयर को बांटने का तरीका कुछ ऐसा हो सबसे पहले तो एक एक बॉन्ड पेयर दे दो हर सराउंडिंग एटम को अब क्या करना है सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पहले कंप्लीट करना है और उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उस एटम को सराउंड करना है आठ इलेक्ट्रॉन से कैसे करोगे उनको लोन पेयर देकर कहा इलेक्ट्रॉन पेयर से हम उठाएंगे ठीक है लोन पेयर बांटना शुरू किया ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड था तो इसे कितने लोन पेयर दे दू बेटा जल्दी बोलो यस yes, इसे मुझे तीन लोन पेयर देने पड़ेंगे इसे मैंने तीन दे दिए इसे मैंने तीन दे दिए और इसे भी मैंने तीन दे दिए तो कितना कितना आ गया? इसकी स्ट्रक्चर बन चुकी है अब कैलकुलेट करो कि किस पे कितना चार्ज है कैलकुलेट किया फॉर्मल चार्ज सल्फर का तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के सिक्स लोन इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है जी जीरो। बॉन्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चार से सराउंडेड है यानी कि आठ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एट टू किया कितना आ वी माइनस एल माइनस बी बाई टू किया नेक्स्ट बेटा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन का जितनी भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है जितनी भी हमारे पास सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उन पे माइनस वन चार्ज आता है कितना आएगा बेटा यस माइनस वन चार्ज आएगा तो अब माइनस वन चार्ज आएगा तो चारों का कैलकुलेट करना चाहो तो आप कर सकते हो क्लियर ऑक्टेट सबका कंप्लीट है यस yes, ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट है ना तो बस यहां पर निकाल लो ये ऑक्सीजन वालों का गलत हुआ ना कैसा गलत हुआ बेटा वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री फोर

नेक्स्ट बेटा फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन पे करो या सेकंड पे करो थर्ड पे करो या फोर्थ पे करो कंक्लूजन आ चुका है बहुत बड़ा जब जब है, जब जब सिंगल सिंगल बॉन्डेड बॉन्डेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन है है सेंट्रल एटम के साथ उसका हमेशा फॉर्मल चार्ज माइनस वन आएगा ठीक है चाहो तो कैलकुलेट कर लो इस ऑक्सीजन की बात कर रही हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स लोन पेर इलेक्ट्रॉन सिक्स बॉन्ड पेर इलेक्ट्रॉन टू बाय टू तो कितना आ गया माइनस वन सेम इसी तरीके से बेटा इस पे भी माइनस वन आना है इस पे भी माइनस वन इस पे भी माइनस वन इस पे भी माइनस वन पे, पे प्लस टू आ चुका है तो बेटा नेट चार्ज मॉलिक्यूल पे कितना आ गया नेट चार्ज कितना आ गया? प्लस टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन ये इससे कैंसल आउट आ गया ओवरऑल माइनस टू तभी तो इस पे माइनस टू चार्ज होता है तभी तो इस पे माइनस टू चार्ज होता है और वो माइनस टू चार्ज किस पे है किसी भी दो ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मल चार्ज का कंक्लूजन आ चुका है हमारे पास क्या सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन अगर है क्या बेटा सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हमेशा माइनस वन आएगा कितना बेटा माइनस वन यानी कि उस एक वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास है उस ऑक्सीजन के पास है तो अभी जो हमने सीखा बेटा उसका कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखना था और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमने इस वाली स्ट्रक्चर मेथड को फॉलो किया सिंपल ठीक है और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हमें आ चुका है आगे बढ़ते हैं बेटा ये इसकी लिमिटेशन है लिमिटेशन क्या है बेटा ड्यूप्लेट ऑफ हाइड्रोजन भाई इन्होंने तो कहा था इन्होंने क्या कहा था कि भाई एवरी एटम इज सराउंडेड बाय एट इलेक्ट्रॉन बट हाइड्रोजन का तो हमेशा ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है ना तो पहला ड्रॉबैक ड्यूप्लेट ऑफ हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं बताया नेक्स्ट अगर हम ड्रॉबैक की बात करें बेटा तो इन्होंने हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट के बारे में नहीं बताया हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं यानी कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जहां पर सेंट्रल एटम आठ से कम इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड था बट फिर भी वो स्टेबल है उन कंपाउंड्स को कहते हैं दैट इज हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स तो कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम इन विच सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय लेस देन एट इलेक्ट्रॉन्स उन्हें हम क्या कहते हैं हाइपोवेलेंट कंपाउंड वो फिर भी एग्जिस्ट कर रहे थे तो ये तो ड्रॉबैक हो गया ना? के लिए? इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा और अगर आप इस बोरोन को देखो तो बोरोन तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और हर बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बोरोन कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है से सराउंडेड है। इस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी ये स्टेबल है क्या बेटा फिर भी ये स्टेबल है तो ये बी एफ थ्री स्टेबल है तो इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं बेटा? हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर नेक्स्ट उसी तरीके से बेटा कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जहां पर सेंट्रल एटम मोर देन एट इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड था फिर भी वो स्टेबल थे फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड्स कंपाउंड्स, इन विच सेंट्रल एटम कंपाउंड्स, इन विच सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय मोर देन मोर देन एट इलेक्ट्रॉन्स उन कंपाउंड को कहते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड एंड स्टिल वो एग्जिस्ट करे और वो स्टेबल भी थे दैट इज द अनादर ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल एग्जाम्पल देख लो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें आई एफ सेवन हम देखें एस एफ सिक्स हम देखें पी सी एल फाइव इनमें से किसी भी एक की स्ट्रक्चर इनमें से किसी भी एक की स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं तो हमने स्ट्रक्चर बना के देख ली एस एफ सिक्स की स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी आज जब हम इनकी स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखेंगे तो इस केस में बेटा ये जो सल्फर है ये छह बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दैट सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है बेटा इट इज सराउंडेड बाय ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन एट से तो बहुत ज्यादा है दैट सल्फर इज सराउंडेड बाय एट इलेक्ट्रॉन तो अगर ये सल्फर एट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है फिर भी वो स्टेबल है तो ये तो ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक हो गया ना क्योंकि और जो स्टेबल है वो तभी स्टेबल है जब वो आठ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है तो वॉट अबाउट हाइपरवेलेंट हाइपोवल नेक्स्ट ड्रॉबैक बेटा ऑफ नोबल गैसेस भाई नोबल गैसेस क्या होती हैं नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जिनमें ऑलरेडी वो आठ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है और अगर वो ऑलरेडी आठ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है तो उन्हें तो किसी के साथ कंपाउंड ही नहीं बनाना चाहिए था लेकिन ऐसा तो नहीं है जिनोन कंपाउंड बनाता है उसके आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो औरों के साथ बॉन्ड बनाता है फॉर एग्जाम्पल एक्सी एफ फोर

जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्ड में थे बट वो स्टेबल थे तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी इसका ड्रॉबैक था तो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में हमने कोवेलेंट बॉन्ड में सिंपल सिर्फ इतना सीखा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कौन सी स्ट्रक्चर्स बनानी है जब हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हो फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला है वी माइनस एल माइनस बी बाय टू फॉर्मूला अप्लाई करके हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज और अगर किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो प्रायोरिटी पे ऑक्सीजन पे होगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन के पास होता है इसका एप्लीकेशन हम यूज करेंगे जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना सीखेंगे ठीक है बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं दैट इज ओवरलैपिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है बेटा हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन दो मिनट में सिखा दूंगी और उस हाइब्रिडाइजेशन पे केमिकल बॉन्डिंग के 80 परसेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगी कैसे आपके सामने है वेस्पर थ्योरी में बेटा कंप्लीट होते ही आप अगर देखोगे ना आपका 80 पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा कैसे क्योंकि उसी में हम सारे बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस कर लेंगे आइसोस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल आइसो इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें वेस्पर थ्योरी के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी तो अब वो चीज स्टार्ट होने वाली है बेटा जहां पर बहुत सारी ट्रिक्स हैं बहुत सारी एप्लीकेशन हैं क्लियर ओवरलैपिंग क्या होती है भाई ओवरलैपिंग इज ऑल अबाउट ओवरलैप करवाना क्लियर ओवरलैप करवाना ओवरलैप कैसे करवाते हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में नाम सुना होगा एस ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पीजेड डी के पांच एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं तो जब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कराते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा उसे हम कहते हैं सिंपल ओवरलैपिंग तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स पी वाई एंड पी जेड कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मान लो इसे मैंने पी एक्स बोल दिया इसे मैंने पीजेड बोल दिया इसे मैंने पी वाई बोल दिया और डी जो होता है उसके हमारे पास पांच ऑर्बिटल्स होते हैं कैसे बेटा एक होता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर इस तरीके से ठीक है दैट इज डी जेड स्क्वायर है ना तो नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे होता है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर dy2 ऑन द एक्सिस होता है ये और d के बाकी तीन ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं बेटा दैट इज dx y dy z एंड dz x मैंने तीनों को सेम तरीके से बना दिया एक्सिस चेंज कर देती हूँ ठीक है तो अगर ये हमारे पास x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो ये हमने रिप्रेजेंट किया dx y ऑर्बिटल को अगर ये हमारे पास y एक्सिस है ये हमारे पास z एक्सिस है तो ये हमने dy z को रिप्रेजेंट किया ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस है ये जेड एक्सिस है तो हमने डी एक्सड को रिप्रेजेंट किया ये क्या है भाई ऑर्बिटल्स हैं ये लोब्स होती हैं ये क्या होती है बेटा लोब्स इनमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी होती है तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी इन बिटवीन द एक्सिस होती है और इन दोनों में ऑन द एक्सिस होती है दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज डी जैड स्क्वायर ठीक है ये जेड एक्सेज है तो ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जब हम इनकी इंटरमिक्सिंग करवाते हैं तो क्या होती है बेटा ओवरलैपिंग होती है फॉर एग्जाम्पल देखो अब यहां से तीन तरह के बॉन्ड बनते हैं जब हम ओवरलैपिंग करवाते हैं क्लियर ठीक है तो अब यहां से एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है और गोलेट्रल क्या होती है और साइडवाइज ओवरलैपिंग क्या होती है भाई एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं वो हम देख चुके हैं तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं आपस में इंटरमिक्स होते हैं अलोंग द एक्सेस तो उसे हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग फॉर एग्जाम्पल इंटरमिक्सिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सेस जब जब इंटरमिक्सिंग लोंग द एक्सेस हो रही है उसे हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड जिसे आप रिप्रेजेंट करते होटर ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटोमिक ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या बेटा टू द इंटर एक्सेस जब दोलैप हो रहे हैं परपेंडिकुलर तो उसे हम कहते हैं कि वहां पर हमेशा पाईबॉन्ड बनेगा देखो ध्यान से मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हमारे पास एक्स एक्सेस है क्या है बेटा एक्स एक्सेस है मैंने कहा Px px की ओवरलैपिंग कराओ तो px px को रखोगे तो यहीं पर px आ जाएगा दूसरा px भी यहीं पर आ जाएगा मैंने कहा py py की ओवरलैपिंग कराओ तो आप क्या करोगे एक py ऑर्बिटल बनाओगे और दोनों को इंटरमिक्स करना है दूसरा py ऑर्बिटल बनाओगे अब एक बात बताओ बेटा ये भी py है और ये भी py है ये दोनों आपस में कहां मिल रहे हैं ये इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर मिल रहे हैं तो जब जब ऐसी ओवरलैपिंग तो अगर ऑन द एक्सिस करवा रहे हैं तो सिग्मा बनेगा पर पेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस करवा रहे हैं तो पाई बनेगा जैसे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस होती है

जब ये चारों लोब्स आपस में चारों चारों फेस एक साथ ओवरलैप करें तो उसे हम कहते हैं फेस वाइज ओवरलैपिंग ये भी होती तो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है होती तो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है बस डिफरेंस इतना सा है इसका एक सिंगल केस है बस तीन केस है अगर Z इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो डीएक्सवाई डीएक्सवाई की ओवरलैपिंग अगर y इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो dxz dxz की ओवरलैपिंग और अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो dxy dxy तो जब चारों लोब्स चारों लोब से एक साथ टकराएं अब मैं इसको 3d में तो नहीं दिखा सकती बस जब ये आमने-सामने हो चारों लोब्स एक दूसरे के तो उसे कहते हैं फेस वाइज ओवरलैपिंग और यहां से डेल्टा बॉन्ड बनता है दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस क्लियर तो दैट इज अबाउट कि क्या हमारे पास ओवरलैपिंग होती है कैसे बॉन्ड बनता है अब आपके सामने एक क्वेश्चन है आपको मुझे बताना है कि तीनों में कौन सा बॉन्ड बनेगा जल्दी से देख लो बेटा बेसिक नॉलेज है क्योंकि आगे जाके इस चीज को मैं वीबीटी में रिपीट करने वाली हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाला है पहले तो बताओ इनकी ओवरलैपिंग करवाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यस yes, बेटा यस बेटा बोलो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी शुरू होने वाली है इसके बाद यस yes, आंसर आया मेरे पास अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस एक्स एक्सेस है ठीक है जी इंटर न्यूक्लियर एक्सेस यानी कि जिसके अलोंग ओवरलैपिंग करवानी है वो हमारी एक्स एक्सेस है हमने ओवरलैपिंग कराई वन एस वन एस की तो एस एस तो एक ही एक्स कहीं पे भी ड्रॉ करो तो एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप किया तो दोनों आपस में कहा मिले अलोंग द एक्सिस तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा सिग्मा बॉन्ड क्लियर नेक्स्ट सेकेंड में क्या बोला बेटा पीवाई की ओवरलैपिंग कराओ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है एक्स तो पीवाई ऐसे तो नहीं होगा पीवाई एक ऐसा होगा दूसरा भी ऐसा होगा ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा मिल रहे हैं इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड थर्ड एग्जाम्पल देखो बेटा एस और पीएक्स की ओवरलैपिंग हुई है ठीक है जी देख लेते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो अपनी एक्स एक्सिस है एस तो यहीं पे रहेगा पीएक्स को कैसे बनाओगे ऑन द एक्सिस तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कहां मिले बेटा ऑन द एक्सिस कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड तो दैट इज ऑल अबाउट सिंपल ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग को फिर से लेकर आएंगे जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे तो एन जो इंटरमिक्सिंग कराते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब वो फॉर्मेशन करता है वहां से तो यहां से क्या बनता है हमारे पास बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट dx2-dx2 की अगर हम ओवरलैपिंग करवाएंगे अगर हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस c ये x एक्सिस है तो एक dx2y2 कैसा होगा इस तरीके से होगा दूसरा डी एक्स स्क्वाई स्क्र कैसा होगा इस तरीके से होगा तो अगेन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कहां मिल रहे हैं अलोंग द एक्सिस कौन सा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेक्स्ट बेटा डीवाई जेड डीवाइजेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी कौन सी है दैट इज एक्स एक्सिस और ओवरलैपिंग कराई डीवाई जेड डीवाई जेड की तो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होता है तो इस केस में चारों लोब्स एक दूसरे को टच करेंगी कहा था ना मैंने तीन ही पॉसिबल केस हैं यहां से बना डेल्टा बॉन्ड नेक्स्ट बेटा पीएक्स और एस ये डिस्कस हो चुका है यहां से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी कि जिस एक्सिस के अलोंग आपको ओवरलैपिंग करानी है उसे हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बाकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करो आपस में ओवरलैपिंग कराओ दैट so इज थोड़ा सा नॉलेज मैंने आपको दिया ओवरलैपिंग का क्योंकि ये टर्म यूज होने वाली है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट डिस्कस करने जा रही हूं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन अब देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन को वैसे अगर हम पढ़ने बैठे वैसे अगर हम पढ़ने बैठे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही बड़ा टॉपिक है लेकिन हमें इसको इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन क्लियर तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है फिर हम सीधा आ जाएंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं क्योंकि एक हाइब्रिडाइजेशन से हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करना सीखने जाएंगे और मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अब एकदम ध्यान से जो स्क्रीन पर देख लेगा उसका फायदा है जो बातों में लगेगा वो बातें ही करता रहेगा ठीक है देखो बेटा होता क्या है इन एक्चुअल इंटरमिक्सिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स atomic orbitals intermixing of atomic orbitals having having small energy difference having small energy difference forms hybrid orbitals forms हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इस फिनोमिन को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लो बेटा हम एन की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं तो मैथड वन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैथड वन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या फॉर्मूला फॉलो करना है बेटा ध्यान से देखना जिस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसके लिए आप ये मैथड फॉलो कर सकते हो क्या है बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर सिंपल हम बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम ठीक है निकाल लेंगे प्लस जितने भी सराउंडिंग एटम्स हैं उनमें से कितनी यूनिवेलेंट ठीक है नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीस यूनिवेलेंट जिनकी वैलेंसी वन होती है जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्लस माइनस चार्ज अगर मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है तो उतना तो माइनस कर देंगे और अगर माइनस है तो उतना प्लस कर देंगे दैट इज डिवाइडेड बाय टू क्लियर और ऐसा करने पर जब जब एन की वैल्यू टू आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी जब जब एन की वैल्यू थ्री आएगी हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू एन की वैल्यू फोर आएगी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री एन की वैल्यू फाइव आएगी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी एन की वैल्यू सिक्स आएगी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू एन की वैल्यू सेवन आएगी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी थ्री मैंने आपको थर्टी सेकेंड्स का टाइम दिया बेटा जल्दी से इस फॉर्मूले को पढ़ लो जिनको याद है रिवाइज कर लो जिनको याद नहीं है वो याद कर लो क्योंकि अब आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल बेटा बता देते हैं क्या होते हैं यूनिवेलेंट स्पीसीस मैंने अभी बताया यूनिवेलेंट स्पीसीस जिनकी वैलेंसी वन होती है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ यही वो स्पीसीज हैं जो यूनिवेलेंट है बाकी यूनिवेलेंट नहीं होती हैं क्लियर तो ये हैं मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं सेंट्रल एटम का वो भी बता देते हैं बेटा सी अगर आपका ग्रुप नंबर पे डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो सेंट्रल एटम जनरली ग्रुप नंबर वन का मिलेगा टू का मिलेगा या थर्टीन फोर्टीन

रब से फरियाद ग्रुप टू बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए ग्रुप थर्टीन बोरोन एल्युमिनियम, गेलियम इंडियम थेलियम ग्रुप फोर्टीन कहे सीताजी सुनो प्रभु ग्रुप फिफ्टीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ ग्रुप सिक्सटीन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टैलोरियम पोलोनियम ग्रुप सेवनटीन फिर कल बाहर आई एंड ग्रुप एटीन है ना अगर कर जीरो रन पर अब देखो याद है ना पीरियोडिक टेबल याद होने के फायदे देखो सेंट्रल एटम अगर आपको सिर्फ इतना पता हो ना कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है तो आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो यहां पर दो चीजें क्लियर हो गई जैसे ही आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिखता है आपको देखना है सेंट्रल एटम कौन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो प्लस जितने भी सराउंडिंग एटम दे रखे हैं उनमें से जितने सराउंडिंग एटम यूनिवेलेंट है उनका नंबर लिखो अगर पूरे मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है तो उतना माइनस करना है और अगर मॉलिक्यूल पे माइनस चार्ज है तो उतना प्लस करना है उसको टू से डिवाइड कर दो टू से डिवाइड करने के बाद अगर इस एन की वैल्यू टू आती है तो हाइब्रिडाइजेशन एस यानी कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है अगर थ्री आती है तो sp2, टू फोर आता है तो एसपी थ्री फाइव आता है SP3D, 6 आता है हम भूमिका से, से तो बना रहे थे इस चैप्टर की ठीक है अब देखना सिंगल इस, इस फॉर्मूले से हम कितना कुछ सीखने वाले और कितने सारे क्वेश्चन करने वाले मैम लोन पेयर आएगा तो अरे सबर करो ऋतिकेश कुमार सबर करो सब कैलकुलेट करना सिखाएंगे एक बार इसको देख लो बेटा ध्यान से ठीक है याद हो गया बेटा सबको फॉर्मूला अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगी जल्दी बताओ यस yes, बेटा याद हो गया विशरद बेटा जो क्लास चल रही है उस पर फोकस कर लो बेटा अंकित सिंह जो क्लास चल रही है बेटा उस पर फोकस कर लो इतना टाइम है आपके पास कि यही डिस्कस करते रहोगे no नो तो नहीं आता होगा और अगर ऐसे ही चैट करोगे ना तो अगली बार से रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा नहीं लूंगी मैं लाइव क्लास तुम्हारी समझ लो फिर याद हो गया बेटा फॉर्मूला जल्दी से बताओ चलो एक और मेथड मैं आपको लिखवा देती हूँ मेथड सेकंड फॉर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन मेथड सेकंड क्या है बेटा मेथड सेकंड अगर आपने किसी मॉलिक्यूल की शेप बना ली है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर उस सेंट्रल एटम के पास जितने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हैं वो कैलकुलेट करके आप एन निकाल लो फिर n की वैल्यू 2 3 4 5 6 जो भी आए उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा क्लियर चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और देखो अब यहां से आप कितना कुछ सीखने वाले हो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा क्वेश्चन में पता है क्या क्या बोला है देखो ये तीन एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग करोगे लेकिन उसके लिए सीख लो पहले कि करना क्या क्या है और कैसे करना है एक सिम सिंगल कंसेप्ट हमने सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे, तो कैसे करते हैं तो कैलकुलेट कैसे करते हैं तो वो हम सीख चुके बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे देखने हैं ये मैं अभी बताती हूँ पहला मॉलिक्यूल आपकी स्क्रीन पर ये रहा NO3- तो चलो N की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल एटम कौन बेटा जल्दी से बोलो सेंट्रल एटम कौन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्लस क्या ऑक्सीजन यूनिवेलेंट है नहीं ऑक्सीजन तो डायवेलेंट होता है उसकी वैलेंसी टू होती है तो इसको तो जोड़ना ही नहीं है और मैंने क्या कहा था जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस कर देना डिवाइड बाय टू कितना आ गया बेटा थ्री आ गया और जब जब एन की वैल्यू थ्री होगी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कितना होगा बोलो जल्दी एस पी टू हमने निकालना सीख लिया इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन आ गया बिल्कुल आ गया अब ध्यान से सुनना बेटा इस एन की वैल्यू में से इस एन की वैल्यू में से जितने सराउंडिंग एटम होते हैं वो होते हैं अपने बॉन्डपेयर और बचे कुचे हो जाते हैं लोन पेयर तो तीन में से तीन सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं मुझे सराउंडिंग एटम यानी पता है ना ये सेंट्रल है तो बाकी सराउंडिंग तो यहां पर तीन बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर तो मैंने क्या कहा बेटा इस n की वैल्यू में से जितने सराउंडिंग एटम हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं अगर कुछ बच जाए तो लोन पेयर कुछ बचा ही नहीं तो जीरो लोन पेयर नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड मॉलिक्यूल बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं बेटा और जिसने ये मिस कर दिया वो आगे की क्लास को पढ़ेगा उसको कोई फायदा नहीं होगा ठीक है यस yes. अमोनिया की बात करें अमोनिया देखना बेटा इस छोटी सी चीज को हाइब्रिडाइजेशन को हम किस लेवल तक लेके जाएंगे डैपोल मोमेंट में भी यही आ जाएगा बॉन्ड पैरामीटर्स में यह आ जाएगा बट सीख लो कि करना कैसे कैलकुलेट है, है बहुत ईजी लेकिन कितने स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे होंगे जिन्हें हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं निकालना आ रहा होगा तो वो सीख लो बेटा ध्यान से और जिसको आता है वो सॉल्व करते चले जाओ अमोनिया अमोनिया का एन कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल एटम कौन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव बाकी तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजनिट है अब इस एन की वैल्यू फोर में से जो सराउंडिंग एटम है वो कौन बोलो जल्दी बोलो वो हो गए पेयर तो जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने बॉन्ड बॉन्डपेयर होते हैं और उसमें से कुछ बच जाए तो लोन पेयर वन लोन पेयर तो ये नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम ये लोन पेयर सेंट्रल एटम के कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल के नहीं पूरे मॉलिक्यूल के कैसे करते हैं वेस्पर थ्योरी में सीखेंगे ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा सीएलएफ थ्री में सेंट्रल एटम कौन बेटा क्लोरीन सेंट्रल एटम क्लोरीन बेटा क्लोरीन कहां से बिलोंग करता है फैमिली से हाइड्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है तो इस क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सेवन क्या कोई यूनिवेलेंट स्पीसीज है बिल्कुल है फ्लोरीन इज यूनिवेलेंट और कितनी है तीन तो प्लस थ्री किया डिवाइड बाई टू कितना आया फाइव एन की वैल्यू जब जब फाइव आएगी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी और इस फाइव में से जितने सराउंडिंग एटम है सेंट्रल को छोड़ दो वो क्या हो गए अपने वो हो गए अपने बॉन्ड पेयर और जो बच गए वो क्या हो गए पांच में से तीन गए तो बॉन्ड पेयर दो बच गए दो लोन पेयर यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो विदाउट हेजिटेशन अभी पूछ लो क्योंकि ये बहुत बेसिक हमने अभी चीज डिस्कस की और बहुत आसान है लेकिन आगे जाकर यह हमारी टिप्स पे होना चाहिए जल्दी से बताओ किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो मैं और एग्जाम्पल करा दूंगी यस बेटा क्लियर है अनुष्का पाटिल मैम ओजोन का स्ट्रक्चर बता दो बताएंगे अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना सिखाऊंगी क्यों भागा थोड़ी ना जा रहा है मैं यहीं पे हूं आज देखते हैं कि तुम में कितना आज मोटिवेशन है आज हम खत्म करके मानेंगे केमिकल बॉन्ड नहीं और नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा सेकंड पार्ट कोशिश है खत्म करने की लेकिन समझ में आना चाहिए वॉट आई वॉन्ट कि मेरे साथ साथ तुम्हारा रिविजन होना चाहिए मुझे सिलेबस करा के नहीं जाना है ठीक है? वॉट आई वॉन्ट जितना हम यहां मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना उतना आपके यहां पे होना चाहिए जितना मेरे यहां पर है और वो तभी आप आएगा जब मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तैयार हो ठीक है स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपकी स्क्रीन पर ये रहे जल्दी जल्दी सेम फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी से इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो इनके बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल दो जल्दी से देखो बेटा ध्यान से सीएच फोर एच फोर की अगर मैं बात करूं तो सी एच फोर में सेंट्रल एटम कौन है भाई कार्बन है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर क्या हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है बिल्कुल चारो हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है डिवाइड किया कितना आया फोर एन की वैल्यू जब जब फोर आएगी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री बिना किसी शक के और इस फोर में से जितने सराउंडिंग एटम है वो बॉन्ड पेयर बचे हुए लोन पेयर क्लियर है जी यस नेक्स्ट बेटा क्या मॉलिक्यूल है एच टू बेटा एच टू में सेंट्रल एटम कौन

क्या कोई यूनिबैलेंस स्पीसीज है नहीं डिवाइड बाई टू कितना आया टू हाइब्रोटाइजेशन एसपी टू बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर क्लियर है क्लियर है इसके लिए कुछ भी याद नहीं रखना यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना है और फॉर्मूला याद रखना है सब में यही फॉर्मूला फॉलो करूंगी पूरे चैप्टर में किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता है किसी का भी और इस हाइब्रिडाइजेशन से बहुत कुछ निकालना सीख जाएंगे हम

सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना और उसी सेंट्रल एटम पे कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रेजेंट है ये कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट क्या है बेटा XeO3F2 क्या है बेटा XeO3F2 सेंट्रल एटम भैया आंसर आना चाहिए स्पीड बढ़ जानी चाहिए बेटा क्वेश्चंस करने की यस सेंट्रल एटम ज़िनॉन है ज़िनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 क्या ऑक्सीजन यूनिवेलेंट है ना जी ना ऑक्सीजन इज नॉट यूनिवेलेंट तो फ्लोरीन तो यूनिवेलेंट है कितने हैं प्लस टू डिवाइड बाय टू क्या कितना आ गया बेटा एन की वैल्यू फाइव आ गया एन की वैल्यू जब जब फाइव आएगी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी होगा और जितने सराउंडिंग एटम है वो क्या हो गए बॉन्ड पेयर बचे हुए लोन पेयर नेक्स्ट बेटा नाइन्थ वन आई बी माइनस आयोडीन क्या है बेटा सेंट्रल एटम सेंट्रल के क्या है बेटा आई बी आर टू माइनस सेंट्रल एटम आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन क्या ब्रोमीन यूनिवैलेंट है बिल्कुल दोनों सराउंडिंग एटम ब्रोमीन यूनिवैलेंट है क्लियर तो अब इस केस में प्लस टू किया जितना माइनस उतना प्लस किया डिवाइड बाय टू कितना आ गया बेटा फाइव हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी फाइव में से जितने सराउंडिंग एटम है वो हो गए अपने पेयर और बचे हुए क्या हो गए लोन पेयर तो मुझे आप जल्दी से चैट बॉक्स में इतना बता दो कि क्लियर हो गया एकदम किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो और उसके बॉन्ड पर लोन पेयर बता सकते हो जल्दी से बता दो यार जल्दी से बता दो क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगी और नहीं हुआ तो वापस बताऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना वो नहीं पूछना क्लियर है एकदम सबको वेरी नाइस वेरी नाइस चलो क्लियर है ना मैं इनको सॉल्व नहीं कर रही हूं मुझे इनका हाइब्रिडाइजेशन बता दो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से आंसर बता दो बेटा फॉस्फेट आईसीएल टू माइनस एंड ए एस ओ थ्री माइनस का सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डपेर लोन पेयर जल्दी से बता दो चलो यस yes. यस yes, देखो बेटा ध्यान से टेंथ वन फॉस्फेट पीओ फोर माइनस थ्री सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव नो यूनिवेलेंस पीसेस जितना माइनस है उतना प्लस कर देंगे डिवाइड बाई टू किया आया फोर हाइब्रिडाइजेशन आ गया एसपी थ्री फोर बॉन्ड पे जीरो लॉन्ड पेयर नेक्स्ट बेटा आईसीएल टू माइनस सेंट्रल एटम आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन

तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया एस पी टू थ्री बॉन्डपेयर जीरो लोन पेयर क्लियर है बेटा तो अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन के इस मेथड से बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना सीख लिया आगे जाके शेप्स की तरफ बढ़ेंगे इसलिए मैं आपको इस पे प्रो कर रही हूं पहले नेक्स्ट जल्दी से इनका आंसर दे दो बेटा सेंट्रल एटम टेन कौन सी फैमिली से है कार्बन फैमिली कहे सीता जी सुनो प्रभु एस एन फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो यूनिवेलेंस पीसेस डिवाइड बाय टू किया आया थ्री हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू टू बॉन्ड पे वन लोन पे क्लियर नेक्स्ट बेटा कार्बोनेट सेंट्रल एटम कार्बन फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नो यूनिवेलेंस पीसेस जितना माइनस है उतना प्लस कर देंगे डिवाइड बाय टू कितना आया सिक्स बाई टू थ्री हाइब्रोडाइजेशन एसपी टू तो कितना आ गया बेटा थ्री बॉन्ड पे जीरो लोन पे टी एल ओ थ्री माइनस सेंट्रल एटम क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन नो यूनि वैलेंस पीसेस जितना माइनस उतना प्लस आया फोर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर क्लियर है बेटा एकदम सारे आंसर सेम आ रहे हैं चेक कर लो बेटा अपने आंसर्स और यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो विदाउट हेजिटेशन जल्दी से पूछ लो जल्दी से पूछ लो बेटा नो no डाउट बड़े आगे यहां तक प्रो हो चुके हो एकदम चलो यहां तक एकदम क्लियर है ना तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ये एग्जांपल्स और सॉल्व कर दो तो जल्दी से जल्दी से कर दो तो बेटा क्लियर है तो सेंट्रल एटम आयोडीन भाई आई थ्री माइनस है एक ना एक तो सेंट्रल होगा एक आयोडीन अगर सेंट्रल एटम है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन बाकी दोनों बचे हुए आयोडीन सराउंडिंग एटम है और दोनों यूनिवेलेंट है तो प्लस टू जितना माइनस है उतना प्लस करेंगे डिवाइड बाय टू कितना आ गया बेटा हाइब्रिडाइजेशन इस में से जितने सराउंडिंग एटम हैं वो बॉन्ड पेयर हैं और बचे हुए लोन पेयर हैं तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर इसका भी निकालना हमने सीख लिया नेक्स्ट इसका बता दो बेटा सेंट्रल एटम सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स सराउंडिंग एटम चार थे लेकिन दो ही यूनिवैलेंट यूनिवेलेंसिस थी डिवाइड बाई टू किया आया फोर हाइब्रिडाइजेशन sp3 चार सराउंडिंग एटम है तो फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर नेक्स्ट बेटा 18th वन सेंट्रल एटम्स इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट प्लस फ्लोरीन यूनिवैलेंट है बिल्कुल डिवाइड बाय टू किया आया सिक्स हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 सराउंडिंग एटम कितने हैं फोर तो फोर बॉन्ड पेयर सिक्स में से कितना बचा दो तो दो लोन पेयर आ गया बेटा बॉन्ड पेयर लोन पेयर और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आशुतोष जी पूछ रहे हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं मैंने तो वैलेंसी का नाम ही नहीं लिया मैंने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया है कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देख सकते हो और सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सामने अभी अभी लिखे हैं हालांकि पीरियोडिक टेबल में भी किया था लेकिन वापस लिखे हैं ताकि अभी कोई दिक्कत ना आए ठीक है तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस थ्योरी का नाम है बेटा वेस्पर थ्योरी इस थ्योरी में हम बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जो कि केमिकल बॉन्डिंग से बनते हैं तो बिल्कुल ध्यान से बैठना है बिल्कुल ध्यान से समझना है और साथ साथ क्लास में याद करना है क्यों क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में ही करेंगे ठीक है यस yes. तो वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल थ्योरी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं तो इस थ्योरी का जो मकसद था वो मकसद ये था कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को कुछ इस तरह से बनाएं, कुछ इस तरह से बनाएं कि उसमें रिपल्जन कम से कम हो और स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो और उसके लिए जो साइंटिस्ट थे गिलस्पी एंड जी, उन्होंने कुछ हमको पॉस्टुलेट्स दिए क्लियर तो वो सारे पॉस्टुलेट हम कवर करेंगे सबसे पहली बात इसके बारे में बेसिक चीजें लिख देते हैं दैट इज प्रपोज्ड बाय this theory is proposed by the scientist gillespie and nihal and this theory this theory is used to determine used to determine द शेप ऑफ मॉलिक्यूल शेप बोलो बेटा स्ट्रक्चर बोलो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है क्लियर तो बेटा सबसे पहले मैं दोनों का डिफरेंस बता देती हूं क्योंकि ट में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन देने वाला आपके साथ यहां पर भी खेल जाता है वो ज्योमेट्री पूछेगा तो आंसर अलग आएगा वो शेप पूछेगा तो आंसर अलग आएगा आंसर के बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन पहले दोनों के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं ठीक है सबसे पहले बात करते हैं बेटा ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो हमें क्या बताती है ज्योमेट्री क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती है वो भी डिस्कस करेंगे लेकिन वॉट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप क्योंकि हम शेप बनाना सीखने जा रहे हैं तो बेटा ज्योमेट्री हमें बताती है थ्री डी अरेजमेंट थ्री डायमेंशनल अरेन्जमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम अराउंड द सेंट्रल एटम यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसा है सेंट्रल एटम के अराउंड वो हमें क्या बताती है बेटा वो हमें बताती है ज्योमेट्री और शेप क्या होता है शेप लोन पेयर में इंक्लूड तो कोई भी नहीं होता रोल किसी का भी नहीं होता लेकिन लोन पेयर से शेप डिस्टॉर्ट जरूर हो जाती है क्लियर क्योंकि लोन पेयर क्या है जो अकेले हैं जिन्होंने किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया और जिनका खुद का किसी के साथ बॉन्ड नहीं होता ना उनको दूसरों का बॉन्ड देखा नहीं जाता वो क्या करते, है? करते हैं रिपेल करते हैं रिपेल करते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ठीक है तो शेप क्या होता है बेटा थ्री डी 3D थ्री डी ऑफ बॉन्डेड एटम्स क्या बेटा थ्री डी ऑफ बॉन्डेड एटम्स अराउंड अराउंड द सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम के अराउंड जो थ्री डी होता है किसका बॉन्डेड एटम्स का बॉन्ड पेयर निकालना सीख लिया ना बॉन्डेड एटम्स का तो उससे हम क्या कहते हैं शेप कहते हैं क्लियर तो अब एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करती हूं फिर फर्स्ट पॉस्टुलेट की तरफ बढ़ेंगे तीन एग्जाम्पल है बेटा सी एच फोर अमोनिया एंड एच टू सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि इनके एन की वैल्यू निकालो उसके बाद बताओ इनका हाइब्रिडाइजेशन कितना है उसके बाद बताओ इनकी ज्योमेट्री कितनी है उसके बाद बताओ कि इनका बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं और फिर बताओ इनकी शेप क्या है क्लियर तो बेटा वो हर मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है उस हर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी सेम होती है क्लियर अब देखो ध्यान से यहां पर एन की वैल्यू एन बोले तो हाइब्रिडाइजेशन अभी अभी सीखा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका तो एन क्या होता है भाई सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर प्लस क्या कोई यूनिवेलेंट स्पीशीज है बिल्कुल है डिवाइड बाय टू किया एन की वैल्यू फोर आई जब जब एन की वैल्यू फोर होती है बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन एस थ्री होता है और जब जब हाइब्रिडाइजेशन एस होता है बिना किसी शक के ज्योमेट्री टेट्रा होती है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे देखेंगे एन की वैल्यू फोर में से जितने सराउंडिंग एटम हैं वो हो गए बॉन्ड पेयर बचे हुए हो गए लोन पेयर नेक्स्ट बेटा शेप जब जब फोर पेयर और जीरो लोन पेयर होते हैं तो शेप होती है टेट्रा हेट्रल नेक्स्ट देखेंगे बेटा अमोनिया अमोनिया में एन की वैल्यू निकालते, है. निकालते हैं एन की वैल्यू निकालते हैं अमोनिया में तो सेंट्रल एटम कौन नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने फाइव क्या कोई यूनिवेलेंट स्पीसीज है बिल्कुल है तीनों हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है प्लस थ्री किया डिवाइड किया यहां से आ गया 4। N की वैल्यू जब जब 4 होती है बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हो जाता है और हाइब्रिडाइजेशन जब जब एसपी थ्री होता है जोमेट्री टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री कभी नहीं बदलती हाइब्रिडाइजेशन जब तक सेम है बॉन्ड पे लोन पे बता दो में से जितने सराउंडिंग एटम है वो बॉन्ड पेयर बचे हुए लोन पेयर और जब थ्री बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर होता है तो शेप होती है ट्राइगोनल जाने से शेप बदल रही है क्लियर नेक्स्ट बेटा वाटर वाटर को देखो एन की वैल्यू निकाल लेते हैं सेंट्रल एटम ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा सिक्स बाकी दोनों हाइड्रोजन है दोनों हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है प्लस टू किया डिवाइड बाई टू किया यहां से आया 4. N की वैल्यू जब जब हाइब्रिडाइजेशन जब जब हाइब्रिडाइजेशन थ्री ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी टेट्राहेड्रल है टेट्राहेड्रल रहेगी लेकिन बॉन्ड बॉन्डपेयर लोन पेयर बेटा फोर में से दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर तो शेप क्या हो गई बेटा वी शेप मैम हमें तो अभी आपने शेप्स लिखवाई नहीं तो हमें शेप्स याद नहीं है तो अभी मैं जब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वेस्ट पर थ्योरी तो हम सारी शेप्स भी डिस्कस करेंगे और सबके बारे में बात भी करेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में भी बात करेंगे ठीक है अब ध्यान से देखो बेटा वन बाय वन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पॉस्टुलेट नंबर वन क्लियर हाइब्रिडाइजेशन निकालना सबको आ गया जल्दी से बता दो बेटा अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना आ गया तो अब हम आगे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं ठीक है पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर अगर किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं अराउंड द सेंट्रल एटम वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं दैट मीन्स देयर इज नो लोन पेयर वहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है दैन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल तो उस केस में जो मॉलिक्यूल की शेप है वो उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही होती है देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज इन अकॉर्डिंग विद इट्स हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा विद इट्स हाइब्रिडाइजेशन ठीक है कैलकुलेट करके बता देते हैं मतलब आपने किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाला हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद अगर उसमें एक भी लोन पेयर नहीं है सारे बॉन्ड पेयर हैं तो जो उसकी ज्योमेट्री होती है वही आपकी उसकी शेप हो जाती है क्लियर देखना ध्यान से मान लो हाइब्रिडाइजेशन जो आपने निकाला एन की वैल्यू टू आई तो हाइब्रिडाइजेशन तो एस पी होगा और उस केस में जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर हैं, वो कितने हुए दो बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर हुआ तो जो उसकी ज्योमेट्री है ना बेटा वही उसका शेप हो जाती है क्या बेटा जो उसकी ज्योमेट्री है वही उसका शेप हो जाती है तो अगर एन की वैल्यू टू हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एस पी होगा और अगर दो बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर आया तो उसकी शेप लीनियर ही रहेगी और ज्योमेट्री भी लीनियर रहेगी अगर कैलकुलेट करने पर हाइब्रिडाइजेशन एन की वैल्यू थ्री आई तो ये तो हमेशा एस पी टू होगा ही होगा और अगर थ्री पेयर और जीरो लोन पेयर आया तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगी दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अगर n का वैल्यू फोर आया तो बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा ही और अगर फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर आया तो उसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी और जोमेट्री भी टेट्राहेड्रल हो जाएगी क्लियर नेक्स्ट बेटा n की वैल्यू अगर फाइव आई तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d आएगा ही आएगा फाइव बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर तो इस केस में शेप क्या हो जाएगी और ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जब जब एन की वैल्यू सिक्स आएगी बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू होगा और अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो उसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम है दैट इज ऑक्टाहाइड्रल और अगर अगर एन की वैल्यू सेवन आई बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन एस पी और अगर सेवन बॉन्डपेयर जीरो पेयर आया तो उसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगी दैट इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल तो फर्स्ट पॉस्टुलेट बस इतना सा बताना चाहता है कि अगर अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखना आता है अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक भी लोन पेयर नहीं है सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो उस केस में जो उसकी ज्योमेट्री है और जो उसका शेप है वो सेम होगा क्या होगा बेटा वो सेम होगा तो अब ये हमें याद रखना पड़ेगा मैम हां जी बेटा याद रखना पड़ेगा ठीक है ताकि हम पहचान पाए कि, कि किसकी क्या ज्योमेट्री होती, होती है किसकी क्या शेप होती है नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है बेटा उसमें मैं ये सारी शेप्स बनाकर भी आपको दिखाऊंगी ठीक है यस yes, अमर ले लो बेटा स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो जल्दी से ले लो बेटा फिर मैं सेकेंड पॉस्टूलेट डिस्कस कर रही हूं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वहां से हम हर मॉलिक्यूल का शेप बनाना सीखने जा रहे हैं बड़े बेटा आगे हाँ बेटा बॉन्ड एंगल थर्ड पॉस्टुलेट में ठीक है यस yes, बेटा पॉस्टुलेट सेकंड क्या कहता है इफ all electron pairs around the central atom if all electron pairs around the central atom are not bond pair are not bond pairs that means there are some lone pair there are some lone pair some lone pair due to which due to which shape of molecule due to which shape of molecule becomes distorted distorted ड्यू टू क्या होगा बेटा लोन पेयर आ जाते हैं और लोन पेयर के आने से जो मॉलिक्यूल की शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है किसकी वजह से बेटा ड्यू टू सबसे ज्यादा रिपल्जन किसके बीच में होता है लोन पेयर लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा रिपल्जन होता है उसके बाद लोन पेयर पेयर के बीच में और सबसे कम रिपल्जन होता है यर बॉन्डपेयर bond pair, bond pair के बीच में दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्जन रिपल्जन जितना ज्यादा होगा मोलिक्यूल की शेप उतनी ज्यादा डिस्टोर्ट होगी और क्या क्या मोलिक्यूल्स की शेप आएंगी साथ साथ देखेंगे बेटा और साथ साथ ड्रॉ करेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे क्योंकि तो बहुत एप्लीकेबल है काफी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए ठीक है तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्जन रिपल्सन भाई लोन पेयर क्या होता है लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया यानी कि वो फ्री है वो फ्री है तो क्या करेगा रिपेल करेगा रिपेल करने से जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है और डिस्टॉर्ट होकर जो उसकी शेप आती है वो सारी शेप्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं देखो बेटा केस नंबर 1 केस नंबर 1 क्या है भाई जब जब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे और एन की वैल्यू टू आई तो जब जब एन की वैल्यू टू आएगी बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन तो एस पी था एस पी है एस पी रहेगा और जिनका भी हाइब्रिडाइजेशन एस पी है बिना किसी शक के उनकी जोमेट्री लीनियर थी लीनियर है लीनियर रहेगी और उस केस में पॉसिबल केस एक ही है कि उसमें टू पेयर और जीरो लोन पेयर हो टू पेयर और जीरो लोन पेयर हो तो उसकी शेप भी क्या हो जाएगी बेटा लीनियर कैसी होती है बेटा लीनियर शेप देखना एग्जाम्पल जैसे कि ये सेंट्रल एटम है ए दो सराउंडिंग एटम है बेटा दैट इज बी दैट इज बी ये दोनों बॉन्ड पेयर है एक भी लोन पेयर नहीं है तो इनके बीच का जो ये बॉन्ड एंगल होता है ये थीटा होता है बेटा कितना क्या होता है? दो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल कहलाता है तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हमेशा वन डिग्री होगा और इसमें कोई और केस पॉसिबल नहीं है केस नंबर टू क्या बनता है बेटा केस नंबर टू अभी मैं पूछूंगी थोड़ी देर में कर लो तुम लोग बातें जब जब एन की वैल्यू थ्री आती है जब-जब की वैल्यू थ्री आती है तब तब हमेशा हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होता है और जब जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 टू है बिना किसी शक के ज्योमेट्री जो होगी वो हमेशा कैसी होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होगी लेकिन शेप चेंज हो सकती है शेप कैसे चेंज हो सकती है मान लो उसमें थ्री बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर है तब तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर है थी और रहेगी क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर जीरो लोन पेयर होते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो शेप हो जाती है लेकिन अगर बेटा यहां पर क्या हुआ दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ गया तो अगर दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ गया तो तो उस केस में जो शेप होती है वो वी शेप हो जाती है फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लो बेटा बी एफ थ्री ये सेंट्रल एटम बोरोन थ्री पेयर जीरो लोन पेयर कैलकुलेट करने पर हाइब्रिडाइजेशन आया एसपी टू और तीन बॉन्ड पेयर क्योंकि तीन सराउंडिंग एटम थे जीरो लोन पेयर तो अब इस केस में ये तीन पेयर है लोन पेयर एक भी नहीं है और इस केस में जो बॉन्ड एंगल है वो होता है बेटा वन ट्वेंटी डिग्री जब जब ट्राइगोनल प्लेनर है क्लियर अगर बात करें इसकी तो इस केस में शेप किस तरीके से है ये रहा सेंट्रल एटम ठीक है ये रहे दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर तो ये वी शेप जैसा दिखता है तो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया बेटा ये पेयर है क्या है पेयर और ये लोन पेयर है क्लियर तो केसेस साथ-साथ याद करते चलो n टू में एक ही केस है n थ्री में दो पॉसिबल केस हैं तो दो अलग-अलग शेप -अलग आ गई नेक्स्ट बेटा केस नंबर थर्ड क्या कहता है ध्यान से देखना केस नंबर थर्ड क्या कहता है जब-जब आपने n की वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले से निकाली एन की वैल्यू जब जब फोर आई बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन sp3 थ्री हो जाएगा बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन sp3 थ्री हो जाएगा और जब जब हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री है उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा जोमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल रहेगी चेंज क्या होता है बेटा चेंज सिर्फ शेप होती है ठीक है तो पहला पॉसिबल केस मान लो उस मॉलिक्यूल में फोर पेयर और जीरो लोन पेयर होंगे और अगर फोर बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर है तो उसका शेप भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा क्लियर एग्जाम्पल देख लो सी एच फोर एन की वैल्यू निकालो हाइब्रिडाइजेशन फोर आएगा एन की वैल्यू फोर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हाइब्रेडाइजेशन एस पी थ्री आएगा तो यहां पर क्या प्रेजेंट है फोर पेयर जीरो लोन पेयर प्रेजेंट है और फोर बॉन्ड पेयर लोन पेयर जीरो है तो ये इसकी शेप होती है बेटा थ्री में टेट्राहेड्रल और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री या पॉइंट ट्वेंटी एट मिनट ये इसका बॉन्ड एंगल होता है अगर इस केस में सब कुछ सेम है लेकिन सेकेंड पॉसिबल केस क्या आ जाए बेटा मान लो थ्री बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर आ जाए बाकी सब कुछ सेम है तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी लेकिन शेप बदल जाएगी और उस केस में शेप हो जाएगी बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल और जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते चले जाते हैं बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है इसका एग्जाम्पल देख लो बेटा जैसे कि अमोनिया सेंट्रल एटम कौन बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव

तीसरा पॉसिबल केस क्या बन सकता है तीसरा पॉसिबल केस ये बन सकता है कि मान लो दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर आ गया तो तो जब जब दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर होगा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी टेट्राहेड्रल है टेट्राहेड्रल रहेगी लेकिन शेप बदल जाएगा और इस बार जो शेप आएगा वो शेप क्या है बेटा वी शेप और वी कैन से इट बैंट शेप जी इसको भी यही बोलते हैं इसका एग्जाम्पल जीता जाता आपके सामने है एच टू निकाल लो एस पी थ्री आएगा तो ये सेंट्रल हाइड्रोजन ये दो लोन पेयर इस तरीके से इसके पास प्रेजेंट और बॉन्ड एंगल घटता चला जा रहा है डिक्रीज होता चला जा रहा है ठीक है यस बेटा वाटर इसका एग्जाम्पल है तो एन इज टू फोर के तीनों पॉसिबल केस हमने पढ़ लिए नेक्स्ट पॉसिबल केस हम पढ़ लेते हैं बेटा दैट इज केस नंबर फोर्थ क्या केस है बेटा ध्यान से देखना केस कुछ इस प्रकार से है कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने पर जब जब एन की वैल्यू फाइव आएगी जब जब एन की वैल्यू फाइव आएगी बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन एस था है और रहेगा और इस केस में जब जब हाइब्रिडाइजेशन एस है बिना किसी शक के जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या हो जाएगी बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लेकिन शेप चेंज हो सकता है और इसकी शेप के फोर पॉसिबल केस हैं क्या पॉसिबल केस है बेटा देखना वन बाय वन ध्यान से नंबर वन कि अगर फाइव पेयर और जीरो लोन पेयर हो अगर फाइव पेयर जीरो लोन पेयर आ जाए तो उस केस में शेप और ज्योमेट्री बिल्कुल सेम हो जाएगी इज इजोनल बाय इसका एग्जाम्पल हम आपको करवा देते हैं दैट इज पीसीएल फाइव कर लो कैलकुलेट। हाइब्रिडाइजेशन एन की वैल्यू फाइव आएगी फाइव पेयर जीरो लोन पेयर है अब इस केस में जब शेप ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगी बेटा ध्यान रखना बेटा एन इज इक्वल्स टू फाइव के केस में अगर लोन पेयर आते हैं तो लोन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई टेंड्स टू ऑक्यूपाई लोन पेयर हमेशा कहां बनाओगे इक्विटोरियल पोजीशन पे मैम ऐसा क्यों क्योंकि बेटा इक्विटोरियल पोजीशन पे स्पेस ज्यादा है पेस ज्यादा होने से क्या होगा रिपल कम होगा इसलिए हम लोन पेयर को कहा रखेंगे इक्विटोरियल पोजिशन पे रखेंगे लेकिन लोन पेयर आएंगे तब जब जब एन की वैल्यू फाइव आती है तो पीसीएल शेप बना देते हैं जी कोई दिक्कत नहीं है ये रहा फॉस्फोरस ये तीन क्लोरीन जो आपस में 120 डिग्री पे है ये आपस में 120 डिग्री पर है ये तीनों एक प्लेन में है ये इक्विटोरियल पोजीशन पर हैं। एक क्लोरीन इसके जस्ट ऊपर एक क्लोरीन इसके जस्ट नीचे तो ये बेटा जो ऊपर और नीचे क्लोरीन है वो आपस में एक्षियल है। एक्षियल बोले तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। और बाकी तीनों जो क्लोरीन हैं, वो आपस में हैं 120 डिग्री पे और वो तीनों क्लोरीन कौन सी पोजिशन पे बेटा इक्विटोरियल पोजीशन पे क्लियर यस नेक्स्ट क्या पॉसिबल केस है बेटा फाइव पेयर जीरो लोन पेयर का ये हो गया मान लो अगर फोर बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर आ गया तो अगर बेटा फोर पेयर और वन लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री तो नहीं बदलेगी ज्योमेट्री नहीं बदलेगी लेकिन शेप बदलेगा शेप क्या हो जाएगी बेटा इस बार इसको बोलते हैं के शेप और क्या बोलते हैं सी सो और क्या बोलते हैं डिस्टॉर्टेड क्या बेटा डिस्टोर्टेड टेट्रा क्या बोलते हैं बेटा डिस्टोर्टेड टेट्राहेट्रल क्लियर तो इसकी शेप कैसे होती है तो आपको पता है पांच पोजीशन तीन इक्विटोरियल की और दो एक्सियल की तो लोन पेयर जितने भी आते चले जाए आपको कहां बनाना है इक्विटोरियल पे यानी कि जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसे तो सेंटर में बना दो एक्सियल वाली पोजीशन पे तो पेयर थे हैं बॉन्ड पेयर रहेंगे लेकिन इक्वेटोरियल पोजिशन में किसी भी दो पो, एक पोजिशन पे क्या बना दो लोन पेयर तो इसे बोलते हैं हम क्या टे डिस्टोटे टेट्राहेड्रल इसी को बोलते हैं सी सो इसी को बोलते हैं दैट इज शेप दिख रहा है ना शेप जैसा सी सो जैसा बचपन में झूला झूला होगा क्लियर इसका तीसरा पॉसिबल केस क्या बनता है बेटा तीसरा पॉसिबल केस बनता है कि थ्री पेयर और टू लोन पेयर आ जाए अगर थ्री पेयर और टू लोन पेयर आ जाए तो उस केस में शेप हमेशा 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 क्या रहेगी बेटा टी शेप अब एन की वैल्यू जब जब फाइव है लोन पेयर कहां जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो दोनों एक्सडीएल पे सराउंडिंग एटम्स बना दो बॉन्ड पेयर के साथ ये तीसरा इक्वेटोरियल पे बना दिया बॉन्ड पेयर और बाकी दोनों हो गए लोन पेयर इसे कहते हैं बेटा टी शेप ये तीन बॉन्ड पेयर हैं और ये दो लोन पेयर है पेयर और तीन लोन आ जाए तो जब जब टू पेयर और थ्री लोन पेयर आ जाए बिना किसी शक के शेप क्या हो जाएगी बेटा लीनियर हो जाएगी क्या हो जाएगी बेटा लीनियर हो जाएगी तो कैसे शेप लीनियर हो रही है तो ध्यान ये रखना था मैम हमें कि एक्सियल पे तो पेयर जाएगा ही जाएगा क्योंकि लोन पेयर एन इज इक्वल टू फाइव के तीनों लोन पेयर बना दिए बेटा इस तरीके से तो यह हो गया थ्री बॉन्डपेयर थ्री लोन पेयर टू बॉन्डपेयर क्लियर लास्ट केस था बस दो केस और रह गए बेटा उसके बाद क्वेश्चन की लाइन लगने वाली है ठीक है केस नंबर फोर्थ था नेक्स्ट बेटा केस नंबर फिफ्थ क्या पॉसिबल हो सकता है जब जब N की वैल्यू बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री डी टू था एसपी थ्री डी टू है एसपी थ्री डी टू रहेगा और जब जब हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू है तो उस केस में बिना किसी शक के जो इसकी ज्योमेट्री है ना बेटा इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी दैट इज ऑक्टा यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जब जब एस है हमेशा ऑक्टा रहेगा लेकिन शेप जरूर बदलती है तो शेप के लिए क्या पॉसिबल केस है बेटा इसके तीन पॉसिबल केस हैं पहला मान लो सिक्स बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर आ गया तो अगर सिक्स पेयर और जीरो लोन पेयर आ गया तो इसके भी दो पॉसिबल केस हैं ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं इसे और क्या बोल सकते हैं बेटा दैट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल मैम इनमें भी क्या डिफरेंस होता है अभी बताते हैं बेटा स्क्वायर बाय पिरामिडल टर्म यूज करना है जब सभी सराउंडिंग एटम की लेंथ अलग अलग नहीं हो और बेटा ऑक्टाहाइड्रल कब यूज करना है जब सबकी बॉन्ड लेंथ एकदम बराबर हो तो ध्यान से देखना बेटा इफ ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर सेम अगर सारे सराउंडिंग एटम्स सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उसे हम ऑक्टाहाइड्रल कह देते हैं एंड इफ सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो उसे हम स्क्वायर बाय पिरामिडल कह है देते हैं दोनों का एग्जाम्पल देख लो बेटा इसका एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज एस और और एग्जाम्पल है हमारे हमारे पास पास तो ये है हमारे पास, और स्क्वायर बाय पिरामिडल दोनों के केस में इस तरीके से होगा दोनों की स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे नेक्स्ट बेटा इसका दूसरा पॉसिबल केस क्या है इसका दूसरा पॉसिबल केस ये है कि मान लो फाइव बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर आ गया तो फाइव बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर अगर आ जाए तो उस केस में शेप क्या हो जाएगी बेटा शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल बेटा ज्योमेट्री नहीं बदलेगी ध्यान रखना स्क्वायर पिरामिडल तो अब इस केस में बना लेते हैं एग्जाम्पल देख लो बेटा अब एन इज इक्वल्स टू सिक्स केस में लोन पेयर को एक्सियल पे पहुंचा देते हैं ठीक है तो अब देखो ध्यान से ये रहा सेंट्रल एटम ये चार पोजिशन ऑन द प्लेन वाली और ये एक्सियल वाली और एक लोन पेयर आ गया तो ये हो गया हमारे पास फाइव बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर और इस शेप को कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल क्लियर इसका थर्ड केस क्या है बेटा इसका थर्ड केस जब फोर बॉन्ड पेयर और टू लोन पेयर आ जाए अगर फोर बॉन्ड पेयर और टू लोन पेयर आ जाए तो बिना किसी शक के इसकी शेप हो जाएगी बेटा स्क्वायर प्लेनर तो क्या शेप हो जाएगी चार सराउंडिंग एटम आपस में 90 डिग्री पे हैं और सेम प्लेन पे हैं और एक्सियल पोजीशन पे दो लोन पेयर प्रेजेंट है दैट इज स्क्वायर प्लेनर मैं भी देखती हूं बेटा कर लो तुम लोग बातें कितने बच्चे साथ साथ याद कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा जब मैं पूरे को एक फ्लो चार्ट पे बनाऊंगी है ना ऐसा करना क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर दूंगी बेटा याद मत करना तुम लोग नुकसान हो जाएगा ना बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा दैट इज केस नंबर सिक्स केस नंबर बेटा जब जब एन की वैल्यू सेवन आएगी बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन तो एस पी होगा ही और बिना किसी शक के जो ज्योमेट्री होगी ना वो तो हमेशा क्या रहेगी बेटा पेंटागोनल बाय पिरामिडल लेकिन बेटा यहां पे शेप चेंज होती चली जाएंगी क्या बेटा यहाँ पे शेप चेंज होती चली जाएंगी कैसे इसका केस नंबर वन सेवन बॉन्डपेयर जीरो लोन पेयर अगर सेवन पेयर और जीरो लोन पेयर हैं तो उस केस में इसकी शेप वही होगी जो इसकी ज्योमेट्री है is, पेंटागोनल बाय पिरामिडल रिप्रेजेंट करके बता देते हैं ये रहा सेंट्रल एटम अब इस बार फाइव सराउंडिंग एटम सेम प्लेन में है और दो प्रेजेंट है परपेंडिकुलरली एक्सियल फॉर्म में इसे हम कहते हैं क्या पेंटागोनल बाय पिरामिडल इसमें दूसरा केस पॉसिबल क्या बनता है बेटा देखना ध्यान से कि अगर सिक्स बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर आ जाए सिक्स बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर आ जाए तो इस केस में ये शेप कहलाती है पेंटागोनल पिरामिडल। लेकिन लोन पेयर कहां जाएगा बेटा एक्सियल पोजिशन पे तो क्या हो जाएगा बेटा ये रहा सेंट्रल एटम हमारे पास फाइव बॉन्ड पेयर है बिल्कुल ये हमने बना दी और लोन पेयर कहां जाएगा बेटा एक्सियल पोजिशन पे तो ये रहा एक्सियल वाला एक बॉन्ड एटम पेयर और ये रहा लोन पेयर तो क्या हो गया फाइव पेयर वन लोन पेयर इसे और क्या बोलते हैं? इसे हैंड्रल भी बोलते हैं इसका लास्ट केस एकदम एकदम लास्ट केस थर्ड वन कि मान लो फाइव बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर आ गए तो उस केस में बेटा शेप हो जाएगी दैट इज पेंटागोनल प्लेनर कैसे सारे जो सराउंडिंग एटम्स हैं है ना वो सेम प्लेन वाले सारे बॉन्ड पेर हो गए और एक्जेली हो गए दोनों लोन पेयर इसे बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर क्लियर तो अब मैं देखती हूं कितने बच्चों ने एकदम साथ साथ मेरे साथ याद किया है चलो बताते चले जाओ लोन पेयर पेयर की वजह से ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती न इसीलिए मैंने शुरुआत में ही ज्योमेट्री और शेप के बीच में डिफरेंस बताया है दैट ज्योमेट्री इज़ द थ्री डी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट 3d में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट और शेप और स्ट्रक्चर हमें बताती है बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट और बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्ट होते हैं है, है कि नहीं अब जल्दी से मुझे बताते चले जाओ एक फ्लो चार्ट बन जाएगा अपना यहीं पे ठीक है क्या फ्लो चार्ट बन रहा है n की वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन है ना ज्योमेट्री और चलो तो नेक्स्ट पे कर लेते हैं ऐसा एन की वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर लोन पेयर और शेप चलो तो बेटा जिनको याद है वो बताते चले जाना जिनको नहीं है बेटा याद कर लेना टाइम दे रही हूं ठीक है जब जब एन की वैल्यू टू आएगी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एस पी जोमेट्री हमेशा लीनियर और टू 0 जीरो पेयर तो शेप भी होगी लीनियर बिना किसी शक के एन की वैल्यू जब जब थ्री होगी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एस पी टू होगा और जोमेट्री हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होगी लेकिन शेप बदल सकता है अगर टू बॉन्ड पे अगर थ्री बॉन्ड पेयर अगर थ्री बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर है तो शेप बिना किसी शक के ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा लेकिन अगर टू बॉन्ड पेयर पेयर वन लोन है तो वी शेप हो जाएगा या बैंड शेप हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट एन की वैल्यू जब जब फोर आएगी हाइब्रिडाइजेशन बिना किसी शक के एस थ्री और एसपी थ्री जब जब हाइब्रिडाइजेशन होगा बिना किसी शक के ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी लेकिन क्या चेंज हो सकता है शेप अगर फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर हैं, तो टेट्राहेड्रल थ्री पेयर वन लोन पेयर हैं, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर टू पेयर टू लोन पेयर हैं, तो वी शेप और वी कैन से इट बेंट शेप देख लो बेटा ध्यान से जल्दी से देख लो नेक्स्ट एन की वैल्यू जब जब फाइव आएगी बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन एस होगा और जोमेट्री हमेशा ट्राइगोनल बायपेरा होगी इसमें पॉसिबल केस फाइव बॉन्डपेयर जीरो पेयर वन लोन पेयर थ्री पेयर टू लोन पेयर टू पेयर थ्री लोन पेयर तो फाइव प्लस जीरो में ट्राइगोनल बायपेरामिडल था फोर प्लस वन में क्या था बेटा के शेप सी सो डिस्टोर्टेड टेट्राहेट्रल थ्री प्लस टू दैट इज टी शेप टू प्लस थ्री दैट इज लीनियर देख लो बेटा यही तो पूरा बनाया था अभी हमने हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट शॉट लेने का टाइम दूंगी अमर ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से क्योंकि लास्ट के दो केस और लिखवा देती हूँ फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे यहां पे पॉस्टुलेट सेकंड को खत्म करेंगे ठीक है हाँ बेटा दे रही हूँ टाइम ले लो जल्दी से स्क्रीन मैम इतना सारा एक साथ कैसे बताए बेटा प्रैक्टिस सब याद हो जाता है पूरा फियर निकल जाएगा इन ऑर्गेनिक का अगर क्लास में 100 परसेंट फोकस के साथ प्रेजेंट रहोगे तो एक भी क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का गलत नहीं होने देंगे पेपर में हाँ हाँ हा, हो गई अमर साइड में हो गई मैं ले लो स्क्रीनशॉट बाकी दोनों केसेस भी लिखवा देती हूँ हालांकि मैंने सबका स्ट्रक्चर बना बना के दिखाया बेटा पढ़े आगे राधिका मैम ब्रेक दे दो बेटा दे देंगे ब्रेक भी दे देंगे चलो अभी दे, दे देंगे थोड़ी देर में ठीक है अभी दे, दे देंगे थोड़ी देर में आठ बजे दे, दे, दे देंगे बेटा ब्रेक अभी तो हमको पढ़ते पढ़ते ढाई घंटा हुआ है बेटा बस है ना थैंक यू मोनू तंवर जी चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जब जब एन की वैल्यू सिक्स आएगी है ना हाइब्रिडाइजेशन बिना किसी शक के एसपी थ्री डी टू होगा और जोमेट्री बिना किसी शक के ऑक्टा होगी लेकिन अगर सिक्स बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर फाइव बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर फोर बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर तो सिक्स प्लस जीरो में ऑक्टा भी हो सकता है और स्क्वायर बाय पिरामिडल भी हो सकता है क्लियर और अगर फाइव प्लस वन होगा तो क्या होगा बेटा स्क्वायर पिरामिडल क्लियर और अगर फोर प्लस टू है तो क्वायर प्लेनर ठीक है नेक्स्ट बेटा एन की वैल्यू जब जब सेवन है हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एसपी थ्री डी थ्री होगा ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल सेवन प्लस जीरो सिक्स प्लस वन फाइव प्लस टू तो सेवन प्लस जीरो पेंटागोनल बाय पिरामिडल सिक्स प्लस वन पेंटागोनल पिरामिडल पेंटागोनल पिरामिडल एंड फाइव प्लस टू में पेंटागोनल प्लेनर क्लियर है बेटा ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद थर्ड पॉस्टुलेट की तरफ बढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे थर्टी सेकेंड का टाइम दिया बेटा जल्दी से रिवाइज कर लो बढ़े आगे याद हो गया अगर आपकी वार्तालाप आप खत्म हो गई हो तो याद कर लो बेटा वन शॉर्ट में हमने कितना सब कुछ निकाल लिया मैंने आपको फ्लो चार्ट तक भी मैं बनवा रही हूं शॉर्ट नोट्स भी मैं दे रही हूं बेटा है शॉर्ट नोट्स भी मैं ही दे रही हूं कर लो यार याद सेकेंड पॉस्टुलेट डिस्कस किया था यहां पे हमने सबका शेप भी ड्रॉ कर लिया ठीक है अब कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम इसमें और अच्छे से प्रो हो जाए ठीक है उसके बाद पॉस्टुलेट नंबर थर्ड की तरफ बढ़ेंगे एग्जाम्पल ये है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मैं आपको सिर्फ मॉलिक्यूल का नाम दूंगी क्या बेटा मॉलिक्यूल का नाम दूंगी और आपको क्या बताना है उसके एन की वैल्यू यानी कि फिर आप बताओगे उसका हाइब्रिडाइजेशन फिर आप बताओगे उसकी ज्योमेट्री फिर आप बताओगे उसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर और फिर आप बताओगे उसकी शेप सब कुछ हमने आज ही कैलकुलेट करना सीखा है तो अगर हाइब्रिडाइजेशन पता है तो फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी पता है जोमेट्री भी पता है और शेप अभी अभी हमने सीखा ठीक है बच्चों जल्दी से चलो करोगे ना सॉल्व खो दिया मैं ही करा दू सब कुछ प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है शेप्स याद हो गई है अच्छी बात है लेकिन प्रैक्टिस होना भी इंपॉर्टेंट है क्लियर तो पहला मैंने आपको दे दिया सी एच फोर नेक्स्ट मैंने आपको दे दिया एक्ससी टू एफ फोर नेक्स्ट मैंने आपको दे दिया सी एल एफ थ्री नेक्स्ट मैंने आपको दे दिया आई थ्री माइनस चलो बेटा करो जल्दी जल्दी टाइम दिया है देखते हैं किसका आंसर आता है नेक्स्ट मैंने आपको दिया एसओ टू सी एल टू चलो यस सॉल्व करने का टाइम दे दिया देवराज पूरा एक मिनट दे दिया चलो आप तक तो स्पीड बन गई होगी ना हाइब्रिडाइजेशन पे हमने बारह तेरह एग्जाम्पल सोल्व किए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आ गया हाइब्रिडाइजेशन आता है तो शेप भी आती है ज्योमेट्री आती है ज्योमेट्री आती है तो सारी चीजें कुछ गलत लिख दिया क्या लास्ट में सही तो है पेंटागुल प्लेनर क्या गलत हो गया लास्ट में इसी को बोलते हैं बेटा डिस्टोर्टेड ऑक्टा ठीक है चलो करो सॉल्व बेटा देखती हूँ किसका आंसर आता है देखती हूँ कौन बनेगा डॉक्टर में कौन फर्स्ट आने वाला है यस सारी चीजें बतानी है यस राज सोनी वेरी गुड वेरी गुड जानवी वेरी गुड हर्षिता वेरी गुड राधिका ट्रिक टू ट्रिक जी लिख रहे हैं मैम ब्रेकअप दे दो ब्रेकअप कैसे देते हैं और बेटा ब्रेक है यार मैं दूंगी ब्रेक चिंता क्यों कर रहे हो यार एक टॉपिक तो होने दो थो थोड़ा सा चलो नंबर ऑफ बॉन्ड की ट्रिक अरे भाई अभी तो बताया है जो एन की वैल्यू आती है उसमें से जो सराउंडिंग एटम होते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं जो बच जाते हैं वो लोन पेयर होते हैं है, है। इजी चलो मैं करवा दू अब सॉल्व प्रकाश बेटा जो नहीं पढ़ रहे उन्हें मत पढ़ने दो आप उनको कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट मत करो जोमेट्री एनेस टू सेवन में रॉन्ग लिखी है ओ हा पेंटागोनल बायोरामेडल आएगा थैंक यू बेटा यस एक ही मंगवाओ फ्रिज में मत रखना बाहर चलो बेटा कर लिया है सबने हाँ चलो देखो अब ध्यान से सबसे पहले क्या दिया है सी एच फोर सी एच फोर में सेंट्रल एटम कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर फोर यूनिवेलेंस फोर प्लस फोर बाई टू किया आया फोर बिना किसी शक के हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री हाइब्रेडाइजेशन जब जब एसपी थ्री जोमेट्री टेट्राहाइड्रल फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर तो शेप भी हो गया टेट्राहाइड्रल क्लियर नेक्स्ट देखना बेटा एक्सी ओ टू एफ फोर

ऑक्टाहाइड्रल और शेप क्या हो जाएगी बेटा सिक्स पेयर और जीरो पेयर शेप क्या हो जाएगी स्क्वायर बाय पिरामिडल क्यों क्योंकि सारे सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल नहीं है नेक्स्ट सी एल एफ थ्री सेंट्रल एटम क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन प्लस थ्री यूनिवेलेंस पीसेस सेवन प्लस थ्री बाय टू किया आया फाइव हाइब्रिडाइजेशन आया एस पी थ्री डी ज्योमेट्री क्या आ गई बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल सराउंडिंग आइटम थ्री थ्री पेयर टू लोन पेयर शेप क्या हो गई बेटा टी शेप क्लियर है यस yes. नेक्स्ट बोलो बेटा आई थ्री माइनस सेंट्रल एटम आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन बाकी दोनों यूनिवेलेंस पीसेस सेवन प्लस टू प्लस वन कितना हुआ बेटा टेन बाइ टू फाइव आया एस पी थ्री डी कितने सराउंडिंग एटम लीनियर नेक्स्ट देखेंगे बेटा सेंटर एटम सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स सिक्स प्लस टू बाई टू किया आया फोर तो यहां से कितना आ गया बेटा तो ज्योमेट्री बिना किसी शक के और पेयर जीरो आंसर सेम आ रहे हैं बेटा दैट इज द सेकेंड पॉस्टोलेट बेटा हमने शेप्स निकालना सीख लिया पेयर लोन पेयर देखना सीख लिया क्लियर बॉन्ड एंगल देखना सीख लिया उनका जिसमें जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉस्टुलेट नंबर थर्ड इस केस में क्या होता है बेटा? इट डील्स विद बॉन्ड एंगल ये किसके साथ डील करता है बेटा बॉन्ड एंगल तो किसमें कितना बॉन्ड एंगल है ये कैलकुलेट तो हमने कर लिया कैलकुलेट तो हमने कर लिया लेकिन कंपेयर कैसे करें कि, कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किसका कम होगा ठीक है तो बॉन्ड एंगल अगर कभी भी कंपेयर करना हो तो ये वाला मेथड जो मैं लिखवा रही हूं दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एस पी एस पी टू एंड एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन वाले एग्जाम्पल्स का मैंने कहा था ना एक हाइब्रिडाइजेशन और कितना काम आने वाला है देखते चले जाओ ठीक है तो सबसे पहले कभी भी अगर आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो कभी भी आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो इन स्टेप्स को फॉलो आप करना क्या बेटा स्टेप नंबर क्या कैलकुलेट कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन क्या कर लो बेटा सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो सबका वो तो हमें बहुत अच्छे से निकालना आ गया हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद परसेंट एस कैरेक्टर जिसका जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा भाई स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है तो अगर हमें एस पी एस पी टू और पी थ्री दे दिया जाए तो सबसे ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर पी में होता है फिर एस पी टू में होता है और फिर पी थ्री में होता है एसपी में फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होता है एसपी टू में हो जाता है ठीक है सेवेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट और परसेंटेज ट्वेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट इधर थर्टी थ्री परसेंट क्लियर तो अब मैम अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम स्टेप को स्किप नहीं करना है इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम तब क्या करोगे बेटा दैन कंपेयर लोन पेयर तब क्या करना है बेटा तब आपको कैलकुलेट करना है लोन पेयर देखना भी आता है हां सीख चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर और लोन पेयर कैलकुलेट करने के बाद लोन पेयर जितने ज्यादा आएंगे लोन पेयर जितने ज्यादा आएंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा क्या बेटा लोन पेयर जितने ज्यादा आएंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा एंड इफ अगर लोन पेयर भी सेम आ गए तो इफ लोन पेयर आर सेम देन कंपेयर फिर क्या करना है बेटा फिर आपको कंपेयर करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कंपेयर करनी है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा है सराउंडिंग एटम से तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और अगर सराउंड सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सेंट्रल एटम से तो उसका बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली कम होगा आई एम रिपीटिंग वंस अगेन ऑल द स्टेप्स एक ट्रिक है जिससे आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल बस इतना याद रखो आइडियल स्ट्रक्चर्स का आइडियल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता फॉर एग्जांपल लीनियर का 180 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर का 120 डिग्री टेट्राहेड्रल का 109.828 मिनट नेक्स्ट थ्री ट्राइगोनल बाय बाइपाइरामिडल में एक 180 और बाकी सारे 120 डिग्री वाले ऑक्टाहेड्रल में सेम प्लेन वाले 90 ऊपर नीचे वाले 180 पेंटागोनल बाइपाइरामिडल में सेम प्लेन वाले 90 ऊपर नीचे वाले 180 तो ये ट्रिक को एक बार ध्यान से देख लो जब जब आपको मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए बोला जाए है सबसे पहले क्या करना है सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हमको आ चुका है मैंने आपको सिखा दिया सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन निकालने पर अगर sp3d या sp3d2 आ गया तो उसका तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा क्यों क्योंकि उसमें एक्सएल वाला वन डिग्री पे होता है और वन डिग्री से ज्यादा बॉन्ड एंगल होता ही नहीं है मॉलिक्यूल्स में लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 और SP3 आया तो जिसका परसेंट s जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा उसके बाद उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया मैम फिर कैलकुलेट करना लोन पेयर वो भी देखना आता है लोन पेयर जितना ज्यादा होगा रिपल्सन उतना ज्यादा करेगा जितना ज्यादा करेगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा तो क्लियर लिखवाया है लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम अगर लोन पेयर भी सेम आ जाए अगर लोन पेयर भी सेम आ जाए फिर क्या करना है फिर चेक करनी है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो लोन पेयर को खींच के रखेगा तो रिपल्जन नहीं करने देगा तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा क्लियर उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी सराउंड और मैम अगर सभी मॉलिक्यूल्स में ही सेंट्रल एटम की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो उस केस में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा एक बार ध्यान से देख लो फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा यस बेटा जल्दी से देख लो हो गया जी याद दे दू क्वेश्चन मैम इसका एक एग्जाम्पल एक, एक क्या बेटा दो कराऊंगी मैं चिंता क्यों कर रहे हो ठीक है स्क्रीन पे आपके सामने ये रहे क्वेश्चन पहले वाले में बोला है, करना है किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किसका कम होगा स्टेप को स्किप मत करना पहला स्टेप कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन अब मेरे को तो याद हो गया यार कि इन तीनों को इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया इसका हाइब्रिडाइजेशन भी एस बी थ्री इसका भी sp3 थ्री इसका भी sp3 और अगर तीनों का ही हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करोगे लोन पेयर से तो इसमें फोर बॉन्डपेयर जीरो पेयर बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर टू पेयर टू लोन पेयर लोन पेयर जितना ज्यादा लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम तो ये आ गया बॉन्ड एंगल का रटने की जरूरत ही कहां है रटने की जरूरत ही नहीं है सीधा सीधा बॉन्ड एंगल कंपेयर अब देखो मैंने कहा था ना वेस्ट थ्योरी में हम बहुत कुछ सीख जाएंगे बहुत कुछ सीख जाएंगे तो अभी हमने शेप निकालना सीख लिया बॉन्ड लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल कंपेयर कर पा रहे हैं और भी बॉन्ड पैरामीटर्स यहीं पे कवर कर लेंगे नेक्स्ट देखो क्या बोला सेकेंड वन सेकेंड वन में बोला एनएच फोर प्लस अमोनिया एनएच टू माइनस निकाल लो बेटा इनका भी बॉन्ड एंगल पहला स्टेप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो यार सेंट्रल एटम नाइट्रोजन

क्लियर है बेटा नेक्स्ट थर्ड वन देख लो बेटा थर्ड एग्जाम्पल क्या है सीओ टू बी एफ थ्री सी एच फोर अमोनिया एंड वॉटर जल्दी से इसका ऑर्डर बता दो यार स्टेप्स याद हुई या नहीं हुई स्टेप्स याद हुई या नहीं हुई पहला स्टेप कैलकुलेट हाइब्रिटाइजेशन परसेंटेज करेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा परसेंट एज सेम दैन कंपेयर लोन पेयर लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम लोन पेयर भी बराबर हो जाए तो क्या देखेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम राइट तो यहां पर देख लो बेटा ध्यान से इसका हाइब्रिडाइजेशन एस सही बोल रहे हैं इसका एस टू भाई अब तो कैलकुलेट करना सीख गए ना सेंट्रल एटम अच्छे से दिखाया है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 तो पहला स्टेप था कि परसेंट s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा इसका इससे ज्यादा और इसका इन तीनों से ज्यादा अब इन तीनों का कंपेयर करना है तीनों का कंपेयर करना है तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखने पड़ेंगे तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर बेटा इसके 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो सबसे ज्यादा किसका इसका इसका Clear है भाई। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो बेटा यस नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग करोगे जल्दी बताओ बेटा मुझे लगना चाहिए अच्छा लगना चाहिए मुझे लाइव क्लास लेने का नहीं तो अगली बार से रिकॉर्डेड मिलेगा लेक्चर बोलो जल्दी ना तो ना तो लास्ट में कोई शायरी सुनने को मिलेगी ना गाना सुनने को मिलेगा दे रही हूं बेटा ब्रेक मैंने बोला ना आठ बजे ब्रेक है आठ बजे ब्रेक है अपना डोंट वरी तीन घंटे बाद ब्रेक दे रहे हैं पहला उसके बाद थोड़ी थोड़ी जल्दी दे देंगे ठीक है पहला ब्रेक लेट इसलिए दे रहे हैं बेटा अभी तो हम पढ़ने के मूड में होते हैं चार से आठ तो इलेवंथ क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा है हर क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, है ना स्टार्टिंग में थ्री आवर्स कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक देंगे अब आपको खाना खाने का भी ब्रेक देंगे पानी पीने का भी देंगे चिंता मत करो करोगे क्वेश्चन बोलो जल्दी आज हम रिकॉर्ड तोड़ते हैं ठीक है चलो आंसर करते जाओ करो जल्दी से कंपेयर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दो मुझे जल्दी से बड़े आगे चलो बेटा निकाल दो इसका भी फोर्थ वन आंसर मत देना, तमाम दुनिया की बातें बता देना मुझे यहाँ पर है ना हॉस्टल में आठ बजे खाना मिलता है ये होता है वो होता है आठ बजे छोड़ रही हूँ ना आठ बजे ब्रेक दे रही हूं ठीक है और जिसको लाइव पढ़ना होगा वो आज की क्लास में रुकेगा ठीक है ना देखो बेटा क्या बोला है I3 थ्री माइनस बी सी एल थ्री एस आई सी एल फोर एच टू क्लियर क्या कंपेयर करना था बॉन्ड एंगल पहला स्टेप पहला स्टेप क्या था बेटा कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन इसका आया sp3d इसका कितना आया बेटा इसका कितना आएगा sp2 इसका sp3 इसका sp3 तो इन सब में सबसे ज्यादा परसेंटेज करेक्टर किसका है पर यहां पर एसपी वाला आ गया और एसपी वाले में बॉन्ड एंगल वन डिग्री होता है नहीं होता होता है सबसे ज्यादा इसका फिर इन तीनों में परसेंटेज करेक्टर अब यहां पर फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर तो यह आ गया ऑर्डर नेक्स्ट देख लो बेटा फिफ्थ वन क्या है एच टू ओ एच टू एस एच टू एस एच टू टी पहला स्टेप हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा बेटा इसका एस पी थ्री इसका भी एस पी थ्री इसका भी एस पी थ्री इसका भी एस पी थ्री अब क्या करें लोन पेयर निकालो टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर टू पेयर टू लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर टू पेयर टू लोन पेयर लोन पेयर भी सेम है नाउ कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा क्लियर है एकदम थर्ड पॉस्टुलेट जल्दी से बता दो बच्चों क्लियर है या नहीं क्या हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं आप देखो और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बॉन्ड एंगल से ठीक है पॉस्टुलेट नंबर फोर की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको

वो सारा हमने याद कर लिया और हमें याद रखना है थर्ड पॉस्टुलेट में हमने पॉस्टुलेट में हमने बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना सीख लिया अब फोर्थ पॉस्टुलेट में मैं आपको क्या लिखवाने जा रही हूं ध्यान से देखना फोर्थ पॉस्टुलेट कहता है इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर्स are bond pairs and there is no lone pair and there is no lone pair and all the surrounding atoms and all the surrounding atoms are आइडेंटिकल देन मॉलिक्यूल पोजेस देन मॉलिक्यूल पोजेजेस आइडियल शेप क्या हो जाती है उसकी शेप आइडियल शेप हो जाती है एंड बॉन्ड एंगल ऑफ आइडियल शेप्स मॉलिक्यूल्स इज सेम भाई स्टेटमेंट पे मत जाओ एग्जाम्पल से एकदम क्लियर बता देते हैं ठीक है ध्यान से देखो बेटा मेरे कहने का मतलब क्या है इस पोस्टूलिट को कहने का मतलब क्या है पॉस्टुलेट ये कह रहा है कि अगर अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकाला बॉन्डपेयर लोन पेयर निकाला बॉन्ड पे लोन पेयर निकालने के बाद एक भी लोन पेयर नहीं आया और उसका सारे सराउंडिंग एटम सेम आए तो उस केस में जो मॉलिक्यूल की शेप है वो आइडियल हो जाएगी मतलब अगर ऑक्टाहाड्रल थी और सारे सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल निकले तो आइडियल ऑक्टाहाड्रल ट्राइगोनल प्लेनर थी तो आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर और वो हर मॉलिक्यूल जिसकी शेप आइडियल ट्रायगोनल प्लेनर है उसका बॉन्ड एंगल कभी चेंज नहीं होगा देखना ध्यान से क्या कह रही हूं फॉर एग्जाम्पल एस आई सी एल फोर इन दोनों की जो शेप है वो है आइडियल टेट्राहेड्रल। तो दोनों का बॉन्ड एंगल एकदम सेम है 109.5 डिग्री देखना ध्यान से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर चार यूनिवेलेंट स्पीसेस डिवाइड बाय टू किया आया फोर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री फोर जीरो लोन एक तो एक भी लोन पेयर नहीं था और चार सराउंडिंग एटम थे तो चारों आइडेंटिकल थे आपस में सेम इसी तरीके से बेटा एक भी लोन पेयर नहीं है और सारे आइडेंटिकल है तो ये टेट्राहेड्रल तो आइडियल टेट्राहेड्रल कहलाएगा और वो हर मॉलिक्यूल जो आइडियल टेट्राहेड्रल है उसका बॉन्ड एंगल इतना ही होगा इन दोनों का बॉन्ड एंगल सेम है क्योंकि उनकी आइडियल शेप्स है एक और एग्जाम्पल देख लो बेटा इसका फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बी एफ थ्री बी सी एल थ्री थ्री इन तीनों मॉलिक्यूल का आप चाहो तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल लो और साथ के साथ ये देख लो कि क्या सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं सराउंडिंग बिल्कुल इसमें तीनों फ्लोरीन है इसमें तीनों क्लोरीन है और इसमें तीनों ब्रोमीन है तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 आने वाला है तीनों में बॉन्ड पेयर तीनों है एक भी लोन पेयर नहीं है और तीनों के आपस में जैसे कि बी एफ में तीन फ्लोरीन आइडेंटिकल बीसीएल थ्री में तीनों क्लोरीन आइडेंटिकल बीबीआर में तीनों ब्रोमीन आइडेंटिकल तो ये तीनों की जो शेप है वो है बेटा आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर तो तीनों का बॉन्ड एंगल एकदम सेम होगा 120 डिग्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने से सराउंडिंग एटम की बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आइडियल शेप दे रहा है क्लियर दैट इज पॉस्टुलेट नंबर फोर अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ठीक है क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे बताओ बच्चों आप आंसर बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल टेट्राहेड्रल बताओ बच्चों आंसर इसने बोला आइडियल टेट्राहेड्रल आइडियल टेट्राहेड्रल से एक चीज क्लियर हो गई आइडियल टेट्राहेड्रल से एक चीज क्लियर हो गई क्या क्लियर हो गया कि आइडियल बोला ना तो वो ऑप्शन तो पहले ही कंपटीशन से बाहर कर दो जहां पे सराउंडिंग एटम दो टाइप के हैं क्योंकि वो तो आइडियल हो ही नहीं सकता ठीक है वो कंपटीशन से बाहर कर दिया अब बाकी ऑप्शंस को ध्यान से देखो बेटा टेट्राहाइड्रल के लिए क्या चाहिए होता है फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर एस पी थी हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए देख लेते हैं किसका आ रहा है ये बेटा कुछ गलत गड़बड़ है बी ऑप्शन कुछ और रख देते हैं यार है ना कुछ और रख देते हैं ये टेट्राहाइड्रल नहीं था अमोनिया लिख देते हैं ठीक है यस yes, बेटा अब बताओ आंसर क्या आएगा तो आइडियल टेट्राहाइड्रल के लिए क्या चाहिए फोर पे जीरो लोन पेयर इसमें हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन sp3 थ्री आया लेकिन टू पे टू लोन पे लोन पेयर क्या आते हैं आइडियल की कैटेगरी से बाहर सराउंडिंग एटम दो टाइप के आते कैटेगरी से बाहर ये वाला देख लो कॉम्पिटिशन से बाहर क्योंकि थ्री पेयर वन लोन पेयर ये वाला देख लो बेटा सेंट्रल एटम सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स प्लस टू चार्ज डिवाइडेशन एस पी थ्री फोर जीरो ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल दैट विल बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा आंसर आइडियल ऑक्टा हेड्रल पूछा है आइडियल ऑक्टा हेड्रोल पूछा है तो इसका मतलब आइडियल जैसे ही बोला आइडियल जैसे ही बोला जहां पे दो टाइप के सराउंडिंग एटम है वो ऑप्शन कंपटीशन से बाहर कर दो उसके बाद हमें क्या चाहिए ऑक्टा बोला ना हाइब्रिडाइजेशन शुड बी एस पी थ्री सिक्स बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर और सारे सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल होने चाहिए तो यहाँ पे देखो बेटा सेंट्रल एटम जिनोन 8 प्लस सिक्स बाई टू किया कितना आया एन का वैल्यू सेवन आया सेवन आया तो ये ऑप्शन भी कॉम्पिटिशन से बाहर

क्लियर है एकदम यस yes, बेटा दस मिनट में देते हैं ब्रेक नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ बेटा आंसर क्या आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए पहले तो वो ऑप्शन कंपटीशन से बाहर कर दो जहां पे दो तरह के सराउंडिंग एटम प्रेजेंट है क्लियर अब क्या देखना है ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि n का वैल्यू sp2 थ्री बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर होगा और सारे सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल होंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर क्लियर है एकदम यस बेटा बता दो आंसर यहां पर n की वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर 4+2 किया 6x2 किया 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2

वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट बाई टू फोर कॉम्पिटिशन से बाहर क्लियर एकदम क्लियर एकदम जल्दी बोलो बेटा यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शो को, बेटा पूछ सकते हो यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर यह रहा क्लियर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अब हम एक और फॉर्मूला आपको बता देते हैं किस चीज का है बेटा बॉन्ड एंगल कंपेयर करना आ गया आइडियल शेप्स का बॉन्ड एंगल निकालना आ गया क्लियर अगर कभी यह कैलकुलेट करना पड़ जाए कि एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने हैं तो यह कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला है बेटा फैक्टोरियल एन अपॉन टू इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू लेकिन यहां पर एन हाइब्रिडाइजेशन नहीं है यहां पर एन है नंबर ऑफ सराउंडिंग सराउंडिंग क्या है बेटा नंबर ऑफ़ एग्जांपल के साथ बता देते हैं बेटा देख लो ध्यान से देखो बेटा PCL5 मैं फैक्टोरियल का मतलब भी बता रही हूं हमें यह तो पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमें आता है क्लियर हाइब्रिडाइजेशन आता आता है, pair, pair देखना आता है, लोन देखना लेकिन अगर हमें यहां पर यह निकालना हो कि पीसीएल फाइव में टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं क्या फॉर्मूला है बेटा देखना ध्यान से बेटा सराउंडिंग एटम कितने हैं पीसीएल फाइव में जल्दी बताओ बेटा सराउंडिंग एटम्स कितने हैं तो सराउंडिंग एटम क्लोरीन पांच है N की वैल्यू फाइव आ गई तो यहां पे बॉन्ड एंगल्स निकालने हैं कि इस मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने हैं तो क्या फॉर्मूला है फैक्टोरियल फाइव अपॉन टू इंटू फैक्टोरियल फाइव माइनस टू तो फैक्टोरियल क्या होता है बेटा वन तक मल्टीप्लाई करते जाओ और अगर समीशन होता तो वन तक सम करते जाओ तो फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे फैक्टोरियल फाइव को फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और अपॉन टू इंटू फैक्टोरियल फाइव माइनस टू कितना होता है बेटा फैक्टोरियल थ्री तो लिखा थ्री इंटू टू इंटू वन ये कैंसल आउट तो यहां से कितना आ गया टेन और वाकई में पीसीएल फाइव में टोटल टेन बॉन्ड एंगल्स होते हैं प्रूफ करके दिखा रही हूं बेटा देख लो ध्यान से ये पी फाइव है आपके सामने क्लियर? हर को नाम दे देती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव बेटा एक बॉन्ड एंगल है क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन सी एल वन फॉस्फोरस सी एल थ्री ये जो बॉन्ड एंगल है ये वन एटी डिग्री का है यहाँ तक कोई शक नहीं होगा सी एल फाइव फॉस्फोरस सी एल टू ये तीन हमारे पास एक सौ बीस डिग्री के हैं इनमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए ठीक है मैं लिख देती हूं सी एल फोर ये तीनों आपस में 120 डिग्री पे हैं कोई शक नहीं है ये ये वाला क्लोरीन इन तीनों क्लोरीन के साथ 90 डिग्री पे और ये वाला क्लोरीन इन तीनों क्लोरीन के साथ 90 डिग्री पे बना देते हैं ठीक है तीनों को बना देते हैं तो हमारे पास सी एल वन सी एल वन सी एल वन किसके साथ बेटा तीनों इक्वेटोरियल क्लोरीन के साथ तो सी एल टू सी एल फाइव सी एल फोर ये तीनों कितने हैं 90 डिग्री एज इट इज नीचे वाला क्लोरीन इन तीनों क्लोरीन के साथ 90 डिग्री पे तो सी एल थ्री सी एल थ्री सी एल थ्री तो सी एल टू सी एल फाइव एल फोर ये भी कितने हैं नाइंटी डिग्री तो एक मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने हैं कैसे निकाला सिंपल सा फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू एन क्या है बेटा एन है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम मेंशन किया इससे आप <coughs> किसी भी मॉलिक्यूल का क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसमें टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने हैं क्लियर यस चलो अगर ऐसा है तो ये रहे एग्जाम्पल बेटा करो इन्हें सॉल्व। ये रहे एग्जाम्पल कहा गए एग्जाम्पल अब आपको ब्रेक देते हैं। चलो ऐसा करते हैं ब्रेक देते हैं पहले खुश हो जाओगे तुम सारे हैं चलो बेटा आपको ब्रेक दिया मैंने ट्वेंटी मिनट्स का और जिसको हो वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ठीक है है ना तो आपको ब्रेक दिया जा रहा है फर्स्ट ब्रेक कितने बजे तक है ये टिल एट ट्वेंटी पी एम आठ बीस पे वापस मिलेंगे बेटा और जो हमने पढ़ा है अभी तक उस पर हम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बेटा अभी इस टाइम पे पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा है कि हम जितना करें उसको बहुत अच्छे से करें ज्यादा के पीछे मत भागो जितना है अगर उसको भी अच्छे से कर लिया ना आपके मार्क्स को कोई नहीं रोक सकता ठीक है तो मैंने आपको ब्रेक दे दिया है ट्वेंटी मिनट्स का ठीक है यस yes, आते ही स्टार्ट करेंगे आते ही स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चंस और फिर ऐसे ही जैसे वेस्पर थ्योरी है ना ऐसे ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे भी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये दो थ्योरीज इतनी मेजर हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ठीक है मेरा भी मन नहीं है ब्रेक देने का बट बच्चे परेशान हो रहे हैं ना बेटा कुछ बच्चों को लंच करना है ठीक है कंटिन्यू पढ़ेंगे आज डोंट वरी जिनको पढ़ना है उन्हीं के लिए मैं यहां पर हूं जिनको नहीं पढ़ना नो no इश्यूज ठीक है आपका ब्रेक स्टार्ट होता है बेटा टिल 8:20, जल्दी से जल्दी से फ्री हो जाओ हो गया ब्रेक कर लिया खाना पीना पानी पी लिया मिल गया ब्रेक खुश हो अब शुरू हो जाए फिर से यस चलो बेटा स्टार्ट करें क्लास हो गया ब्रेक यस yes. बच्चों स्टार्ट चलो स्टार्ट करते हैं वापस से जो हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट करना सीख रहे थे ठीक है रिज्यूम कर दिया वीडियो यस फॉर्मूला बताया था फॉर्मूला बताया था ठीक है अप्लाई करते हैं चलो जिन्होंने कैलकुलेट किया आंसर्स बता दो तो, चलो अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड एंगल्स कैसे कैलकुलेट करना है जैसे कि सी एच फोर है ठीक है सराउंडिंग टोटल कितने हैं फैक्टोरियल अपॉन आ गया बेटा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू इंटू वन ये कैंसल आउट कितना आ गया बेटा टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने हैं सिक्स वेरी गुड दीक्षा राव वेरी गुड ईशा पारिकर ठीक है सिक्स टेन फिफ्टीन थ्री सिक्स इसमें आया होगा टेन बिल्कुल इसमें आया होगा फिफ्टीन बिल्कुल और इसमें आया होगा थ्री बिल्कुल एब्सोल्यूटली राइट आंसर एनी वन एल जिसको डाउट हो बेटा टोटल बॉन्ड एंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल सही बेटा सारे आंसर्स करेक्ट हैं चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं करो बेटा इनके भी बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट कर दो जल्दी से क्या दिया बेटा फिफ्थ वन दैट इज थ्री एफ टू सराउंडिंग एटम कितने बेटा फाइव बॉन्ड एंगल्स निकाल देते हैं फैक्टोरियल फाइव अपॉन टू इंटू फैक्टोरियल फाइव माइनस टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस टू यानी कि फैक्टोरियल थ्री ये कैंसल आउट कितना आ गया बेटा टेन बॉन्ड एंगल्स नेक्स्ट बेटा वन थ्री टोटल बॉन्ड एंगल्स कितना आ जाएगा बेटा फैक्टोरियल थ्री अपॉन टू इंटू फैक्टोरियल थ्री माइनस टू कितना आ गया बेटा थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाय टू इंटू वन कितना आ गया बेटा थ्री बॉन्ड एंगल्स नेक्स्ट देखो बेटा एक्सी सराउंडिंग एटम थ्री है क्लियर बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट कर देते हैं कितना आएगा अगेन थ्री नेक्स्ट वन सराउंडिंग एटम है फोर फ्लोरीन दो ऑक्सीजन तो टोटल बॉन्ड एंगल्स कितने आ रहे हैं बेटा फैक्टोरियल सिक्स अपॉन टू इंटू फैक्टोरियल सिक्स माइनस टू कितना आ गया सिक्स इंटू फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर डिवाइड बाई टू इंटू फैक्टोरियल फोर कितना आ गया बेटा यहां से फिफ्टीन क्लियर है बेटा एकदम एकदम क्लियर हो गया टोटल बॉन्ड एंगल्स निकाल दिए हमने नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ अभी हमने जितना भी पढ़ा उसको जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ठीक है यस yes. जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं विदाउट हैजिटेशन बिना सोचे समझे सॉल्व करना शुरू करो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेशन भी क्लास में होगा बेटा ताकि सब कुछ याद हो जाए बायो वालों को फैक्टोरियल बता रहे हो बता दिया मैंने फैक्टोरियल का मतलब बहुत इजी है बेटा फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी बताऊंगी वो भी समझ जाएगा वन तक मल्टीप्लाई करते रहना है बस ठीक है यस yes. बोलो बेटा क्या करेक्ट आंसर आएगा यहां पर yes. इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग फोर बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर अभी याद किया था क्या कहते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा द शेप ऑफ आई एफ फोर प्लस विल बी सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सेंट्रल एटम आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन प्लस फोर यूनिवैलेंट स्पीसीज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस कर देंगे डिवाइड बाय टू करेंगे कितना आ गया बेटा सेवन एट नाइन टेन इलेवन माइनस वन किया टेन टेन बाय टू किया आया फाइव क्लियर है यस yes. क्या आंसर आएगा बच्चों बोलो जल्दी से फोर बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर कितना आ जाएगा बेटा आंसर सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन माइनस वन ठीक है ठीक है यस फोर बॉन्ड पे वन लोन पेयर क्या आंसर आ जाएगा कुछ तो गड़बड़ लग रही है फोर बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर शेप पूछा है हमसे यस yes. क्या आ जाएगा बेटा आंसर बिल्कुल डिस्टोर्टेड होना चाहिए बेटा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होना चाहिए तो हम सी ऑप्शन को डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल कर देते हैं ठीक है सो करेक्ट आंसर विल बिकम दैट इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल क्लियर है एकदम यस बिल्कुल सी सो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल यही आंसर आएगा बच्चों वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा विच ऑफ हैज़ पिरामिडल शेप क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में इनमें से किसकी शेप पिरामिडल होती है पिरामिडल शेप किसे बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल को पिरामिडल शेप बोलते हैं अब ट्राइगोनल पिरामिडल बोला है तो ये कब आता था बेटा जब थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर आता था जब एन का वैल्यू फोर होता था बी एफ थ्री से बाहर क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी है इस केस में थ्री पेयर जीरो लोन पेयर है नेक्स्ट बेटा एच थ्री ओ प्लस में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है करेक्ट आंसर क्लियर है यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा विच ऑफ द हैज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में इनमें से किसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगी बेटा स्क्वायर प्लेनर होने के लिए क्या चाहिए स्क्वायर प्लेनर होने के लिए फोर बॉन्ड पेयर और टू लोन पेयर चाहिए क्लियर यस चेक कर लेते हैं यहां पर देखो बेटा सेंट्रल एटम कौन नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव प्लस फोर यूनिवेलेंस पीसेस जितना प्लस है उतना माइनस कर देंगे डिवाइड बाई टू किया कितना आ गया बेटा नाइन माइनस वन एट एट बाई टू किया आया फोर क्या है बेटा फोर पेयर जीरो ऑप्शन कॉम्पिटिशन से बाहर नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे बेटा के जितना minus है उतना plus करेंगे डिवाइड बाय टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट बाय टू किया आया फोर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री और इस केस में भी फोर पेयर जीरो लोन पेयर कॉम्पिटिशन से बाहर नेक्स्ट बेटा एक्सी एफ फोर सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट प्लस फोर किया कितना आ गया बेटा सिक्स हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू फोर बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर एप्सल्यूटली राइट आंसर क्लियर है क्लियर है एकदम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ एस एफ फोर सी एफ फोर एक्सी एफ फोर आर सेम विद टू जीरो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली पहली बात पहला ऑप्शन कॉम्पिटिशन से बाहर पहला ऑप्शन कॉम्पिटिशन से बाहर क्यों किया बेटा बोलो पहला ऑप्शन कंपटीशन से बाहर इसलिए हुआ क्योंकि लोन पेयर अगर डिफरेंट हो तो शेप कभी भी सेम नहीं हो सकती नेक्स्ट बोला बेटा सेम विद ये भी ऑप्शन कॉम्पिटिशन से बाहर डिफरेंट विद जीरो पेयर यानी कि हमें लोन पेयर निकालने पड़ेंगे चलो लोन पेयर निकाल लेते हैं क्या है बेटा एस एफ फोर सी एफ फोर एंड एक्स सी एफ फोर सेंट्रल एटम सल्फर है कितना आ गया बेटा फाइव फोर बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर ठीक है नेक्स्ट बेटा सी एफ फोर सेंट्रल एटम कार्बन फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर यूनिवेलेंस पीसेस डिवाइड बाई टू आया फोर क्लियर तो यहां से फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सीट प्लस कितना आया फोर बॉन्ड पेयर पेयर टू लोन तो ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये पहली बात तो इनकी शेप डिफरेंट होगी क्यों क्योंकि पहले में वन लोन पेयर है दूसरे में जीरो और तीसरे में दो लोन पेयर है तो फोर्थ ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर क्लियर है बेटा एकदम देख लो जल्दी से जल्दी से देख लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो स्ट्रक्चरल के क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीस क्या होती है ठीक है यस तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीस कौन सी स्पीसीज होती है बेटा स्पीसीज हैविंग क्या बेटा स्पीसीज हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपीट कर रही हूं बेटा ध्यान से सुनना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें सिमिलर होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन वहीं पे बेटा आइसो स्ट्रक्चरल क्या होती है बेटा स्पीसीज बोल लो मॉलिक्यूल्स बोल लो सिमिलर शेप वो मॉलिक्यूल्स <coughs> वो स्पीसीस जिनकी शेप सिमिलर होती है वो क्या होती है बेटा आइसो स्ट्रक्चरल और शेप निकालना हम सीख चुके हैं वेस्पर थ्योरी में और शेप सिमिलर होने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर उनके बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है तो वो आइसो स्ट्रक्चरल होंगी कह सकते हैं बेटा इसी बात पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आईसो स्ट्रक्चरल और आईसोस्ट्रक्चरल होने के लिए क्या चाहिए बेटा हमें चाहिए कि उनकी शेप सिमिलर होनी चाहिए ठीक है शेप निकालनी है तो निकाल निकालना आना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं तो पहला केस देखो बेटा सेंट्रल एटम जिनोन है किया आया 5, hybridization, SP3D. दो यूनिवेलेंस पीसेस जितना माइनस है उतना प्लस कर लेते हैं डिवाइड बाई टू किया आई एफ फाइव और टू बॉन्ड पेयर थ्री लोन पेयर बिल्कुल ये दोनों आपस में आईसो स्ट्रक्चर देख लो बेटा ध्यान से क्लियर है एकदम सिंपल क्या पूछा है कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल है नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द रिलेशनशिप आपको इनका रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है कि ये है या नहीं तो आइसोस्ट्रक्चरल के लिए क्या देखना है बेटा सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा सी एच थ्री माइनस एंड अमोनिया इलेक्ट्रॉन काउंट करना सबको आता है वेरी गुड इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है अगर मॉलिक्यूल पे जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस कर देंगे और जितना प्लस है उतना माइनस कर लेंगे ठीक है तो आप देखो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने थे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा उसका एटॉमिक नंबर सिक्स एक हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर तीन का तीन हो गया जितना माइनस है उतना प्लस करेंगे कितना आ गया बेटा टेन तो सी एच थ्री माइनस में टेन इलेक्ट्रॉन्स हैं अमोनिया में कितने है बेटा नाइट्रोजन के नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सेवन यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं क्या कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ये गलती मत करना बेटा आपको यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं दैट इज देर एटॉमिक नंबर क्लियर सेवन प्लस थ्री दैट इज इक्वल्स टू टेन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो यस yes, हम इनको कह सकते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है अगर हमें चेकआउट करना है कि ये आइसो स्ट्रक्चरल है या नहीं तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल के आ जाएगा देखो बेटा ध्यान से CH3- की अगर मैं बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर प्लस थ्री यूनिवेलेंस पीसेस जितना माइनस है उतना प्लस करेंगे तो यहां से कितना आ गया एट बाई टू दैट इज फोर थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल सेम इज इट इज फॉर अमोनिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव प्लस थ्री यूनिवेलेंस डिवाइड बाई टू कितनाट बाई टू फोर हाइब्रेडाइजेशन एस पी थ्री अगेन बेटा थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर तो ये भी कैसा हो गया ट्राइगोनल पेरामिडल ट्राइगोनल पिरािडल सो बोथ आर आइसो स्ट्रक्चरल ऑल्सो तो ये दोनों स्पीसेस आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसोस्ट्रक्चरल भी है क्लियर बेटा नेक्स्ट वन जल्दी से बता दो बेटा यहीं पे बता दो मैंने एक सॉल्व करके बता दिया आप बाकी बताओ जल्दी से सेकेंड का आपस में क्या रिलेशन है जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आइसोस्ट्रक्चरल तो है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो कैसे सेलेनियम और यहां पर बी क्लियर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है इधर आइसोस्ट्रक्चरल है लेकिन यह भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों नहीं है बेटा बताओ जल्दी से क्योंकि इनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है क्लियर दिख रहा है कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है क्लियर है क्यों भाई दिख रहा है ना भाई तीन तीन क्लोरीन है एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH4 है सिर्फ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बताओ बेटा जल्दी से इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है जल्दी से बताओ बेटा फोर्थ वाला मैं करके बता देती हूं आप बाकी दो करो SO3 -2ClO3 बेटा जब PYQs डिस्कस करेंगे आप ये फील करोगे कि सिंपल से कंसेप्ट क्वेश्चंस कितने बार आया हुआ है ऑल्टरनेट ईयर्स में आया हुआ है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है ठीक है यस yes, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है देखो एसओ थ्री माइनस टू हां बेटा बताओ जल्दी क्या रिलेशन आ रहा है यहां पर भी यस yes, यस yes, देख लो बेटा यहां पे सल्फर की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर सिक्सटीन एट थ्रीजा ट्वेंटी फोर प्लस टू तो यहाँ से कितना आ गया यहाँ से आ गया हमारे पास टू थ्री फोर्टी टू आ गया इसके इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं क्लोरीन का एटोमिक नंबर सेवनटीन प्लस एट थ्री सा ट्वेंटी फोर प्लस वन तो कितना हो गया सेवनटीन प्लस वन एटीन एटीन प्लस ट्वेंटी फोर अगेन फोर्टी टू सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक अब ये भी अगर देखना है कि आइसो स्ट्रक्चर है या नहीं ये भी निकाल लेते हैं ठीक है आंसर बताओ बेटा क्या आ रहा है सीएल और एसओ थ्री माइनस टू हाइब्रेडाइजेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का सिक्स नो यूनिवेलेंस पीसेस जितना माइनस है उतना प्लस कर दो डिवाइड बाई टू किया कितना आ गया बेटा एट बाई टू दैट इज फोर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर सीएल थ्री माइनस का निकाल लेते हैं क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन प्लस वन बाई टू आया फोर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पे दोनों के बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है तो आइसोस्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल तो होगा ही होगा यस बेटा बाकी दो का भी आंसर कर दो जल्दी से यस बाकी दो का भी जल्दी से आंसर कर दो बेटा क्या आ रहा है यस वेरी गुड राज सोनी यस वेरी गुड समृद्धि देखो यहां पर रिलेशन निकालोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट एट प्लस टू किया टेन टेन बाई टू किया टू बॉन्ड पे थ्री लोन पेयर आईसो स्ट्रक्चरल है आईसो स्ट्रक्चरल है लेकिन आईसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है नॉट आईसो इलेक्ट्रॉनिक नेक्स्ट वन देखेंगे बेटा बी एच थ्री सी एच थ्री माइनस ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी फोर फाइव सिक्स सेवन एट थ्री प्लस थ्री नहीं ये अलग अलग आ रहा है ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं आ रहा क्यों क्योंकि बोरून के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा थ्री थ्री प्लस थ्री किया सिक्स सिक्स बाई टू किया आया हमारे पास थ्री एसपी टू कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो नॉट आइसो स्ट्रक्चरल क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक है निकाल लेते हैं सिक्स सेवन एट नाइन टेन फाइव सिक्स सेवन एट ना तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक है ना ही आइसोस्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल है देख लो बेटा ध्यान से एक बार जल्दी से यस बेटा क्लियर है एकदम यस क्लियर है एकदम बेटा बी एच थ्री सी एच थ्री माइनस का भी यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो तो पूछ सकते हो यार क्लियर है ना नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा पॉस्टुलेट नंबर फाइव ठीक है वो ये कहता है दैट डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड भाई जब सारे सिंगल बॉन्ड थे तब तो हमने बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना सीख लिया लेकिन कभी अगर एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी हुआ और सिंगल बॉन्ड भी हुआ तो हम बॉन्ड एंगल को कैसे निकालेंगे वो देखो बेटा ये अगर फाइव वन है ये अगर फाइव टू है और ये अगर फाइव थ्री है तो फाइव वन और फाइव थ्री तो बराबर होंगे और दोनों ही ज्यादा होंगे टू से यह हमेशा ध्यान रखना बेटा जब जब कभी भी करने को आ जाए तो उसमें ये चीज ध्यान रखना बेटा? Next, आगे की तरफ बढ़ते हैं दैट इज बॉन्ड लेंथ बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होती है बॉन्ड लेंथ इज ऑल अबाउट डिस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स भाई बॉन्ड लेंथ को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स बिल्कुल सही बात है जी दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं तो अगर बॉन्ड लेंथ के रिलेशंस हमें डिराइव करने हो तो क्या हम कह सकते हैं बेटा That bond length is directly proportional to the size of atom. भाई atom का size जितना ज्यादा होगा atom का size जितना ज्यादा होगा distance दोनों atom के बीच में उतना ज्यादा होगा. Next बेटा that is inversely proportional to bond strength. Bond length जितनी कम होगी डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिंपल वर्ड्स में बोले तो बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं दैट इज एनर्जी रिक्वायर टू डिसोसिएट टू डिसोसिएट अ बॉन्ड उसे हम क्या कहते हैं बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अब आप खुद बताओ कितनी सिंपल सी बात है सारे बॉन्ड पैरामीटर कंपेयर हो गए अब दो एटम है दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है जो बॉन्ड है साइज एटम का जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतना ज्यादा डिस्टेंस जितना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम भाई जब दूरियां बढ़ जाती हैं लोगों से जब दूरियां बढ़ जाती हैं डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उस केस में बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है क्यों क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है तो जितना ज्यादा डिस्टेंस रियल लाइफ से इमेजिन कर सकते हो इसको जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी कितनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा साइज होगा और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी दूरियां जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना मजबूत नहीं होगा और मजबूत नहीं होगा तो तोड़ भी सकते हैं आसानी से तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो वी कैन कंपेयर दैट बॉन्ड लेंथ विद दीज ऑल थ्री पैरामीटर्स जो हमने अभी अभी पढ़ा ठीक है और कैसे कंपेयर कर सकते हैं दैट इज जैसे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना इसको हमने इससे कंपेयर किया अब जब हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो इसे हम और अच्छे से कंपेयर कर लेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा अभी पढ़ाएंगे ये रेजोनेंस में भी आएगा ये रेजोनेंस में भी आएगा और ये साथ के साथ एमओटी में भी आएगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ठीक है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज परसेंट एस करेक्टर क्योंकि परसेंट एस करेक्टर उतना ज्यादा होता है जितने ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं क्लियर नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा क्या पूछा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉन्ड लेंथ हमें क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है ठीक है जी कर देते हैं hf hcl hbr hi क्लियर हाइड्रोजन सब में कॉमन है तो अब इनका डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है इनका डिस्टेंस अब डिपेंड करता है एटम के साइज पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिस एटम का साइज जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी अभी अभी हम पढ़कर आए हैं नेक्स्ट बेटा यहां पर सारे एटम सेम हैं। तो हमने कहा था ना दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट कैरेक्टर तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो इसका हाइब्रिडाइजेशन एस इसका हाइब्रिडाइजेशन एस इसका हाइब्रिडाइजेशन एस मैम आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल रहे हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अभी अभी बताया था तो जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होंगे जितना ज्यादा ज्यादा परसेंट एस होगा उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी और उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी फिर इसकी नेक्स्ट बेटा यहां पर भी सेम यहां पर बेटा तीनों में कार्बन तो कॉमन था तो अब बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है साथ वाले एटम पे डिपेंड कर रही है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है साइज डिक्रीज होता है तो उस केस में बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो रही है क्लियर बेटा सारे बॉन्ड पैरामीटर्स वाले क्वेश्चंस आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो क्लियर नेक्स्ट देख लो बेटा अरेंज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल इनमें से कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है जल्दी से बता दो यार जल्दी से आंसर निकाल के बता दो यह क्वेश्चन आप लोग करोगे अभी अभी बताया मैंने जब सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक और अगर सिमिलर स्ट्रक्चर होती है तो हम उसे बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल बोलो जल्दी से क्या आंसर आएगा यस yes. बिल्कुल ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है 54 फोर प्लस एट थ्रीज ट्वेंटी फोर हेयर एट थ्रीज ट्वेंटी फोर इधर फिफ्टी थ्री प्लस वन आईसो इलेक्ट्रॉनिक है आईसो स्ट्रक्चरल भी है सेवन प्लस वन एट बाई टू किया एट बाई टू किया दोनों में हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पर लोन पेयर सेम आ रहा है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इन फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल Ithylene किसे बोलते हैं बेटा इथाइलीन बोलते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इसी को इथिन बोलते हैं और इसी को इथाइलीन बोलते हैं क्या बोला है बेटा इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलीन मॉलिक्यूल कार्बन एटम मेक्स यूज ऑफ सिंपल कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है बता सकते हो बेटा कैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है दो सिग्मा बॉन्ड ये रहे एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा तीन सिग्मा बॉन्ड से है, तो एन की वैल्यू जब जब, जब एस पी टू सो करेक्ट आंसर विल बिकम पी टू हाइब्रिडाइजेशन, देख लो बेटा ध्यान से क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा रीड आउट करो सारे स्टेटमेंट और बताओ क्या आंसर आएगा क्वेश्चन में बोला है हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जीज ये तो एकदम करेक्ट है भाई इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट एक्जैक्टली क्योंकि इक्वल एनर्जी होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म यहां पर मिसिंग है बेटा यहां पर था सिग्मा और पाई बॉन्ड तो बेटा ये ध्यान रखना और ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी कि सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हैं लेकिन पाई बॉन्ड

तो ये गलत स्टेटमेंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा पाई दोनों बना सकता है पाई नहीं बना सकता तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया क्लियर शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन ओनली समवेयर इट इज राइट क्योंकि शेप भी डिपेंड करती है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसी के बाद हम उसके बॉन्ड पे लोन पे निकालते हैं ठीक है यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सीओ टू इज आइसो स्ट्रक्चरल विद तो पहले तो सीओ टू की शेप हमें पता होनी चाहिए एन की वैल्यू फोर बाई टू किया आया टू टू बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर शेप आ गया दैट इज लीनियर अब आप बता दो किसका शेप लीनियर आ रहा है या किसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी आ रहा है देख लो बेटा सेंट्रल एटम का सी टू एच टू एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच sp एस पी तो बोल सकते हैं सी टू एच टू इज आईसो स्ट्रक्चरल विद दिस Yes, बेटा क्लियर है एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एफ सिक्स जब एस एफ सिक्स का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कैसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स प्लस सिक्स पीसेस डिवाइड बाई टू यहां से आया सिक्स तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2 तो हमसे पूछा है कि ये कौन से ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करता है तो हमेशा ध्यान रखना बेटा एक एस और तीनों पी तो आई गए आए लेकिन अगर, बात आती है की, तो, अगर है, तो ये इन्वॉल्व करता है ऑन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल को तो कौन से डी ऑर्बिटल्स को ये इन्वॉल्व करेगा बेटा डी एक्स को वाई स्क्वायर को और डीजेड स्क्वायर को सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए क्लियर एस एफ सिक्स में पूछा गया है कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं तो ऑन द एक्सेस वाले होते हैं दोनों अगर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी होता तो ये डी डी स्क्वायर होता है ठीक है कभी कंफ्यूज मत होना अगर ऑक्टाहाइड्रल है तो दोनों ऑन द एक्सेस वाले और अगर ट्राइगोनल बायोरामिडल है एसपी थ्री डी है तो उसमें डीजाट स्क्वायर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन एसो टू निकाल लेते हैं सल्फर ऑप्शन बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल वी गेट जब एक एस और एक पी ऑर्बिटल

नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा द स्पीस इन विच द सेंट्रल एटम यूजेज एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डिंग हमसे सिंपली ये पूछा है कि कहां पर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है हमें सिर्फ इतना बताना है ठीक है तो निकाल लो यार ये तो एस पी थ्री एस पी थ्री है यहां पर सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फोर फोर प्लस थ्री किया सेवन सेवन माइनस वन किया सिक्स सिक्स बाई टू किया थ्री एसपी टू क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉलिक्यूल दैट हैज लीनियर स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा टू बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर होगा तो भी लीनियर होगा करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए आंसर मैच कर लो बेटा आपने स्पीड में आंसर आने चाहिए यस देवराज मुखर्जी एब्सोल्युटली राइट आंसर वेरी गुड वेरी गुड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा द ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सल्फर इन एस एफ सिक्स एस एफ सिक्स के अंदर सल्फर की ज्योमेट्री पूछी है ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम करेक्ट आंसर विल बिकम ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया बॉन्ड पेयर लोन पे देखना सिखा दिया क्लियर क्लियर आंसर आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल क्लियर है बेटा देख लो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा इन द हाइड्रोकार्बन एक हाइड्रोकार्बन आपको दे रखा है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछा है फर्स्ट कार्बन का थर्ड कार्बन का और फिफ्थ कार्बन का जब जब-जब मॉलिक्यूल की शेप दे रखी है तब तब आप मेथड सेकंड अप्लाई करोगे हाइब्रिडाइजेशन का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लोन पेयर किसी के पास भी नहीं है लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो है तो ध्यान से देखो बेटा फर्स्ट वाले के पास एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है और एक इस कार्बन के साथ है। दो सिग्मा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस इसको देखो बेटा दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा एक ये रहा एक ये रहा थ्री इधर देखो बेटा तीन सिग्मा एसपी टू सो करेक्ट आंसर विल बिकम एसपी एसपी थ्री एंड एस पी टू सिंपल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने वेरी गुड बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा द बीसीएल थ्री इज प्लेनर वेयर एज एन सी एल थ्री इज पिरामिडलेशन एस पी थ्री थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर तो भाई ये पिरामिडल है और ये प्लेनर क्यों है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास लोन पेयर नहीं है तो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी क्लियर है एकदम पढ़ लो ध्यान से यस क्लियर है बेटा एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज अभी अभी मैंने बताया था जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी नाउ यू कैन कंपेयर सबसे ज्यादा एसपी देन एस पी टू एंड देन एसपी थ्री है? अभी तक जो हमने पढ़ा है हम उन्हीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा देखो यहाँ खत्म होते हैं अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर मैं बात करूं बेटा उसका सिग्निफिकेंस केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा कम है और आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वहां पे इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है बट कोई बात नहीं क्योंकि इट इज मैं तो हमें डिस्कस तो जरूर करना है बेटा अभी तक जिस ओवरलैपिंग की हम बात कर रहे थे वो ओवरलैपिंग का स्टार्ट हुआ था बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ही कहा था कि कोई भी एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें म्यूचुअली शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं लेकिन जब भी कोई बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में तो वहां दो तरीके के फोर्स होते हैं किस तरीके से देखना बेटा ध्यान से कैसे वो दो फोर्स काम करते हैं मान लो हमारे पास दो एटम है एक है एटम ए और एक है एटम बी ये एटम ए का न्यूक्लियस ये इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये एटम बी का न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन तो होता क्या है बेटा इसको हम मेंशन कर देते हैं दैट ये इलेक्ट्रॉन है बी एटम का ये न्यूक्लियस है बी एटम का ये इलेक्ट्रॉन है बी एटम का ये न्यूक्लियस है ए एटम का इलेक्ट्रॉन है ए एटम का ठीक है अब क्या होता है बेटा कौन से दो तरीके के फोर्स काम करते हैं यहां पर फोर्स काम करते हैं दो तरीके के कैसे बेटा इस का जो न्यूक्लियस है वो साथ वाले एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ क्या शो करता है बेटा सेम उसी तरीके से इस एटम का न्यूक्लियस इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिप्रेजेंट करता है एट्रैक्शन तो यहां पर तो इनके बीच में क्या हो रहा है बेटा एट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है और एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होती है एनर्जी उतनी रिलीज होती है नेक्स्ट बेटा लेकिन जब ये दोनों एटम पास आ रहे थे पास क्यों आ रहे थे अट्रैक्शन की वजह से इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ लगा पड़ा है इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ लगा पड़ा है लेकिन जैसे जैसे ये पास आने लगे और पास आने लगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है और जो दोनों सिमिलर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं बेटा वो आपस में रिपल्सन करते हैं यहां काम कर रहा है एट्रैक्शन और यहाँ काम कर रहा है रिपल तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो भी दो आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं उसके लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरऑल ज्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्जन से तभी कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा दैट इज़ द रीज़न कि काफी मॉलिक्यूल ही नहीं, नहीं तो किसने था बेटा दैट इज प्रपोज बाय हिटलर एंड लंडन एंड इंप्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट पॉलिंग दिस थ्योरी इन्वॉल्व ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट जो ओवरलैपिंग मैंने आपको एक्सियल और दूसरा कोलेट्रल ओवरलैपिंग बताया था वहां पर जो ओवरलैपिंग है, है? दो आटम के बीच में जो दो तरीके के फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्जन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वैन टू एटम्स अप्रोच इज इच अदर दे रिपल्सन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अट्रैक्शन होता है और किस तरीके से रिप्रजन होता है ठीक है नेक्स्ट बेटा अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी वो अटेन करेगा और उतनी कम एनर्जी वो रिलीज करेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस कहां लग रही हैं? बता दिया मैंने ए का न्यूक्लियस किसके साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन बी वाले के साथ और b का न्यूक्लियस अट्रैक्शन शो कर रहा है a के इलेक्ट्रॉन के साथ और रिपल्शन किसमें लग रहा है बेटा a का इलेक्ट्रॉन जो b के इलेक्ट्रॉन के साथ सिमिलर है ना दोनों उनमें क्या लग रहा है रिपल्शन फोर्स लग रहा है और अगर किसी मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करवाना है देन अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी डोमिनेंट देन दैट रिपल्सिव फोर्स क्लियर उसको इन्होंने ग्राफ से समझाया उस ग्राफ को बेटा ध्यान से देखो यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया है बेटा एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है और यहां रिप्रेजेंट किया है दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब दोनों एटम अलग अलग थे ये दो एटम है बेटा जब ये दोनों एटम सफिशियंट डिस्टेंस पर थे तो इनमें अट्रैक्शन हो रहा था इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन दिखा रहा था एट्रैक्शन हो रहा था तो एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता गया दोनों एटम का डिस्टेंस कम होता गया डिस्टेंस कम क्यों हो रहा है क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज होने लगी एनर्जी डिक्रीज होने लगी एनर्जी डिक्रीज होने लगी एक ऐसी स्टेज आई कि उन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन गया क्योंकि उनमें अट्रैक्शन था बॉन्ड बन गया लेकिन जब वो बहुत करीब आए तो उनके मोस्ट शेल के रिपेल करने लगे रिपेल करने लगे तो एनर्जी इंक्रीज होने लगी क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है और राइट से इधर आ रहे हैं तो दोनों एटम का डिस्टेंस कम हो रहा है क्लियर तो यहां से जैसे जैसे डिस्टेंस कम हुआ डिस्टेंस कम हुआ क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा था तो एनर्जी डिक्रीज हो रही थी तो दैट इज द ग्राफ जो इसे रिप्रेजेंट करता है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां तक इस ग्राफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो ये ध्यान रखना बेटा ये वो स्टेज है कि इन्होंने आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया ये वो स्टेज है जब अट्रैक्शन डोमिनेंट था किससे से रिपल्जन से उसके बाद एनर्जी इंक्रीज हुई है तो क्या इसके कंक्लूजन से बेटा मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड मॉलिक्यूल कब बनेगा वैंड टोटल फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टोटल फोर्सेज ऑफ रिपल्जन एट्रैक्शन लग रहा है रिपल्जन लग रहा है दिख रहा है लेकिन अगर एट्रैक्शन डोमिनेंट होगा रिपल्जन से तभी इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ठीक है बेटा

ओवरलैपिंग करवाते हैं तभी हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ओवरलैपिंग कैसे करवाते हैं हमने देखा था अभी और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्मड तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा होगी आप खुद बताओ हमें atomic orbitals को करवाना करवाना है। है कर है? तो intermixing कितनी अच्छी हो सकती है? हो सकती जितना जितना छोटा का और उनका डायरेक्शनल कैरेक्टर हो मैम क्या मतलब है डायरेक्शनल कैरेक्टर का यानी कि पी पी के साथ ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करेगा एस कंपेयर टू एस पी के साथ एंड देन एस एस के साथ क्योंकि एस का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता क्लियर लेकिन पी का डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शनल कैरेक्टर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा क्या होगी बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और जितना छोटा साइज होगा ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होगी आपस में ओवरलैपिंग कराना इंटरमिक्सिंग कराना उतना इजी हो जाएगा क्लियर और यही ओवरलैपिंग करवा के ओवरलैपिंग होने की भी कुछ कंडीशन है कि ये केस वैलिड होगा तभी आप ओवरलैपिंग करवाओगे जैसे कि ऑर्बिटल शुड बी सिंगल फील्ड विथ द अपोजिट साइन मान लो मुझे एक एस ऑर्बिटल की दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करवानी है तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो भी अपोजिट स्पिन में होना चाहिए यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए तभी इनकी ओवरलैपिंग हो सकती है नेक्स्ट बेटा शुड बी सीमेट्रिकल विथ ईच अदर उनकी सेमेट्री बराबर होनी चाहिए बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट बेटा अप्रोचिंग ऑर्बिटल्स शुड हैव सिमिलर एनर्जी उनकी एनर्जी भी बराबर होनी चाहिए और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा ऑर्बिटल्स की बताओ एन प्लस एल रूल याद है बोरबरी रूल जिसके एन प्लस एल की वैल्यू सेम है उनकी एनर्जी सेम होगी पढ़ा हुआ है बेटा एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल एज क्वांटम नंबर क्लियर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी हाई ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है यानी कि डायरेक्शनल कैरेक्टर जितना ज्यादा अच्छा होगा ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होगी और यह ओवरलैपिंग अगर अलोंग दिग्मा बॉन्ड बनता है और परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होती है तो पाई बॉन्ड बनता है यह हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था ना वीबीटी में वापस लेकर आऊंगी मैं ये पॉइंट तो बेटा सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मड बाई सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है दैट इज फॉर्मड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग अभी-अभी बताया था जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कहां मिल रहे हैं एक्सिस के ऊपर मिल रहे हैं तो एक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा और अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर मिल रहे हैं तो उनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा दैट इज पाई बॉन्ड

हमेशा सिग्मा होता है बाकी जितने भी हैं पाई होते हैं क्या मतलब है मैम फॉर एग्जाम्पल बेटा सी सिंगल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर आपको सिग्मा देखना तो आता ही है सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड क्लियर फर्स्ट ऑलवेज सिग्मा होगा एक ही बॉन्ड है तो एक सिग्मा है जीरो पाई दो बॉन्ड है एक सिग्मा, एक पाई तीन बॉन्ड है एक सिग्मा और बाकी दोनों पाई ये काउंट करने को भी आ जाता है कभी कभी नीट में ठीक है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां प्रेजेंट होती है ऑब्वियस है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस की है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां पर होगी ऑन द एक्सिस होगी प्रेजेंट ऑन द एक्सिस इंटर मॉलिक्यूलर नहीं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस प्रेजेंट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्लियर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये तो हम पढ़ चुके हैं क्योंकि भाई दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू दू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहां पर होगी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ठीक है दैट इज फॉर्मड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं हाइरोड ऑर्बिटल लेकिन दैट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है उन्हीं की ओवरलैपिंग से साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है करके दिखा देते हैं क्लियर हो जाएगा है ना एग्जाम्पल भी करवा देंगे आपको ठीक है तो इसके एग्जाम्पल करवा के दिखा देते हैं फॉर एग्जाम्पल बेटा सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ध्यान से देखना बेटा है ना हालांकि ये आने वाला नहीं है पर आपको पता होना चाहिए जो लिखा हुआ था इसका मतलब क्या है बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो आप क्या करोगे सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे वन टू थ्री मैम इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है मैम इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है एस पी टू एस पी टू ने ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बनाया लेकिन पाई बॉन्ड जो बना उसकी ओवरलैपिंग के लिए कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिस्पॉन्सिबल है कैसे पता चलेगा तो पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर वन कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं करते इस कार्बन को ध्यान से देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p2 ये रहा 2s2 के दो इलेक्ट्रॉन और ये 2p2 के एक एक इलेक्ट्रॉन क्लियर अब इस केस में इसका एक 2p3 खाली है जी बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इधर चला जाएगा तो चार इसके पास जगह खाली हो जाएंगी लेकिन ओवरलैपिंग कैसे हुई उसको ध्यान से देखो अब इस केस में एस पी टू यानी कि इस कार्बन का एक एस और दो पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं लेकिन इसके पास भाई p में टोटल तीन ऑर्बिटल्स होते हैं तो दो पी तो इन्वॉल्व हो चुके हैं लेकिन एक p ऑर्बिटल इसका ऐसा है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो P ऑर्बिटल ये रहा एज इट इज बेटा अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इस कार्बन के पास भी एक p ऑर्बिटल ऐसा अवेलेबल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो इसका p ऑर्बिटल ये रहा और जब ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा बेटा साइडवाइज ओवरलैपिंग क्या बेटा साइडवाइज ओवरलैपिंग और वी कैन से इट कोलेटरल ओवरलैपिंग और इस साइडवाइज ओवरलैपिंग से ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा क्लियर तो पाई बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग अन हाइब्रिड ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं क्लियर बेटा नेक्स्ट बेटा

जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे और उसको शेयर दोनों करें तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं इस बॉन्ड को हम कहते हैं बेटा दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहते हैं बेटा इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड कब बनेगा बेटा दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सच अ वे दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स belongs to one of the atoms only. Kya coordinate bond coordinate bond formed between two atoms in such a way in such a way दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन शेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन शेयर बिलोंग बिलोंग्स टू वन एटम ओनली जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं उनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से बिलोंग करते हैं क्लियर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा कभी भी दिखता नहीं है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखकर ठीक है तो इसका एक रूल होता है दैट इफ इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मड बाय सेकेंड पीरियड एलिमेंट इफ कॉर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय सेकेंड पीरियड एलिमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड उस केस में हम उसे सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इफ कॉर्डिनेट bond is formed by bond is formed by bond is formed by higher period element if coordinate bond is formed by higher period element then it is represented by then it is represented by double bond तब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसे डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं मैम ये तो आपने थ्योरी लिखवा दी अब हमें जरा सा बनाने का तरीका भी सिखा दो बहुत ईजी है बहुत ईजी है सुनना ध्यान से कॉर्डिनेट बॉन्ड की वो सारी स्ट्रक्चर मैं आपको आज बनवा दूंगी जिनमें कॉर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो सारी स्ट्रक्चर मैं बनवा दूंगी तो इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा अगर मान लो इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं यही लिख देते हैं आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो अरे भाई एक बात बताओ कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है इसमें हमें कोई शक नहीं है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अब अगर शेयरिंग करके बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा फिर जन्म लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का इतना सा ट्रिक है सबसे पहले क्या करो सेंट्रल एटम बना दिया सराउंडिंग एटम बना दिया सबके साथ उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दो सबके साथ उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद आपका बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो बॉन्ड बन जाएगा तो बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए जैसे ही जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना तब जन्म लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैम क्या बोल रहे हो एग्जांपल के साथ समझाओ देखो बेटा एग्जांपल एग्जांपल नंबर वन ठीक है पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्या है बेटा एसओ थ्री अब मेरा आपसे क्वेश्चन है क्या एसओ थ्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है आप बोलोगे हाँ मैम होता है होता है तो कितने होते हैं

ये कहां से पता चला मैम आपको अरे सारे के सारे ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं तो सिक्स है। हो हो। होता है, है आठ इलेक्ट्रॉन से तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है अब इस केस में बेटा मैंने क्या किया मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया शेयर कर लिया बॉन्ड बना दिया और अभी मैंने ऐसा देखा कि ये ऑक्सीजन अब सात इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है कैसे? One, two, three, four, five, six, seven. अब मैं इस सल्फर सल्फर को देखू, तो ये सल्फर भी सात इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है मैं दूसरा इसके साथ बना ले ना इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी इसी के साथ शेयर कर दो क्यों क्योंकि अगर इसके साथ आपने शेयर कर दिया तो ये दोनों हमेशा के लिए सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रह जाएंगे लेकिन हम किसी का तो घर बसाए तो हमने इसको स्टेबल कर दिया और इसको स्टेबल करने में इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने में ये जो हमारा सेंट्रल एटम था इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया देखना बेटा क्या ये सल्फर आठ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है बिल्कुल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और जैसे ही सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ जैसे ही हमारे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ अब इन सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जन्म लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इन एसओ थ्री टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट तो अगर कभी कोई पूछ लेना तो बता देना भाई कि SO3 में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं मर, पर मैम जब भी हम SO3 की स्ट्रक्चर देखते हैं हमें ऐसे क्यों दिखती है हमने तो आज तक कहीं पे भी स्ट्रक्चर देखा ऐसे ही दिखती है पता है ऐसे क्यों दिखती है देखो मैंने यहां पे क्या लिखवाया था इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय हायर पीरियड एलिमेंट सेकेंड के बाद वाले एलिमेंट अगर इस कॉर्डिनेट बॉन्ड को बना रहे हैं तो उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा डबल बॉन्ड से क्लियर है एकदम क्लियर है एकदम क्लियर है तो चलो एक और कॉर्डिनेट बॉन्ड हम बनाते हैं ठीक है एसओ टू मुझे आपको यह भी बताना है क्या इसमें कॉर्डिनेट बॉन्ड है और है तो कितने हैं तो ये रहा सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके भी छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो सबका घर बस जाए मतलब हर एटम सराउंड हो जाए आठ इलेक्ट्रॉन से चलो करते हैं तो हमने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया एक बॉन्ड शेयर कर लिया एक बॉन्ड बना लिया लेकिन हमने देखा कि ये सात इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है अगर हम इसको देखें ये भी सात इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है अगर ये सल्फर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा तो ये तो आठ इलेक्ट्रॉन से सराउंड हो जाएगा लेकिन ये दोनों हमेशा के लिए सात सात इलेक्ट्रॉन से सराउंड रह जाएंगे तो हम क्या प्रेफरेंस देंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे तो हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी के साथ शेयर कर लिया इसका ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट बोले तो एटम सराउंडेड बाय आठ इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसका घर बस गया और ध्यान से देखो इसका भी घर बस गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा जन्म लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना होता है बेटा एसो टू में वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल लो वन डेटिव बॉन्ड बोल लो लेकिन जब भी स्ट्रक्चर को देखो देखने में कैसे दिखती है ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है मैम ऐसा क्यों क्योंकि बेटा दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय हायर पीरियड एलिमेंट वाले जितने भी हायर पीरियड एलिमेंट अगर हैं और अगर वो इस बॉन्ड को बना रहे हैं तो वहां पर उस बॉन्ड को डबल बॉन्ड से दिखाया जाएगा क्लियर चलो एक और एग्जांपल देती हूँ एक बच्चे ने पूछा था ना मैम ओजोन का बता दो ले बेटा ट्राई करो खुद ट्राई करो दूसरा और दे रही हूं मैं बताओ बेटा इन स्ट्रक्चर्स को बना के कि इसमें कितने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बनाओ बेटा इसमें और मुझे बताओ किसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यस बेटा

क्योंकि ग्रुप सिक्सटीन से बिलोंग करता है तो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा मैम दूसरा इसके साथ कर दो ना भाई अभी तो ये सात इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है अगर दूसरा मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी तो ये दोनों हमेशा के लिए सात सात इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रह जाएंगे क्यों ना इसी के साथ दूसरा बॉन्ड बना लिया जाए और जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाया इसका ऑक्टेट कंप्लीट इसका ऑक्टेट कंप्लीट जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा कौन जन्म लेगा बच्चों जल्दी बोलो कौन जन्म लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा लेकिन ओजोन की स्ट्रक्चर किसी भी बुक को उठा के देख लो देखने को कैसे मिलती है ऐसे तो हम क्या बोलते हैं एक सिंगल और एक पाई बॉन्ड ना इनमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बट दिस टाइम कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय सेकंड पीरियड एलिमेंट और जब जब सेकंड पीरियड एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड क्लियर है यस yes. नेक्स्ट देखो बेटा हमने इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया था तो हमें पता है कि माइनस टू चार्ज क्या है ये दो इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से दो एटम पे ज्यादा है क्या याद किया था सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इसका मतलब बस ये है कि सबके साथ सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता बना दो लेकिन दो ऑक्सीजन जो हो ना उनमें से एक एक को एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देना क्यों क्योंकि उनपे माइनस चार्ज है माइनस चार्ज कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो अब देखो यहां पर ध्यान से ये रहा बेटा सल्फर ये रही चारों ऑक्सीजन एक दो तीन चार सबके पहले छे छे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। बना देते कोई दिक्कत नहीं है लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आप बताओ बेटा माइनस टू किस पे था किसी भी दो ऑक्सीजन पे था -1, -1? तो किसी भी दो ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो क्योंकि दैट इज द कंक्लूजन ऑफ फॉर्मल चार्ज कि जितनी भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है उनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है माइनस टू चार्ज उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाओगे ना तो ये माइनस टू वाले इलेक्ट्रॉन भी तो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है पर किस में है वो हमने अभी बता दिया तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां इसको एक्स्ट्रा दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन मैंने यह एक्स्ट्रा दे दिया अब बॉन्ड बनाना शुरू करो बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका घर बस जाए यानी कि सब आठ आठ, आठ इलेक्ट्रॉन से सराउंड हो जाए और इन्हें आठ इलेक्ट्रॉन से सराउंड करने के लिए हमने बॉन्ड बनाना शुरू किया तो बॉन्ड बनाते इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसका ऑक्टेट कंप्लीट इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया इसका ऑक्टेट कंप्लीट ध्यान से देखो क्या सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है देखो ध्यान से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट कंप्लीट और जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है फिर सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कौन जन्म लेता है बच्चों जल्दी से बता दो कौन जन्म लेता है यस, yes, फिर सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जन्म लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेकिन मैम हमें इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है कैसे इस प्रकार से बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी क्यों क्योंकि सल्फर बिलोंग्स फ्रॉम हायर पीरियड एलिमेंट्स और हायर पीरियड एलिमेंट्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से दर्शाया जाता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा देर आर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन एसो फोर माइनस टू क्लियर है नालायकों या नहीं और अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे बता दो इनमें कितने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं जल्दी से बता दो यार कि इसमें कितने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बेटा देवराज जी बेटा मैं रिपीट ही कर रही हूं इतनी देर से सारे एग्जांपल करवा दिए मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले इससे बाहर कुछ नहीं आना डिपेंड करता ना बेटा हम बना रहे नहीं बना रहे ये लो बेटा कार्बन ये रहा ऑक्सीजन क्लियर है बिल्कुल क्लियर है मैम कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका घर बस जाए तो हमने क्या किया इस ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए तो ऑक्सीजन तो सराउंड हो गया आठ इलेक्ट्रॉन से एक दो तीन चार पांच छ लेकिन इस कार्बन इस कार्बन के अभी छह इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं एक दो तीन चार पांच छोड़ तो क्या होगा बेटा जैसे ही सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है जन्म लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सेकेंड पीरियड एलिमेंट ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो देखने में कैसा मिलता है आपको पता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे होता है तभी तो सीओ जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड का काम करता है एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइट होती है यहां पे कार्बन भी डोनेट कर सकता है ठीक है यस yes. नेक्स्ट देखो बेटा तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड यस बेटा पी टू ओ फाइव का बना दो जल्दी से यार जल्दी से बना दो यार पी टू ओ फाइव तो बना दिया पहले हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दो तीन चार पांच हाँ ठीक है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई वन टू ठीक है वन टू थ्री थ्री फोर फाइव ठीक है यहां पर भी वन टू थ्री फोर फाइव भाई फॉस्फोरस बिलोंग करता है कहां से फॉस्फोरस बिलोंग करता है नाइट्रोजन फैमिली से तो क्या है फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अपने छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो सबका घर बस जाए यानी कि हर एटम आठ इलेक्ट्रॉन से सराउंड हो जाए और जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ अब सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जन्म लेगा कौन कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर देगा दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर देगा क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा क्लियर तो बेटा लेकिन ये स्ट्रक्चर जब देखने को मिलती है तो यहां पर डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं क्यों दिखाई देते हैं बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया इफ इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला हायर पीरियड से बिलोंग करता है तो तब तब इस सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल बॉन्ड से क्लियर है जी बोलो जल्दी बच्चों जी इन दोनों में बता दो मुझे किसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसके पास नहीं एक मिनट का टाइम दिया पूरा चलो बेटा बना के बता दो मुझे यस yes. मुझे बता दो इन दोनों में किसके पास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं वेरी गुड सत्येंद्र सिंह वेरी गुड प्रकाश वेरी गुड यहीया मनियार वेरी गुड नाजिया परवीन चलो यस yes, ऋतिकेश कुमार इस चैप्टर से मिनिमम चार क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा सोलह नंबर बना रहे हैं आज अपन अपने ठीक है तो उसके लिए हमें अगर सोलह घंटे भी पढ़ना पड़े तो नॉट अ बिग डील ठीक है जी और वैसे भी मैं उन्हीं को रोक रही हूं जो पढ़ रहे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं वो आराम से जा सकते हैं क्लास में ही पढ़ेंगे क्लास में ही रिवाइज करेंगे क्लास में ही क्वेश्चन करेंगे क्लास के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा एक बार पीडीएफ को देख लेना बस समझ में आना चाहिए चल क्या रहा है यस yes. बता दो जल्दी से सीओ थ्री माइनस टू की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे माइनस टू चार्ज है यानी कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्या बेटा दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है ऑक्सीजन के पास फॉर्मल चार्ज का कंक्लूजन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऑलवेज है माइनस वन चार्ज तो बेटा ये रहा कार्बन ऑक्सीजन 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 इस कार्बन के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार होते हैं टोटल इस ऑक्सीजन के छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकिन माइनस टू चार्ज ने हमको ये बता दिया कि दो ऑक्सीजन ऐसी है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है और अगर ऐसा है तो किसी भी दो ऑक्सीजन को वो इलेक्ट्रॉन दे दो एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया ठीक है जी अब बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर इसका तो घर बस गया ये सराउंड हो गया आठ इलेक्ट्रॉन से इसका ऑक्टेट कंप्लीट बात करते हैं बाकियों की इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया ध्यान सारे एटम सराउंड हो चुके हैं आठ इलेक्ट्रॉन से और अगर ऐसा हो चुका है तो देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कार्बोनेट राइट तो यहां हम लिख सकते हैं देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कार्बोनेट क्लियर हुआ कि नहीं बड़े आगे यस yes, बेटा बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नाइट्रेट की ये रहा नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 माइनस वन चार्ज है तो पहले तो सबको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट कर दो नाइट्रोजन के अपने पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी अपने छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी अपने छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो ये ब्रेक वाले मेरी क्लास से बाहर निकल जाना ठीक है ना अभी ब्रेक दिया था एक घंटा हुआ है अभी बस यार नहीं पढ़ना तो चले जाओ यार क्लास से यार इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं यार बिल्कुल हो सकता है ब्रेक की बात करते हो यार मूड ऑफ कर देते हो सारा दे देंगे बेटा खाने का ब्रेक दे देंगे दस बजे दे देंगे साढ़े दस बजे दे देंगे ठीक है कुछ चल रहा है उसको चलने दो यार ब्रेक लेना है तो यार परमिशन मत को जाओ ना यार आओ तो वेलकम जाओ तो बीट गम अगर क्लास में रहना है तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर बनना है तो मोस्ट वेलकम वैसे भी सारे डॉक्टर नहीं बनते बेटा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है नींद आ रही है सो जाओ है ना जिनको पढ़ना है वो रुक सकते हैं जिनको नहीं पढ़ना है क्लास से बाहर जा सकते हैं लेकिन ब्रेक की डिमांड ना करे मैं अपने आप दे दूंगी बेटा टेन थर्ट टेन थर्टी पे क्योंकि आपका ब्रेक खत्म हुआ था एट ट्वेंटी पे दो घंटे तो पढ़ लो न यस बेटा देख लो बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो लेकिन बॉन्ड बनाने से पहले मैम ये बता दो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक रही होगी और एक इलेक्ट्रॉन तो किसी ना किसी के पास एक्स्ट्रा होगा ही होगा तो हमने इस ऑक्सीजन को वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका घर परिवार बस जाए सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हो गया कंप्लीट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बाकियों का करो बाकियों का करने से पहले ये देख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर सकता है इसके इसके दो इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा देते हैं तो इसने ऑक्टेट कंप्लीट जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है जन्म लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके लिए सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैम सीधे सीधे दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों नहीं करती है क्योंकि अगर सीधे सीधे दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देती तो ये सेंट्रल एटम दस इलेक्ट्रॉन से सराउंड हो जाता हमें घर बसाना है हर एटम को आठ इलेक्ट्रॉन के सराउंड करवाना है डेट इट क्लियर है बस ये चीज का ध्यान रखना है तो यहां से पता चल गया कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन ठीक है वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बच्चा बोल रहा है मैम हमें नालायक क्यों बोलती हो बेटा प्यार से बोलती हूं ठीक है बुरा मत माना करो उन प्यारे बच्चों के लिए बोलती हूं जिन्हें बुरा नहीं लगता जिन्हें समझ में आता है कि मैम प्यार से बोलती हूँ दिल पे मत ले लिया करो हर बात को ठीक है तो यहां पर मैंने आपको वो सारी स्ट्रक्चर डिस्कस करवा दी है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इससे बाहर नहीं आएगा तो याद रखना यार बनाना भी सिखा दिया कि कैसे बनाना है और नहीं भी बनाना तो आइडेंटिफाई करना सिखा दिया ठीक है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अभी अभी बताया पहला हमेशा सिग्मा दूसरा पाई तीसरा पाई तो उसके लिए हमें इनकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए ठीक है तो एच सी एन लो सिग्मा बॉन्ड है या मैं बताऊ है सिग्मा और पाई इसमें मुझे सिग्मा दिख रहे हैं दो पाई दिख रहे हैं दो इसमें सिग्मा और पाई कितने है? उसके लिए तो स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी सीएच टू डबल बॉन्ड सी एच टू वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिग्मा पाई एक सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री सी डबल बोन्डो एच सिग्मा कितने वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सिग्मा पाई एसीटोन सी एच थ्री सी डबल बोंडो सी एच थ्री सिग्मा और पाई बता दो यार सिग्मा कितने हैं सिग्मा कितने हैं बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन सिग्मा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन पाई कितने बेटा एक क्लियर है यस थैंक यू तुषार थैंक यू चलो है ना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी देखो बेटा वापस उस फ्लो चार्ट पे आती हूँ मैंने आपको क्लास में आती एक फ्लो चार्ट बनवाया था क्या बनवाया था बेटा दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी में है आयनिक बॉन्ड कोविलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट क्योंकि इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सिर्फ इतना पूछेगा कि है नहीं है है तो कितने हैं कोविलेंट बॉन्ड में वेस्पर थ्योरी कंप्लीट

पता है है? है वो वो किस चीज चीज का का इस कि कि ने कहा कि उसकी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और बनाते हैं। लेकिन मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है सारे इनर एज वेल एज आउटर ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर एंड मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स और उन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा एमओटी से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत बार क्वेश्चन आए हैं ध्यान से समझो बहुत ईजी है बहुत ईजी है बहुत ईजी है बस ध्यान दो थोड़ा सा है ना फिर ट्रिक भी बता दूंगी बहुत सारी चीजों की इसका आप दो मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ठीक है तो यहां से देखो बेटा ये थ्योरी किस कंसेप्ट पे बेस्ड है पहले कंसेप्ट समझा देती हूं देखो बेटा हम्म तो आपको समझा देती हूं देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा था हाँ समझ में आ रहा था देखो बेटा मान लो दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर होमोडाटोमिक मॉलिक्यूल और हाइड्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल ये रहा एक नाइट्रोजन ये रहा दूसरा नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 तो ये 1s के दो इलेक्ट्रॉन ये 2s के दो इलेक्ट्रॉन और ये 2p के तीन इलेक्ट्रॉन ये 1s के दो इलेक्ट्रॉन ये 2s के दो इलेक्ट्रॉन और ये 2p के तीन इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है बेटा कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं दो तरह की ओवरलैपिंग करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है और सब्ट्रेक्टिव ओवरलैपिंग से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है तो ये ओवरलैपिंग होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं क्या कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवा रहे हो उनका साइज उनकी एनर्जी उनका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए भाई साइज सेम कैसे होगा एन प्लस एल रूल वन एस वाला ओवरलैपिंग वन एस के साथ करेगा टू एस वाला ओवरलैपिंग टू एस के साथ करेगा टू पी वाला टू पी के साथ करेगा लेकिन ओरिएंटेशन शुड बी सेम ओरिएंटेशन बोले तो टू पी एक्स टू पी एक्स के साथ टू पी वाई टू पी वाई के साथ टू पी जेड टू पी जेड के साथ तो ये इस तरीके से करें अभी हम करवाएंगे तो ओवरलैपिंग वही है लेकिन अलग तरीके से थोड़ा सा तो क्या कहा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना इन्हें तो कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये आपस में ओवरलैप करेंगे फॉर्मेशन करेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग दो तरीके से करेंगे एडिटिव सब्ट्रैक्टिव जब एडिटिव ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगे सब्ट्रैक्टिव करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगे और इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी में जमा देंगे जिसे हम कहेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम और उस डायग्राम में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दो थ्री प्रिंसिपल आव प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आव जी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कम से ज्यादा एनर्जी वालों में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे पॉली जी क्या कहते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द वैल्यू सेम वैल्यू ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर बोले तो एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भी अपोजिट स्पिन में और होल्ड रोल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि जब जब आप किसी डीजेरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो उस केस में पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरोगे उसके बाद पियरिंग करवाओगे लिखकर समझाएंगे ज्यादा अच्छे समझ आएगा ठीक है तो कंसेप्ट को समझो पहले कि वॉट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी VBT में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहा था उसने जिक्र भी नहीं किया कि what अबाउट द इनर ऑर्बिटल्स लेकिन एमओटी कहता है कि इनर एज वेल एज आउटर ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद each अदर एंड form molecular orbitals. और वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की शेप्स क्या होंगी वो हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बेटा क्योंकि उसके बाद मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगी ठीक है देखो बेटा ध्यान से वापस आ जाते हैं इसकी थ्योरी पे तो क्या कहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखेंगे बेटा ध्यान से ओ हो 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 हाँ ये ऐसे बेटा देखना दैट इज प्रपोज्ड बाय हुन्स एंड मुलिकन है ना दैट इज प्रपोज्ड बाय हुन्स एंड मुलिकन इट एक्सप्लेन्स द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे ठीक है जी कोनो दिक्कत नहीं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल किसके लिए बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए एमओटी एक्सप्लेन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन एंड फॉर्म न्यू मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट साइज शेप एंड एनर्जी नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, जितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे कितने बनेंगे बेटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपस में कंबाइन हुए हैं जैसे कि वन एस एक एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग क्लियर यस मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज द थ्री डी स्पेस ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है ये है क्या जिसमें तुम इलेक्ट्रॉन भर रहे हो दैट इज अ थ्री डी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल तो मैंने कहा दो तरह के दो तरह के मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कैसे बनते हैं से से, और anti -bonding कैसे बनते हैं? ठीक ठीक है? तो, constructive interference, that is destructive interference. ठीक है? है तो नेक्स्ट इनकी शेप्स ध्यान से देख लो बेटा शेप्स को ध्यान से देख लो है ना क्योंकि 1s 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो दोनों मिल कहां रहे हैं ऑन द एक्सेस मिल रहे हैं तो बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा सिग्मा लेकिन अगर एडिटिव ओवरलैपिंग हुई एडिटिव ओवरलैपिंग हुई तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा और अगर सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हुई तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग दैट इज सिग्मा स्टार वनस क्लियर नेक्स्ट बेटा पी की पी के साथ ओवरलैपिंग कराते हैं अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है और मैं ओवरलैपिंग किसकी अगर axis, z -axis है ओवरलैपिंग कराऊ किस की तो क्या बनेगा बेटा दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा मिल रहे हैं दोनों मिल रहे हैं ऑन द एक्सिस और अगर ऑन द एक्सिस दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा और कौन से दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं टू पीड टू पीड तो यहां से क्या बनेगा सिग्मा टू पीड जब एडिटिवियर तो एक्सिस और ओवरलैपिंग कराऊं पी एक्स पी एक्स की तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा मिल रहे हैं परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मिल रहे हैं तो बॉन्ड तो पक्का पाई बनेगा और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस z है तो px px से भी पाई बनेगा py py से भी पाई बनेगा तो 1s 1s के साथ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2s 2s ने ओवरलैपिंग किया सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जब दो p के तीनों ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z था pz pz के साथ सिग्मा 2pz तो px px के साथ पाई 2px py py के साथ पाई 2py ये आ गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेम इसी तरीके से आ गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया अब अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो चुका है तो अब हम बनाने जा रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम और जो हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे उसमें ध्यान क्या रखना है जैसे कि हमने यहां पे लिखा था ना फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनका यहां पे लिख देते हैं कंबाइन फॉर्म न्यू मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स है ना फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटोमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवाने के लिए फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कंडीशन है बेटा दियर साइज एनर्जी एंड ओरिएंटेशन शुड बी सेम एंड ओरिएटेशन शुड बी सेम क्लियर है बेटा तो इसलिए हमने वन एस की ओवरलैपिंग वन एस के साथ कराई 2s की 2s के साथ 2px की 2px के साथ 2py की 2py के साथ 2pz 2pz के साथ ठीक है तो अब देखो बेटा यहां पर वो कौन से तीन प्रिंसिपल हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉन को भरना है तो पहला है बेटा ऑफब प्रिंसिपल क्या बेटा ऑफब प्रिंसिपल और आफब प्रिंसिपल क्या कहता है ऑफब प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब आप भरोगे तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन को भरोगे उस मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भरोगे जिसकी एनर्जी कम है दूसरा कौन सा प्रिंसिपल है बेटा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था बेटा याद करो बचपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर दैट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भी अपोजिट स्पिन में और तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता था बेटा तीसरा प्रिंसिपल कहता था रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता था बेटा कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हो किसमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हो डी जनरेट ऑर्बिटल्स में डी जनरेट में तो उस केस में क्या ध्यान रखना उस केस में ध्यान रखना कि वहाँ पर पहले वो हर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो और उसके बाद आपको क्या करवानी है बेटा पेयरिंग करवानी है तो अब आपके सामने वो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं जो आपको फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन्स के भरने के लिए ठीक है तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल उन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए उन सभी होमोडाटोमिक और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फोर्टीन तो अब हम क्या बनाने जा रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी तो बेटा देखना ध्यान से ये वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल इस वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा बेटा एक इसने बनाया बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक इसने बनाया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो इसका नाम अगर वन एस था इसका नाम वन एस था यह एक नाइट्रोजन का यह दूसरे नाइट्रोजन का तो इसने क्या बनाया बेटा एक इसने बनाया बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा वनस और एक इसने बनाया एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल दैट इज सिग्मा स्टार वन एस मैम आपने एंटी बॉन्डिंग वाले को ऊपर क्यों बनाया बेटा मैंने अब भी अभी बताया कि ये डायग्राम है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल होता है और जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है ठीक है दूसरा बेटा कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल था 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 2s एटॉमिक ऑर्बिटल जब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ एडिटिव ओवरलैपिंग किया तो इसने क्या बनाया बेटा सिग्मा 2s और जब सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग किया तो इसने क्या बनाया बेटा सिग्मा स्टार 2s ये बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग क्लियर है उसी तरीके से बेटा इसको साइड में लिख देंगे ठीक है 2p 2p के तीन एटॉमिक ऑर्बिटल थे 2p टू के तीन एटॉमिक ऑर्बिटल थे क्लियर तो जब टू पी ने ओवरलैपिंग किया तो इन्होंने दो तो बनाए कौन कौन से पाई टू एक्स पाई टू पी और एक बनाया सिग्मा टू जेड और सेम इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग बनाए पाई स्टार टू एक्स पाई स्टार टू पी और सिग्मा स्टार टू तो ये डायग्राम कब फॉलो करना है बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने पर अगर लेजन इक्वल्स टू फोर्टीन होते हैं तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा नाम दे देते हैं बेटा सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन सिग्मा टू सिग्मा स्टार टू एस दैट इज पाई टू पी ये वाला पाई टू पी वाई ये वाला सिग्मा टू पी जेड ये वाला पाई स्टार टू पी वाला पाई स्टार टू और ये सिग्मा स्टार टू जब जब मोडाटॉमिक और हेड्रोडाटॉमिक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पर 14 या 14 से कम आएंगे तब आपको यह मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलोअप करना है क्लियर और इलेक्ट्रॉन को भरना है ये बीच में जो है ना ये है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ये क्या है एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये क्या है दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं अब हमें क्या करना है इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है इन तीनों प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ठीक है तो चलो आप तो मुझे बस इतना बता दो कि नाइट्रोजन के लिए आप भरो इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरोगे गिनो बेटा नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक नाइट्रोजन में सात तो दो नाइट्रोजन में कितने तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो भरना शुरू करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया तो भरने का तरीका आपने क्या फॉलो किया पहला इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा इधर तीसरा इधर चौथा क्यों भरा मल्टीप्लिसिटी ये दोनों डी जनरेट ऑर्बिटल है डी जनरेट ऑर्बिटल बोले तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है उन्हें हम कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स भर दिया अब देखो इस एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से आप कितने तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो चलो करते हैं सबसे पहला एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा क्या कि आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो बताना जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अरे भाई जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा हो जाएगा तो बताओ भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब टोटल इलेक्ट्रॉन टीन होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखोगे बेटा सबसे पहले कौन आ जाएगा टू एस उसके बाद सिग्मा स्टार टू एस उसके बाद पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई बराबर क्यों डीजेरेट ऑर्बिटल है एनर्जी बराबर है तो बराबर लिखेंगे ना उसके बाद कॉमा सिग्मा टू पी सेड कॉमा पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई कॉमा सिग्मा स्टार टू पी क्लियर है एकदम और अगर अगर टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन फोर्टीन आ जाते ना बेटा तो यहां पर पता है बस क्या हो जाना था मैं बताती हूं यहां पे क्या हो जाना था जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू फोर्टीन है ना तो पाई टूपी टू वाई नीचे है और जब टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन होगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा बस यानी कि ये 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 दोनों ऊपर आ जाएगा जाएगा नीचे पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा है हम इसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं क्लियर तो देखना बेटा ध्यान से कि अगर वो नीचे हो जाता तो उस केस में क्या होता सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिगमा टू एस सिग्मा स्टार टू एस उसके बाद पहले ये था अब पहले ये आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड कॉमा पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई इसमें कोई चेंज नहीं है बराबर पाई स्टार टू पी वाई कॉमा सिग्मा स्टार टू पी क्लियर मैम एन टू वाला एग्जाम्पल जो आपने सॉल्व किया है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखकर बताना जरा बता देते हैं भाई जिसमें जितने जितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं उसको लिख दो यार लिख दो सिग्मा वन एस में कितने हैं दो तो सिग्मा वन एस टू कॉमा स्टार वन एस टू कॉमा सिग्मा टू एस टू कॉमा सिग्मा स्टार टू एस टू कॉमा दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है पाई टू पी टू एक्स बराबर पाई टू पी टू वाई कॉमा टिगमा टू पी टू जेड हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन का क्लियर क्या हो गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया नाइट्रोजन का और क्या क्या एप्लीकेशन है तो ये एप्लीकेशन हुई पहली दूसरी एप्लीकेशन बेटा दूसरी एप्लीकेशन क्या है बॉन्ड ऑर्डर यहां से पक्का क्वेश्चन आता है और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है बेटा बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्ड ऑर्डर बराबर बी माइनस एन एन टू हेयर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और यहां पर एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल चलो ऐसी बात तो एग्जाम्पल हाइड्रोजन का कैलकुलेट करके बता दो बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल देते हैं बेटा लो डायग्राम क्या था बेटा डायग्राम क्या था इसका ये रहा तो गिनना बेटा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बी बीएमओ तो है ना क्या है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल उसमें स्टार नहीं है तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारे पास कितने आ गए दस आ गए इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गिनना बेटा कितने हैं तो गिन लेते हैं ये इसमें है ये लो सिग्मा स्टार वन है ना ये दो और ये सिग्मा स्टार टू चार ऊपर तो कुछ है ही नहीं है तो आ गया टेन माइनस फोर तो हमने लिख दिया टेन माइनस फोर ओहो हा टेन माइनस फोर अपॉन टू कितना आ गया बेटा सिक्स बाई टू दैट इज थ्री तो सही तो बात है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर थ्री ही तो होता है ये तो है कि तुमको सबका डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके बाद एन बी माइनस एन ए अपॉन टू करने पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा अब मैं तुमको सीधा-सीधा ट्रिक बता देती हूं क्या ट्रिक है बेटा सीधा-सीधा आप क्या काउंट कर लो बेटा सीधा-सीधा काउंट -सीधा कर लो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्या काउंट कर लो बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वहां से बॉन्ड ऑर्डर सीधा-सीधा आ जाएगा ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन नाइनटीन कैसे चलना है बेटा याद करने का तरीका बता रही हूं टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लिए टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने के बाद जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन वन है बॉन्ड ऑर्डर जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव वन जीरो पॉइंट फाइव जीरो फिर से जीरो पॉइंट फाइव वन जीरो पॉइंट फाइव जीरो अब जीरो पॉइंट फाइव अब पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव बढ़ाते जाओ जब तक तीन नहीं आ जाता तो जीरो पॉइंट फाइव वन पॉइंट जीरो, वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट जीरो अब पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव घटाते चले जाओ बस टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट जीरो वन पॉइंट फाइव 1.0, 0.5. आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सीधा टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो बॉन्ड ऑर्डर निकालो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का समझ आया और ध्यान रखना बेटा वो हर मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है भाई उसके भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है यही तो बताता है और किसी का बॉन्ड ऑर्डर ही जीरो अगर आ रहा है है तो इसका मतलब उनके बीच में बॉन्ड ही नहीं क्लियर एक बार जल्दी से ट्रिक देख लो बेटा ये वाला जल्दी से तब तक मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूं जब टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन फोर्टीन होते हैं क्या बेटा जब टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन फोर्टीन होते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो करना है बस कुछ नहीं है बेटा यहां पर ये यह ऐसा था ना ये इस तरीके से तो ये पाई टू पी एक्स था ये पाई टू पी वाई था और ये सिग्मा टू पी जेड था उसमें क्या हो जाएगा ये वी उल्टा हो जाएगा सीधे उसको बस सीधा कर देंगे कर देते हैं लोग कोई दिक्कत नहीं डायग्राम ही बना देते हैं तो भाई ये वन एस ऑर्बिटल ये वन एस ऑर्बिटल ये इसने बनाया बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिसका नाम है सिग्मा वन एस ये इसने बनाया एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिसका नाम है सिग्मा स्टार वनस नेक्स्ट बेटा

ये रहा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई बाकी सब कुछ सेम है बाकी सब कुछ सेम है ठीक है नाम लिख देते हैं इनका सिग्मा स्टार टू एक्स दैट इज पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई ये पाई स्टार टू पी एक्स ये पाइव स्टार टू पी वाई और ये सिग्मा स्टार टू पी जेड तो जब टोटल इलेक्ट्रॉन चौदह से ज्यादा होंगे तो यह वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज करना है इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एग्जाम्पल ओ टू ठीक है में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? एक ऑक्सीजन का का नंबर होता है, है, तो तो दो का कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन को भरना डायग्राम तो ये वाला फॉलो होगा चलो भर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं

पाई स्टार टू पी वन एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वन वाई ये हमने लिख दिया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दिया बेटा इनका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन फोर्टीन में ये डायग्राम फॉलो करना है नेक्स्ट बेटा तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनता है यहां से पूछ लिया जाता है होमोल्यूमो होमोल्यूमो क्या होता है बेटा होमो होमो का फुल फॉर्म होता है हाइएस्ट हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बेटा हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाइएस्ट पोजिशन पे प्रेजेंट है और ऑक्यूपाइड है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ल्यूमो क्या होता है बेटा लोएस्ट ऑक्यूपाइड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो लोएस्ट पोजीशन पर है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है एग्जाम्पल मैम आप हमको एग्जाम्पल से बताओ तो बेटा हमने नाइट्रोजन का डायग्राम बनाया था बिल्कुल बनाया था मैम बता दो बेटा उसका होमोल्यूमो क्या होगा तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम तो ये रहा नाइट्रोजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बेटा बताना वो कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल है जो हाईएस्ट पोजीशन पर है और ऑक्यूपाइड बोलो जल्दी बोलो जल्दी वो कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल है जो हाईएस्ट पोजीशन पर है और ऑक्यूपाइड है जिस समय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बोलो को बहुत पिटाई हो जाएगी। exactly, सिग्मा जाए। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखकर भी निकाल सकते थे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो होमो होता है और उसके बाद जो आना चाहिए वो ल्यूमो होता है ठीक है तो अब होमो हो गया सिग्मा टूपीज ल्यूमो लोएस्ट ऑर्बिटल वो मोलिकुलर ऑर्बिटल जो लोएस्ट पोजीशन पर है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है पाई स्टार एक्स, पाई टू टू दोनों में से कोई भी एक हो सकता है क्योंकि दोनों का एनर्जी बराबर होता है ये किसी ने नहीं कहा कि पहले पाई पाइसूपी एक्स में इलेक्ट्रॉन भरना है ना दोनों का एनर्जी बराबर है दोनों में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो बेटा नाइट्रोजन का होमोल्यूमो क्या आ गया इसका होमो आ गया सिग्मा टू पी जेड और इसका ल्यूमो क्या आ गया बोलो यार पाई स्टार टू पी एक्स भी चलेगा दोनों में से एक पाई स्टार टू पी एक्स या पाई स्टार टू पी वाई में से एक होगा ठीक है नेक्स्ट बेटा ऑक्सीजन का भी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाया था जरा बताना इसका होमो ल्यूमो क्या था होमो बोले तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ल्यूमो बोले तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो कौन सा मॉलिकुलर ऑर्बिटल था बेटा ऑक्सीजन के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन पर है और ऑक्युपाइड है तो दोनों की एनर्जी बराबर है पाई स्टार टू पी एक्स भी हो सकता है पाई स्टार टू पी वाई भी हो सकता है और ल्यूमो वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो अनऑक्युपाइड है ठीक है तो क्या आ गया बेटा ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में जो होमो आया वो क्या आ गया बेटा पाई स्टार टू पी एक्स या और पाई स्टार टू पी वाई भी हो सकता है क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर होती है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि पाई एक्स में ही पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा ठीक है ल्यूमो इसके बाद जो आना था सिग्मा स्टार टू पी जेड क्लियर है बेटा दैट इज होमो ल्यूमो मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे बताते हैं भाई मैग्नेटिक मोमेंट बताते हैं म्यू बराबर अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू सारे तामझाम करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद ठीक है इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अगर ये सब कुछ भरने के बाद अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो नेचर में कैसा हो जाएगा बेटा पैरा मैग्नेटिक कैसा हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक और उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं एन इंटू एन प्लस टू से हियर एन रिप्रेजेंट यहां पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लियर है यस yes. नेक्स्ट बेटा अगर सब कुछ भरने के बाद इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अगर भरने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो नेचर में कैसा हो गया बेटा डायमैग्नेटिक क्लियर ये चार तरीके का क्वेश्चन बनता ही बनता है एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होमोल्यूमो मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर है तो दैट इज ऑल अबाउट दैट मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बट अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं और एक्सेप्शन ना हो बहुत नाइंसाफी है ठीक है तो इसके एक्सेप्शन भी हम डिस्कस करेंगे उससे पहले जो हमने अब तक पढ़ा उस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ठीक है तो इस इधर क्या करना है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या करना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना है ठीक है जी लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना है बॉन्ड ऑर्डर लिखना है मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है और होमोल्यूमो निकालना है इन सभी होमोलूमो के लिए चारों एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी अब हमें कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखो यहां पे ध्यान से ठीक है ना ध्यान से देखना बेटा पहला हमें दिया H2 H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा टू है एच टू में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन टू है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा ट्रिक से अगर निकालोगे तो वन पॉइंट जीरो वैसे भी इतना ही आएगा होमो हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा वनएस ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो इसके बाद आने वाला था सिग्मा स्टार वनएस मैग्नेटिक मोमेंट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड डाया मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया जीरो सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे बेटा सेकेंड एग्जाम्पल एच टू प्लस एच टू प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक टोटल इलेक्ट्रॉन एक है तो डायग्राम कौन सा यूज होगा टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू फोर्टीन वाला ठीक है तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया सिग्मा वन एस वन इसका होमो क्या हो जाएगा बेटा हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा वनस इसका ल्यूमो क्या हो जाएगा बेटा नेक्स्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन जाना था सिग्मा स्टार इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन वन पे बॉउंडऑर्डर जीरो पॉइंट फाइव था इसका नेचर कैसा है बेटा पैरा मैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर अंडर रूट ऑफ वन इंटू वन प्लस टू रूट थ्री जो पढ़ा उसे कर रहे हैं। क्या बेटा जिसे पढ़ा उसे कर देते हैं एच टू माइनस एच टू माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा दो तो हाइड्रोजन के एक माइनस चार्ज है तो तीन इलेक्ट्रॉन है टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन तीन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना शुरू करते हैं तो आ गया सिग्मा वन एस टू कॉमा

तो होमो क्या हो जाएगा बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है सिग्मा स्टार वन एस ल्यूमो क्या हो गया सिग्मा टू एस नेक्स्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन जाना था इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नेचर में पैरा मैग्नेटिक हो गया और मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैलकुलेट करो तो ये भी आ जाएगा रूट थ्री के बराबर क्लियर नेक्स्ट बेटा फोर्थ हमारे पास क्या था दैट इज सी टू यही था ना बेटा हा सी टू तो क्या करेंगे बेटा सबसे पहले देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स तो दो कार्बन का ट्वेल्व टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन डायग्राम कौन सा टोटल इलेक्ट्रॉन लेस इक्वल्स टू फोर्टीन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं सिग्मा वन एस टू सिगमा स्टार वन एस टू सिग्मा टू एस टू सिग्मा स्टार टू एस टू कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टू पी टू एक्स बराबर पाई टू पी टू वाई हो गए दस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन बारह पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था टोटल इलेक्ट्रॉन फोर्टीन पे बॉन्ड ऑर्डर होता था थ्री थर्टीन पे टू पॉइंट फाइव 12 पे होमो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्या हो जाएगा बेटा वो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बेटा पाई टू पी एक्स भी हो सकता है और पाई टू पी वाई भी हो सकता है क्यों दोनों की एनर्जी बराबर है पहले किसी में भी इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है और लास्ट में भी किसी में इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है ल्यूमो क्या होगा बेटा इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आना था इसके बाद नेक्स्ट आना था टू पी जेड तो वो ल्यूमो हो गया नेक्स्ट बेटा क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर तो नेचर डाया मैग्नेटिक हो गया मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ गया बिना किसी शक के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सी टू के अंदर दैट in C2, no sigma bond, only two pi bonds are present. और ये कौन explain करता है MOT. कैसे explain करता है Bonding, anti bonding, जितने bonding है उतने anti bonding है जितने bonding है उतने anti bonding है लेकिन ये दोनों bonding molecular orbital pi में present है ठीक है तो देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड इन सी टू ओनली टू प्रेजेंट क्लियर याद रखना सी टू में और वहीं पे बी टू जो होता है B2 बोले तो तो उसमें में एक-एक एक है है के अंदर सिर्फ एक pi bond होता नो सिग्मा बॉन्ड इज देयर ठीक है आ जाते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहां से बन जाएंगे ठीक है नंबर वन B2 टू एंड सी अभी अभी मैंने बताया B2 का जब आप डायग्राम बनाओगे तो उसमें भी पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता तो B2 टू एंड सी टू कंटेन्स वन एंड टू पाई बॉन्ड ओनली एंड देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड इन दीज मॉलिक्यूल्स याद रखना इस पे करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है या आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिग्मा इट डज नॉट हैव अ पाई बॉन्ड या ओनली हैविंग टू पाई बॉन्ड या ओनली हैविंग वन पाई बॉन्ड क्लियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भाई सीधा सीधा वो सारे मॉलिक्यूल जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर में है एक्सेप्ट टू टोटल इलेक्ट्रॉन टेन टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्सटीन इन दोनों को छोड़कर जितने भी मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में हैं वो सारे के सारे डायमैग्नेटिक और जहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में हैं इंक्लूडिंग टेन और सिक्सटीन आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन नंबर में है ऑल आर डायमैग्नेटिक टू फोर सिक्स एट फोर्टीन एटीन एक्सेप्ट जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन दस और सोलह है अभी हमने प्रूव किया था ओ टू कैसा था इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज जीरो जब किसी का बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो है दैट मीन्स कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एग्जाम्पल बीई टू एंड एच ई टू कंफ्यूज होते हैं ना जब इन ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट या ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है नेक्स्ट बेटा ऑल डज नॉट हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर आप सोचो मैम आपने अभी अभी तो चार्ट बनवाया जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन इतना उसका बॉन्ड ऑर्डर इतना होगा जिसके इतना इतना होगा बट एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं एक एक्सेप्शन है वो डिस्कस करना बाकी है इस थ्योरी का ठीक है क्योंकि सीओ प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन थर्टीन होते हैं लेकिन सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर एक्सेप्शनली थ्री पॉइंट फाइव होता है और अभी इसे हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है बॉन्ड ऑर्डर मोर देन थ्री इज नॉट पॉसिबल कभी किसी दो एटम के बीच में तीन से ज्यादा बॉन्ड देखे नहीं देखे तो बॉन्ड ऑर्डर तीन से ज्यादा इंपॉसिबल होता है क्लियर जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा ध्यान से देखना बेटा जितना ज्यादा बॉन्ड होगा ऑर्डर यानी कि जितनी ज्यादा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम ठीक है ये की पॉइंट है ना बेटा यहाँ से पक्का आपका नीट का एक क्वेश्चन पक्का बनेगा देख लो ध्यान से न देख लो ये जो बातें तुम कर रहे हो ना बेटा जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना जब नीट का पेपर दे रहे होंगे ना तब याद आएगी ठीक है कि मैम ने कहा था पढ़ लो लेकिन हमको समझ नहीं आता हमको पढ़ने के अलावा कुछ भी करवा लो ठीक है यस yes. अरे भाई अभी एनसीआरटी इंपॉर्टेंट है ये पूछने का टाइम बचा है क्या अभी जो करवा रहे हैं उसे कर लो बेटा इसके बाहर कुछ नहीं आएगा बस इंपॉर्टेंट ये कि तुम इतना कर तो लो ठीक है तुम जगकर मोटिवेट तो कर रहे हो मुझे पढ़ाने के लिए लेकिन ये बकवास करके क्या बोले अब हा अरे यार बेटा फ्लो चल रहा है एमओटी तो खत्म हो जाना तो फिर ब्रेक दे, दे देंगे खत्म हो जाने तो फिर पक्का ब्रेक है ठीक है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने बोला है मैम आप तो चैप्टर खत्म कराओ हम तो पूरी रात जगने के लिए रेडी हैं, रेडी हो ना पूरी रात जगने के लिए, क्या बोलते हो बोलो करा देगा चैप्टर पूरा क्योंकि सेकंड पार्ट तो रिकॉर्डेड मिलेगा लाइव नहीं आएगा लाइन लग रही है यस मैम की ज्यादा नहीं बाकी तो कम ही है लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड ऑल्सो ठीक है हाँ मैं तो करवाऊंगी बिल्कुल आज और अगर तुम लोगों ने ऐसे ही कॉमेंट्स किए तो फिर हो सकता है जल्दी खत्म करनी पड़े रिकॉर्डेड डाल देंगे की पॉइंट्स को ध्यान से देख लो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले यस yes, बेटा चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ देख लिया ना बेटा की पॉइंट्स कतई इम्पोर्टेंट है बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर सीओ एंड सीओ प्लस ठीक है बेटा पहली बात ये एक एक्सेप्शन है देखो बेटा अगर एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाए तो सीओ और सीओ प्लस में बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन सी में कितने थे बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन सीओ में थे कार्बन के ऑक्सीजन के आठ ठीक है और आठ और छह कितना हुआ चौदह इलेक्ट्रॉन और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो ये तेरह इलेक्ट्रॉन बनेंगे और ये बनेगा सीओ प्लस लेकिन बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये कहता है NB माइनस एन ए अपॉन टू फॉर्मूला क्या कहता है एनबी माइनस एन ए अपॉन टू तो क्या मैं बोल सकती हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या मैं बोल सकती हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन में एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से निकाला गया अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से निकाला गया तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा सही बात है क्यों फॉर्मूला कह रहा है भाई माइनस करके अगर एंटी बॉन्डिंग में से निकालते तब तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा लेकिन एंटी बॉन्डिंग में से निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया गया कि जो बॉन्ड लेंथ है ना वो सीओ की सीओ प्लस से ज्यादा होती है तो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी सीओ प्लस का ज्यादा होना चाहिए था लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बी में से निकलता क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू पी टू जेड में जाता अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता इंक्रीज नहीं तो क्या किया जाए तो उस केस में इनके लिए अलग से डायग्राम बनाया गया मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जिसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को ऊपर लाया गया और कौन से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को ऊपर लाया गया सिग्मा स्टार टू एस और सीओ और सीओ प्लस के लिए जो डायग्राम फॉलो करना है वो कुछ इस प्रकार से है ध्यान से देखेंगे आपस में सब ओवरलैपिंग किया सिग्मा स्टार वन एस का फॉर्मेशन किया टू एस ने टू एस के साथ ओवरलैपिंग किया सिग्मा टू एस का फॉर्मेशन किया लेकिन सिग्मा स्टार टू एस ऊपर चला गया ठीक है उसके बाद टूपी ने टूपी के साथ ओवरलैपिंग किया तो टूपी के तीन थे भाई ये टू पी के तीन इन तीनों ने फॉर्मेशन किया पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई एंड सिग्मा टू पी जेड और ये सिग्मा स्टार टू एस एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को ऊपर की पोजीशन दी गई और बाकी सब कुछ एज इट इज पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y सिग्मा स्टार 2p z ये डायग्राम फॉलो होता है किसके लिए co and co plus के लिए ठीक है हम कम कर लेते हैं ये सिग्मा स्टार 2 ऐसे ठीक है अब co में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा चौदह इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो किस तरीके से होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अब CO के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है सिग्मा स्टार 2s में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और CO से CO+ बनाना है तो अब इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वो सिग्मा स्टार 2s है। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा एंड दैट्स का का बॉन्ड ऑर्डर 3.0 होता होता है है याद रखना 3.5 भूलना मत बेटा आ सकता है यहां से क्वेश्चन ठीक है अब मैं आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा देती हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा सीओ का लिख देते हैं सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू सिग्मा टू एस टू अब सिग्मा स्टार टू एस तो लास्ट में चला गया पाई टू पी टू एक्स बराबर कॉमा सिग्मा टू पी टू जेड कुछ हमने छोड़ दिया क्या नहीं छोड़ा है ना कॉमा सिग्मा स्टार 2s2 ये हो गया बेटा अब इस केस में होमो क्या हुआ होमो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिग्मा स्टार 2s ल्यूमो क्या होगा बेटा जिसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाना था पाई स्टार 2px भी हो सकता है पाई स्टार 2py भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर अभी मैंने बताया 3.0 उसी तरीके से बेटा आप co+ का भी लिख सकते हो प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा इसमें से बस एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो ठीक है एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो कर देते हैं बेटा क्या आ जाएगा सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू सिग्मा टू एस टू कॉमा पाई टू पी टू एक्स बराबर पाई टू पी टू वाई कॉमा इसके बाद क्या आएगा बेटा सिग्मा टू पी टू जेड कॉमा सिगमा स्टार टू एस वन हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो हाइएस्ट पोजिशन पर है और ऑक्यूपाइड है सिग्मा स्टार टू एस लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो लोएस्ट पोजिशन पर है और अनऑक्युपाइड तो इसके बाद आने वाला था दैट इज पाई स्टार टू पी एक्स भी हो सकता है पाइव स्टार टू पी वाई भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर तो बेटा एक्सेप्शनली है बाकी सबका तो उससे निकल जाता है थ्री पॉइंट फाइव ये नेचर में पैरा मैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये नेचर में डाया मैग्नेटिक बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द ओनली एक्सेप्शन ऑफ एमोटी क्लियर हुआ ये yes. क्लियर एकदम यस नेक्स्ट दो तीन एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक दे, दे देंगे ठीक है वो लास्ट ब्रेक होगा उसके बाद क्या रह गया फैजान रूल रेजोनेंस हाइड्रोजन बोर्डिंग डेवलोमेंट बहुत छोटा छोटा सा बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगी जहां से क्वेश्चन उठ के आने वाला है ठीक है इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपने बहुत अच्छे से कवर किए बेटा ठीक है उसके बाद आपने पी वाई क्यू ठीक है तो तुमने बोला अभी है मैम हम जगह रहेंगे कैसे भी करके एक शॉर्ट में पढ़ा दो नेक्स्ट बेटा अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्टेबिलिटी भाई अभी अभी तो बात की थी कि स्टेबिलिटी का बॉन्ड ऑर्डर के साथ कैसा रिश्ता है तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर हाँ जी बिल्कुल देख लो बेटा क्या दिया हुआ था एच टू एच टू प्लस एच टू माइनस क्या करो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन इधर दो टोटल इलेक्ट्रॉन इधर कितने टू माइनस वन वन टोटल इलेक्ट्रॉन टू प्लस वन थ्री इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इसका 1.0, इसका 0.5। मैम ये तो समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल H2 होगा क्योंकि उसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है लेकिन जिसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर है उसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर है उसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है ये देखने के लिए ये देखो कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल में है अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है तो उसकी एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है तो उसकी एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम क्लियर तो यहां पे ध्यान से देखेंगे बेटा H2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन वन है इसका कॉन्फिग्रेशन लिखे तो सिग्मा वन एस वन लिखे तो सिग्मा 1S2, सिग्मा स्टार 1S1. इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी कम होती है तो सेकेंड नंबर पर आ गया एच टू प्लस थर्ड नंबर पे आ गया एच टू माइनस दैट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बस क्या देखना है बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन बीएमओ में होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में होगा तो उसकी एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखा था ठीक है बेटा नेक्स्ट देखेंगे फैजानस रूल ठीक है है ध्यान से देखो बेटा रूल रूल क्या कहता है? कोई कहता है कि आयनिक कैरेक्टर बताने के लिए है कोई कहता है कोवलेंट कैरेक्टर बताने के लिए है फैजान जी ने क्या कहा बेटा उन्होंने कहा ना तो कोई भी कंपाउंड ना तो कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक होता ना कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली कोवेलेंट होता तो ही एक्सप्लेन बोथ एक्सप्लेन बोथ आयनिक एज वेल एज कोविलेंट कैरेक्टर भाई अब याद करो क्लास की शुरुआत कहां से हुई थी क्लास की शुरुआत हुई थी आयनिक बॉन्ड से कहां से हुई थी बेटा आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज मैंने क्या लिखवाई थी ड्यू टू ग्रेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आय और यह दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वह बहुत ग्रेट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इन आयन्स के बीच में है तो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर उतना ज्यादा देना पड़ेगा और मेल्टिक पॉइंट बॉलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया एक मॉलिक्यूल था एन और एक मॉलिक्यूल था एल कि इसका जो दो पॉइंट था वो तो था 777 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो था 97 डिग्री सेल्सियस ऐसा क्यों कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसका कम दोनों ही आयनिक है ना तो क्या ऐसा रीजन है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा उन्होंने पता किया और उन्होंने कंक्लूजन दिया कि हर कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है और कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है एंड दैट आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवेलेंट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू तो हंड्रेड परसेंट अगर किसी में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा और किसी में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा क्लियर तो अब इस केस के लिए उन्होंने डिफाइन किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई कैरेक्टर। तो बेटा किसी में कोवलेंट कैरेक्टर कितना है कैसे पता करेंगे बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू polarizing power of cation and that is directly proportional to polarizability of anion what is that polarizing power of cation polarized पावर ऑफ कैटायन को हम कैसे मेजर करेंगे देखो बेटा ध्यान से ये कैटायन है ठीक है नाउ इमेजिन कि ये कैटाइन है ठीक है जो डिस्टॉर्शन होता है जो डिस्टॉर्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो डिस्टॉर्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में उसको कहते हैं पोलराइजेशन और अगर कैटाइन की बात करें बेटा तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर क्या है एबिलिटी ऑफ टायन टू पोलराइज एनायन क्या बेटा अगर मैं बोलू पोलराइजिंग पावर तो ये क्या है एबिलिटी ऑफ टू पोलराइज एनायन यानी कि एनाइन एनायन जो भी है उसको अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है इस cation, क्यों से कह रहे हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और बेटा पोलराइजेबिलिटी क्या है पोलराइजेबिलिटी इज ऑल अबाउट पोलराइजेबिलिटी प्रॉपर्टी है एनयन की कि वो कितना पोलराइज हो रहा है बाय दैट कैटायन बट ये है क्या देखो बेटा ये कैटायन है और मान लो ये एनयन है जब ये दोनों पास आ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो भी एनयन है ये कैटायन क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे तो इसका जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट होता चला जा रहा है क्योंकि वो आकर्षित हो रहे हैं उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ और उसमें जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन पहले से आता जा रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इस कैट एन के पहले से ही खिंचने की वजह से उस कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो रहा है और वो जो कोवलेंट कैरेक्टर अराइज हो रहा है वो उस कंपाउंड में कोवेलेंट होने की परसेंटेज को बढ़ा रहा है और अगर कंपाउंड कोवेलेंट हुआ तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा अगर उसका आयनिक कैरेक्टर कम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और उसका कलर इंपार्टिंग नेचर ज्यादा होगा मैम ये कलर इंपार्टिंग नेचर क्या होता है अरे बात बताओ यार आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है लाइक like, लाइक like, जो जैसा होता है उसमें घुल मिल जाता है और कोविलेंट कंपाउंड क्या होता है अगर कंपाउंड कोविलेंट हुआ तो वो सोल्यूबल थोड़ी ना होगा वो सोल्यूबल नहीं होगा तो क्या होगा इन होगा और सब्सटेंस को क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं और जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो किसी ना किसी कलर का बनेगा उसको कहा जाता है कलर इंपार्टिंग नेचर तो एक सिंगल कंसेप्टिंस रूल से कोविल नेचर आयनिक नेचर ठीक है ठीक है उसके बाद कलर इंपार्टिंग नेचर मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट आयनिक एक्टर ऑल वी कैन डिस्कस ओनली विद द कंसेप्ट ऑफ फैजांस रूल यही फेजांस रूल है जो थर्मल स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी सब में काम आएगा क्योंकि अगर किसी की आयनिकेक्टर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अगर तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो कम होगी ठीक है अगर कोई नेचर में आयनिक करक्टर ज्यादा है तो सोलिबिलिटी ज्यादा होगी लाइक लाइक मैंने कहा ना बेसिक बनाता है इलेवेंथ क्लास हमारा जब हम एस ब्लॉक तक पहुंचते हैं पी ब्लॉक तक पहुंचते हैं फिर हम कहते हैं डाउन द ग्रुप कार्बोनेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है नहीं डिक्रीज होती है नहीं ये होती है वो होती है क्यों रटते हैं हम समझते नहीं है जब ये टाइम होता है तो हम डेटिंग की बातें करते हैं तो कर रहे हैं ना कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में बट हाउ ऑन दे आर मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक भी नहीं होगा तो कैसे लाइव लूंगी अभी क्लास खत्म करूंगी रिकॉर्डेड कर दूंगी बट मुझे पता है, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे उस क्लास में जो ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे तो वापस पे आ जाते हैं। एक फैजान रूल लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो कितने सारे ठीक है तो भाई पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन को मेजर कैसे किया जाता है बेटा पोलराइजिंग पावर

कैटाइन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आकर्षित करेगा पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड साइज ऑफ एनायन एनायन का चार्ज जितना ज्यादा है ना एनायन का साइज जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा ठीक है क्योंकि हमने अभी अभी कंक्लूड किया तो क्या लिख सकती हूँ बेटा यहां से ध्यान से समझना कोवेलेंट देखो हमने अभी अभी लिखा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जितना ज्यादा पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना कम आयनिक कैरेक्टर उतना कम मेल्टिंग पॉइंट उतना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना कम और कलर इंपार्टिंग नेचर उतना ज्यादा कलर यानी कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाने की कलर इंपार्टिंग नेचर उतना ज्यादा कलर तो बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है क्यों भाई इनसोल्यूबल सब्सटेंस है ना अगर कोवेलेंट है तो नेक्स्ट आयनिक एक्टर कम तो सोल्यूबिलिटी भी कम क्यों लाइक डिजॉल लाइक जनरली सॉल्वेंट किसको माना जाता है वाटर को तो सोल्यूबिलिटी उतनी कम सॉल्युबिलिटी उतनी कम आगे और भी प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे लेकिन राइट right नाउ इसको ध्यान से देख लो ठीक है तो दो फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिए पोलराइजिंग पावर ऑफ ऑफ एंड तीसरा फैक्टर ओहो लिखा हुआ था यार सब दोबारा लिख देंगे नहीं यार अब इसको हटा देते हैं यार है ना हमने समझा तो दिया ही है तीसरा पॉइंट मुझे आपको समझाना था तीसरा किस पे डिपेंड करता है बेटा तीसरा डिपेंड करता है उतना ज्यादा होगा एक और तीसरा फैक्टर है पे डिपेंड करता है कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है बेटा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन क्या मतलब होता है बेटा नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन का नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन का मतलब होता है बेटा 18 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल क्या होना चाहिए बेटा कॉन्फिग्रेशन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए एन एस टू एन पी सिक्स एन माइनस वन डी टेन अगर किसी का कॉन्फिग्रेशन इस तरीके का आ जाए तो इसका मतलब नहीं एन माइनस वन क्यों होगा भाई एन ही रहेगा ना एनडी टेन अगर किसी का कॉन्फिग्रेशन इस तरीके का आ जाए तो यानी कि उसने स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन कर लिया है एग्जाम्पल अभी बता देते हैं सी जेड एन प्लस टू जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है बेटा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस थ्री डी टेन फोर एस टू क्या बेटा थ्री डी टेन फोर एस टू अब जेड एन एटोमिक नंबर थर्टी होता है लेकिन दो इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे तो फोर एस में से इलेक्ट्रॉन चले गए अब ध्यान से देखो बेटा थ्री एस थ्री पी थ्री डी आउटर मोस्ट शेल जो है आउटर मोस्ट शेल थर्ड है और उसमें इलेक्ट्रॉन गिन लो टेन प्लस सिक्स प्लस टू एटीन इलेक्ट्रॉन है और अगर आउटर मोस्ट शेल में किसी के 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अगर आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दैट मींस वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन कर चुका है एंड वो सभी जो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं उनका भी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है ठीक है जी देख लो एक बार ध्यान से एक और एग्जाम्पल है बेटा सी यू प्लस एक और एग्जांपल है Cu प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं क्या हो जाएगा बेटा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है थ्री डी टेन फोर एस वन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटीन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल तो इसका भी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा तो वो हर स्पीसीज जो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन कर लेती है उसका क्या ज्यादा होगा बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर देख लो बेटा ध्यान से है ना दैट इज द रीजन है ना दैट इज द रीजन सी ए जी एफ एजीसीएल ए जी बी आर जी आई ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं चारों के चारों पता है क्यूं? क्यों क्योंकि उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो तो सेम है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ज्यादा होगा और अगर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा कलर इम्पार्टिंग नेचर उतना ज्यादा होगा दैट इज द रीजन कि भाई ये जो होता है ना ये पेल येल्लो कलर का होता है ये वाइट येल्लो कलर का होता है है ना ये वाइट कलर का होता है और ये कलर लेस होता है समझ आया क्यों क्योंकि जितना ज्यादा कोविलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा जितनी पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा वो कितनी ज्यादा जितना एनायन का साइज ज्यादा उतना ज्यादा कलर इंपार्टिंग नेचर समझ रहे हो बेटा कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इस सिंगल कंसेप्ट से समझ आया कि नहीं जल्दी बोल दो यार अगर आ गया है पॉइंट्स याद कर लिए हैं चलो एक दो क्वेश्चन कर दो यार आयनिक कैरेक्टर बता दो बेटा यहाँ कैरेक्टर बता दो बेटा हाँ पे हाँ बताओ बेटा किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा किसका कम इतना तो पता है ना दट आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रपोशनल टू कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर किसके प्रपोशनल होता है अभी अभी बताया जल्दी बोलो यार

दोनों प्लस वन प्लस वन दोनों माइनस वन माइनस वन लीना की रफ से फरियाद जहां पर कैटायन का छोटा साइज वहां पर कोविल करेक्टर ज्यादा तो कैटाइन का छोटा साइज यहां पर है कोविलन करेक्टर ज्यादा तो आयनिक किसका ज्यादा क्लियर है देख लो यार ई ए बी सी डी नहीं था आधे बच्चे नींद में हैं वो बोले रहे A, B, C, D. ना ए बी सी डी नलायको ए बी सी डी नहीं है ये ए बी सी डी चारो बताने हैं आदत सी हो गई ना इतने सारी हम लोग लाइव क्लास अटेंड करते हैं हम शुरू हो जाते हैं ए बी सी डी जहां पहुंचे वहां पहुंच जाते हैं है ना चलो बेटा यस नेक्स्ट जल्दी बताओ बेटा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन यार इसको डिलीट कर देते हैं यार <laughs> मैंने तो खुद मानो याद करेगी दुनिया हाँ बच्चों कर दो तो बेटा क्या पूछा है कैरेक्टर पूछा है बताओ जल्दी से जल्दी से बता दो यार किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा बिल्कुल नहीं पड़ेगी इसलिए तो क्लास में प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैंने कहा ना आपका सिलेबस मेरे साथ खत्म होगा बोलो जल्दी यस हाँ सॉन्ग सुनाएंगे अभी ना गला बैठा हुआ है ठीक है लास्ट में सुनाएंगे और अच्छे से बैठ जाएगा तब अभी मैं यही हूं कहीं जा थोड़ी ना रही हूँ यस बेटा कोवलन कैक्टर पूछा है यहां पर इसका ज्यादा ठीक है यहां पर सबसे ज्यादा इसका होगा उसके बाद इसका फिर इसका क्योंकि यहां पर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन हो रहा है यहां पर किसका ज्यादा इसका क्लियर है बोलो यार बोल दो तो हाँ जी मैम क्लियर है अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे ब्रेक के बाद जिसको खाना खाना है पानी पीना है वॉशरूम जाना है फ्री होके आ जाइए डायपोल मूवमेंट रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से टॉपिक बाकी हैं. ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे बिल्कुल वही कराएंगे जहां से क्वेश्चन बनेगा आपका. ठीक है? उसके बाद आज की कार्यवाही को यही समाप्त करेंगे पीवाई क्यू के साथ कितनी देर का ब्रेक दें चलो ईमानदारी से बताओ दूसरा ब्रेक है हमारा ये ठीक है ये हमारा सेकेंड ब्रेक है और सेकेंड ब्रेक हम आपको दे देते हैं टिल इलेवन फिफ्टीन पी एम चलेगा काफी है इतना दोबारा आ जाना ना ला ठीक है आज पूरा करना है ना ऐसा तो नहीं है बचा कुचा रिकॉर्डेड डाल दें आज पूरा कर देते हैं ठीक है हाँ ठीक है पंद्रह मिनट का काफी है यार बस बहुत है इलेवन फिफ्टीन तक का ब्रेक है जल्दी से चले जाओ अब देखो चैट की स्पीड देखो आप स्पीड देखो चैट की चलो ठीक है बेटा जल्दी से प्रियो के आ जाओ उसके बाद अपन शुरू करेंगे यस बेटा मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है यस बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है यस यस बेटा सो हाउ इज द जोश ठंडा पड़ गया यस जोश हाय चैट बॉक्स में दिखना चाहिए मुझे कितना हाई है जोश यस yes. चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे बेटा डायपोल मोमेंट जो होता है इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अगर मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला पूछा जाए मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो वो ए इंटू डी होता है क्या होता है बेटा ई इंटू डी Clear? इसकी जो यूनिट होती है बेटा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वन डी बाई वन डी और अगर इसे ईएसयू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा वन इंटू टेन टू पावर माइनस एटीन ई एस यू सेंटीमीटर ई क्या है ई एस यू है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की यूनिट क्लियर तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन ईएसयू किसके बराबर होता है बेटा 4.8020 पॉइंट एट जीरो टू जीरो इंटू टेन टू माइनस टेन ई एस यू दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्लियर वहीं पे बेटा ये जो डी है ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डी रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन एक्चुअल डायपोल मूवमेंट होता क्या है डायपोल मूवमेंट इज द मेजर ऑफ किस चीज का मेजर हम यहां पर करते हैं बेटा इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस क्या बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस जो हमने कल ही परसों ही पढ़ा था बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल है लाइक एचसीएल क्लियर डायपोल का मतलब समझा रही हूं कोई भी एक मॉलिक्यूल है एच सी एल तो इसके बीच में जो बॉन्ड है यहां एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है यहां एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दो तरीके का चार्ज अराइज हो रहा है तो इसे कहते हैं डायपोल बोले तो दो पोल तो यह डायपोल कहलाता है और ये बॉन्ड कैसा कहलाता है पोलर तो कहते हैं ना पोलैरिटी है पोलैरिटी मतलब यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज अराइज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं पोलैरिटी अराइज हो रही है डायपोल अराइज हो रहा है तो डायपोल मोमेंट से तीन टाइप का क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ क्वेश्चन सुन लो फिर वन बाय वन सब कुछ कवर करेंगे नंबर वन मॉलिक्यूल का डैपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा सेकंड, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है यानी कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है उसमें कोई पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं है और अगर किसी का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है यानी कि उसमें पोलैरिटी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर प्रेजेंट है सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले पे बनता है म्यू बराबर ई इंटू डी और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन कि वो आपसे कंपेयर करवा लेता है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा किसका डायपोल मोमेंट कम होगा तो अब तक हमने बॉन्ड के बारे में तो पढ़ा था कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो मतलब वहां पर पोलैरिटी है पोलर बॉन्ड है लेकिन व्हाट अबाउट पोलर मॉलिक्यूल अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने, करने वाले हैं तो क्या ध्यान देना है बेटा देखो मैं आपको सीधा ट्रिक बता रही हूं मैंने कहा था ना जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था मैंने तभी कह दिया था कि इसको ध्यान से समझ लो ध्यान से पढ़ लो ये पक्का आएगा तो बेटा वही हाइब्रिडाइजेशन अब काम आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन पता है तो शेप पता है शेप पता है तो ये भी पता है कि बॉन्ड पे लोन पेयर कितने हैं और ये पता है तो डेपोल मोमेंट पता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रही हूं जिससे आप सीधे सीधे बता सकते हो कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा या वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा वो हर मॉलिक्यूल जिसका डेपोल मोमेंट जीरो होगा वो नेचर में कैसा होगा नॉन पोलर मतलब उसमें कोई ना कोई पोलैरिटी प्रेजेंट होगी ही होगी क्लियर उसमें कोई ना कोई पोलैरिटी प्रेजेंट होगी ही होगी तो वो हर मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है अब हम निकालेंगे कैसे मैम हम कैसे निकालेंगे कि उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा तो उस केस में अभी मैं आपको सारे मैथर्ड बताऊंगी यहां पे तो वो मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है क्या होती है बेटा रेगुलर ज्योमेट्री होती है और रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है जहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है क्या बेटा जहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है और ऑल सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल क्या बेटा ऑल सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं बेटा आइडेंटिकल है वो हर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जीरो आएगा और उस केस में वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा नॉन पोलर अभी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं अभी सिर्फ नोट लिखवा रहे हैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाएंगे नेक्स्ट बेटा वो हर मॉलिक्यूल जिसका डेपुल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा वो नेचर में कैसा होगा पोलर Polar. पोलैरिटी है यानी कि मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ नेट पोलैरिटी प्रेजेंट है और वो हर मॉलिक्यूल जिसकी इररेगुलर ज्योमेट्री होती है और इेगुलर ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं सीख चुके हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर आ चुका है इरेग्युलर जोमेट्री होती है वो सारे केसेस आ जाते हैं मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इसमें दो और केस आ जाते हैं लोन पेयर वाले इंक्लूडिंग टू केसेस कौन से बेटा फोर पेयर टू लोन पेयर और टू बॉन्ड पेयर थ्री लोन पेयर ये केसेस हमारे पास यहां पर आ जाते हैं अब इस बात को समझना है कि मैम आपने जो नोट लिखवाया है ना आपने हमें ट्रिक तो बता दिया कि पोलर नॉन पोलर पहचानने का अब हमें समझाओ कि होता क्या है ठीक है तो अब सुनो बेटा ध्यान से कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है कैसे होता है बेटा डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट केमिस्ट्री के हिसाब से जवाब देना भाई ठीक है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट कैसा होता है बेटा कैसे होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लियर और अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट हो तो टुवर्ड्स द लोन पेयर ठीक है तो और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा डायपोल मूवमेंट डिपेंड कर रहा है मैं इस पॉइंट पे वापस आने वाली हूं एक डेरिवेशन करवाने के बाद ठीक है नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट है जिसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं वो तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रपोशनल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा भाई ये थीटा क्या है ये थीटा है बॉन्ड एंगल मैम जो आपने बोला है उसे प्रूफ करके दिखाइए तो नाउ ये प्रूफ करने के लिए हम पढ़ रहे हैं कुछ केसेस जिसमें केस, जिस केस नंबर वन आपके सामने ये रहा क्या कहता है बेटा केस नंबर वन केस नंबर वन कहता है वैन two dipoles when two dipoles of same magnitude of same magnitude are present at are present at 180 degree angle then resultant dipole moment then रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो चलो इसे प्रूव करके दिखाते हैं दो डायपोल्स जिनका बॉन्ड एंगल कितना है बेटा 180 डिग्री है उनका मैग्नेट्यूड सेम होना चाहिए और किसी भी डायपोल का मैग्नेट्यूड सेम कब दिखाई देगा जब सराउंडिंग एटम सेम हो क्योंकि अगर सराउंडिंग एटम सेम होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो ई इन टू डी सेम होगा तो उसका डायपोल भी सेम हो गया तो ये रहा बेटा सेंट्रल एटम एटम ये रहे दोनों सराउंडिंग बॉन्ड बॉन्ड एंगल एंगल कितना है है बेटा 180 डिग्री अब मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसको हमने म्यू म्यून से रिप्रेजेंट किया इसका डायपोल का डायरेक्शन इस तरफ इसे हमने म्यू टू से रिप्रेजेंट कर दिया और अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो ई e और डी भी सेम होगा और अगर ई e और डी सेम है तो म्यू वन को बोल सकते हैं म्यू टू के बराबर है वेन टू डेपोल मूवमेंट ऑफ सेम मैग्निट्यूड आर प्रेजेंट एट वन एटी डिग्री एंगल रिजल्टेंट डेपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो और रिजल्टेंट डेपोल मूवमेंट को देखने का क्या फॉर्मूला होता है क्या पढ़ते हैं बेटा देट म्यू बराबर म्यू रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा बोल सकते हैं और कॉस 180 डिग्री का तुम तो पता हो शायद वैल्यू डिग्री का वैल्यू कितना होता है माइनस वन तो म्यू वन म्यू टू के अगर बराबर है तो मैंने पुट कर दिया म्यू वन को म्यू टू के बराबर तो ये आ गया टू म्यू वन स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू यानी कि टू म्यू वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन तो म्यू कितना आ गया जीरो तो ये प्रूव हो गया कि जब जब दो सेम मैग्नीट्यूड के 180 डिग्री पे जब जब, जब प्रेजेंट होंगे तब तब नेट मोमेंट कितना आएगा रिजल्टेंट बेटा जीरो आएगा क्लियर नाउ केस नंबर टू क्योंकि मुझे प्रूव करना है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा ठीक है तो केस नंबर टू देखेंगे बेटा ध्यान से केस नंबर टू क्या कहता है सी केस नंबर टू कहता है वैन टू डायपोल्स ऑफ सेम मैग्निट्यूड वैन टू डायपोल्स ऑफ सेम मैग्निट्यूड ऑफ सेम मैग्निट्यूड आर प्रेजेंट एट आर प्रेजेंट एट 120 ट्वेंटी डिग्री एंगल देन रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट देन रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट आप देखना बेटा ध्यान से इसको भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है कुछ इस प्रकार से कि ये रहा सेंट्रल एटम, ये रहा सराउंडिंग एटम और ये रहा सराउंडिंग एटम और यहां पे इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना वो है बेटा 120 डिग्री क्लियर है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है इसके डैपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ दैट इज म्यू वन एंड इसके मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ दैट इज न्यू टू बट म्यू वन तो म्यू टू के बराबर होगा सराउंडिंग एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिस्टेंस सेम अब इस केस में अगर म्यू वन म्यू टू के बराबर है तो रिजल्टेंट प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू न्यू वन न्यू टू कॉस थीटा और कॉस वन ट्वेंटी डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा माइनस वन बाई टू वैल्यू पुट कर देते हैं अगर म्यू वन म्यू टू के बराबर है तो न्यू टू को न्यू वन लिख सकते हैं वन स्क्वायर प्लस स्क्स वन स्क्वायर टू न्यू वन स्क्वायर प्लस टू न्यून स्कूर इन टू माइनस वन अपॉन टू टू से टू कैंसल आउट कितना आ गया बेटा ये आ गया न्यू वन स्क्वायर के बराबर जैसे हम लिख सकते हैं न्यू वन यानी कि वैन टू डाइपोल मोमेंट ऑफ सेम मैग्निट्यूड प्रेजेंट एट वन ट्वेंटी डिग्री एंगल रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो बॉन्ड एंगल जैसे जैसे कम हो रहा है डायपोल मूवमेंट बढ़ रहा है क्योंकि जब बॉन्ड एंगल एक सौ अस्सी डिग्री था तो डायपोल मूवमेंट जीरो था बॉन्ड एंगल एक सौ बीस डिग्री हुआ तो इंडिविजुअल के बराबर आ गया थर्ड केस लास्ट But not the least, that is case number third. Kya kehta hai beta? when two dipoles when two dipoles of same magnitude, when two dipoles of same magnitude are present at zero degree angle.

ये रहा सेंट्रल एटम ये रहा सराउंडिंग एटम और दूसरा सराउंडिंग एटम भी यही है क्योंकि यहां पर बॉन्ड एंगल जीरो डिग्री है वेन टू डायपोल ऑफ सेम मैग्निट्यूड आर प्रेजेंट एट जीरो डिग्री बॉन्ड एंगल देन रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट प्रूफ कर देते हैं देखो ध्यान से तो म्यू रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ऑफ न्यू वन स्क्वायर प्लस न्यू टू स्क्वायर प्लस टू न्यू वन न्यू टू थीटा चलो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो न्यू वन न्यू टू के बराबर है तो न्यू वन स्क्वायर प्लस न्यू टू स्क्वायर टू न्यू वन स्क्वायर प्लस टू न्यू वन स्क्वायर कॉस जीरो का वैल्यू हो गया वन तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा

जब बॉन्ड एंगल जीरो डिग्री था तो रिजल्टेंट डेपुल मोमेंट आया ट्वाइस ऑफ इंडिविजुअल जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था तो डायपुल मोमेंट आया इंडिविजुअल के बराबर और जब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री था तो डेपुल मोमेंट आया जीरो तो क्या अब मैं कह सकती हूं कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा देखेंगे बेटा एक बार ध्यान से यही लिखा था हमने देख लो बेटा एक बार ध्यान से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं और लिख सकते हैं तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं एग्जाम्पल देख लो बेटा एक दो एग्जाम्पल बता देती हूं अब मैं उन पॉइंट्स पे आ रही हूं बेटा अब मैं उन पॉइंट्स पे आ रही हूं ये पॉइंट्स लिखे हुए थे कोई बात नहीं अब मैं बेटा उन पॉइंट्स पे आ रही हूं जहां पे हम प्रूफ करेंगे कि इसका डेवलपमेंट कितना आएगा ठीक है देखना बेटा ध्यान से सी थोड़ी सी स्क्रीन हैंग हो रही है कोई बात नहीं यस बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बेटा सी हमने जो एक पॉइंट लिखा था ना स्टार्टिंग में ही कि वो हर मॉलिक्यूल जिसकी जोमेट्री रेगुलर होती है वो मॉलिक्यूल जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है यानी जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता जिसमें सारे सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल होते हैं उसका डेपो मोमेंट जीरो होगा ही होगा चलो प्रूफ करके दिखाओ चलो दिखा देते हैं ये रहा बेटा पी फाइव इसका सबसे पहले अब देखो काम आ रहा है ना हाइब्रिडाइजेशन मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना हाइब्रिडाइजेशन से पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं सेंट्रल एटम फॉस्फोरस फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव प्लस फाइव यूनिवेलेंस डिवाइड बाई टू किया आ आ आ गया गया हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड पेयर पेयर जीरो लोन शेप गई ट्राइगोनल बाय प्लेनर बाय पिरामिडल तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या है बेटा सी ये रहा फॉस्फोरस क्लोरीन 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 तीनों इक्विटोरियल है क्लोरीन क्लोरीन एक्सियल बेटा जी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बना दो जल्दी से बना देते हैं टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव अब ये वाला जो डायपोल है और ये वाला जो डायपोल है सराउंडिंग एटम सेम सराउंडिंग एटम सेम है तो मैग्नेट्यूड सेम मैग्नेट्यूड सेम ऊपर से दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है और अगर दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है तो इनका नेट डायपोल जीरो ये दोनों कंपटीशन से बाहर अब बात करते हैं इन तीनों की ये तीनों जो हैं दैट इज न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री न्यू वन तो न्यू टू ये तो इसको कैंसल आउट कर चुका क्यों एक डिग्री अब इनके बीच में एंगल वन डिग्री है ट्यूड आर प्रेजेंट एट वन ट्वेंटी डिग्री एंगल्टेंट डायपोल मूवमेंट और ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आया ये इसके साथ कितने पे आया 180 डिग्री तो अगेन 180 डिग्री सेम मैग्नेट्यूड नेट डायपोल मोमेंट जीरो नेट डायपोल मोमेंट जीरो मॉलिक्यूल कैसा हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल घोषित कर दिया गया हर मॉलिक्यूल में होगा ऐसा हर मॉलिक्यूल में होगा ऐसा ठीक है नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं वो हर मॉलिक्यूल जिसमें जीरो लोन पेयर होंगे सारे सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल होंगे वो पक्का नेचर में नॉन पोलर होगा उसका डैपल मोमेंट जीरो होगा इंक्लूडिंग टू केसेस फोर बॉन्डपेयर टू लोन पेयर टू बॉन्डपेयर थ्री लोन पेयर ऐसा क्यों मैम वहां पर भी तो दो लोन पेयर है लेकिन दोनों लोन पेयर आपस में एक सौ अस्सी डिग्री पे है लोहा लोहे को काटता है तो लोन पेयर लोन पेयर का मैग्निट्यूड तो सेम हो सकता है ना भाई ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा बी एफ थ्री बी एफ थ्री का हाइब्रेडाइजेशन निकाला एसपी टू थ्री बॉन्डपेयर जीरो लोन पेयर शेप आ गया ट्राइगोनल प्लेनर ये रहा बी एफ थ्री अब इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है इनके बीच का बॉन्ड एंगल यहां पर है 120 डिग्री वेन टू डायपोल्स ऑफ सेम मैग्नेट्यूड आर प्रेजेंट एट 120 ट्वेंटी डिग्री एंगल देन रिजल्टेंट एल मोमेंट बी लाइक दिस दैट इज अवर रिजल्ट मोमेंट और इनका मैग्निट्यूड अब कितना है एक सौ अस्सी नेट डायपल मोमेंट जीरो मॉलिक्यूल नॉन पोलर घोषित करार कर दिया गया तो यह वही पॉइंट रिपीट हो रहा है वो हर मॉलिक्यूल जिसकी रेगुलर जोमेट्री होती है बोले तो जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता सारे सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल होते हैं उस केस में वो मॉलिक्यूल कैसा होता है बेटा नॉन पोलर उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती हो सकता है कि उसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो वो बॉन्ड प्रेजेंट हो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है लेकिन पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल दोनों एकदम डिफरेंट टर्म है पोलर बॉन्ड होने के लिए एक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए और पोलर मॉलिक्यूल होने के लिए मॉलिक्यूल का डैपुल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से बड़ा एग्जांपल है एक और एग्जांपल करवा देती हूं चलो एस एफ सिक्स एस एफ सिक्स एस एफ सिक्स में सल्फर लेक्ट्रॉन सिक्स प्लस सिक्स यूनिवेलेंस डिवाइड बाई टू किया आ गया सिक्स हाइब्रोडाइजेशन एस पी थ्री डी टू क्लियर शेप क्या हो गई Octahedral, बना देते हैं स्ट्रक्चर ये रहा सल्फर चार फ्लोरीन ऑन द प्लेन एक ऊपर एक नीचे ध्यान से देखो बेटा सारे सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल हैं तो डायपोल का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और अगर डायपोल का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये आपस में 180 डिग्री पे है तो बस जो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर है ये इसको काटेगा ये इसको काटेगा इसको काटेगा नेट डेपल मोमेंट कितना हो गया जीरो नेट डेपल मोमेंट जीरो तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया लेकिन क्या इसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है बिल्कुल प्रेजेंट है देख लो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो पोलर बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा हो ही होगा क्लियर यस बेटा ठीक है तो ये हमारे पास कुछ केसेस थे हमने इसको प्रूव किया है बेटा आपके सामने अभी हमने आपको आते ही डेपोमोमेंट में एक चीज लिखवा दी थी हाउ टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल इस पोलर नॉन पोलर यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है ठीक है यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है ठीक है तो वो हर मॉलिक्यूल जिसका डेपोलोमेंट जीरो है वो नॉन पोलर होगा और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी रेगुलर जोमेट्री होती है जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं होता और सारे सराउंडिंग आइटम्स आइडेंटिकल होते हैं कोई सा भी मॉलिक्यूल उठा लो जीरो ही आएगा इंक्लूडिंग टू केसेस फोर बॉन्डपेयर टू लोन पेयर टू बॉन्डपेयर थ्री लोन पेयर याद है ना ये यह एसपी थ्री डी में था और यह एसपी थ्री डी टू में लोन पेयर होता है ये याद रखना अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं देखो बेटा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे सी हम्म सी इफ डायपोल मोमेंट ऑफ वन सीसी बॉन्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा उसके बाद हम बढ़ेंगे किस तरफ रेजोनेंस की तरफ उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ठीक है और उसके बाद चैप्टर खत्म होगा ठीक है यस yes, जल्दी से बताओ इफ डायपोल मोमेंट ऑफ वन सी सी एल बॉन्ड इज वन पॉइंट जीरो एट डिबाई यूनिट बताया था मैंने डायपोल मोमेंट का डिबाई होता है अगर एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इतना है तो फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट ऑफ देम ठीक है जी निकाल देते हैं भाई मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ठीक है जी अब देख लो बेटा यहां पे हमने सबके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बना दिया इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ इसके मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ इसके मोमेंट का डायरेक्शन इस, इस तरफ और इसके मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ ध्यान से देखो बेटा क्या ये इस तरीके से है क्या ये इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है और अगर इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है तो क्या ये एक दूसरे को काट रहा है इसका नेट मोमेंट जीरो हो गया और अगर इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया तो दीज टू डायपोल्स आर प्रेजेंट एट 120 डिग्री एंगल व्हेन टू डायपोल्स of same magnitude are present at 120 degree angle then resultant dipole moment is equals to individual dipole moment मूवमेंट और इंडिविजुअल डेपोल मूवमेंट का वैल्यू कितना है तो इसका आंसर कितना हो गया वन पॉइंट जीरो समझ आया कि नहीं रिपीट कर रही हूं सुनो ध्यान से सबके dipole moment का डायरेक्शन बना दिया सब में सराउंडिंग मैग्नेट्यूड सेम है सेम, है. है, तो सबसे पहले देखो कट क्या रहा है, क्या कोई ऐसा है जो 180 डिग्री पे प्रेजेंट है और अगर कोई ऐसा है जो 180 डिग्री पे प्रेजेंट है तो उस केस में क्या करोगे बेटा उसको सबसे पहले उड़ा दो तो ये इसके साथ वन पे था उड़ गया बचे ये दोनों ये दोनों आपस में 120 डिग्री पे थे तो वेन टू डायपोल्स ऑफ सेम आर प्रेजेंट एट वन ट्वेंटी डिग्री मोमेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट और इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट का वैल्यू वन पॉइंट जीरो निकालना है देख लो ध्यान से स्ट्रक्चर बना लेते हैं देखना बेटा ध्यान से क्या है इसके डेपलूमेंट का डायरेक्शन इस तरफ इसके मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ और इसके डेप्लोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ क्या कोई 180 डिग्री पे प्रेजेंट है क्या कोई 180 डिग्री पे प्रेजेंट है नहीं अगर कोई भी 180 डिग्री पे प्रेजेंट नहीं यानी कि कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा ठीक है ये दोनों जो डायपोल्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं आर प्रेजेंट एट 120 डिग्री एंगल तो इनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा और अब ये दोनों जो डायपोल मोमेंट है इनके बीच का एंगल जीरो आर प्रेजेंट एट जीरो डिग्री बॉन्ड एंगल देन रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट बराबर ट्वाइस ऑफ इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट और अगर मैं ट्वाइस कर दू वन पॉइंट जीरो एट का कितना आ गया बेटा टू पॉइंट वन सिक्सटी फाइव क्लियर है कि नहीं देख लो यार एक बार यस क्लियर है एकदम क्लियर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम डैपुल मोमेंट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका होगा चार बॉन्ड एंगल दे रखें जिसका बॉन्ड एंगल जितना कम उसका डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा। क्लियर है हाँ तो सिंपल बस ये देखना है नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है पोलर एंड नॉन पोलर मैंने आपको सीधा सीधा ट्रिक बताई है हाइब्रिडाइजेशन निकालो बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालो बॉन्ड पे लोन पे निकाल कर भी अगर सुकून नहीं मिल रहा यार नहीं हो रहा नहीं मन मान रहा कि यहां पर ये यह होगा या पर ये होगा उस केस में क्या करो उस केस में सिंपली स्ट्रक्चर बनाओ डायपोल्स का डायरेक्शन बनाओ देखो कुछ कट रहा है कट रहा है तो काटो नहीं कट रहा तो छोड़ दो ठीक है अब देखो यहां पर एक्सी ओ टू एफ फोर एक्सी ओ टू एफ फोर हाइब्रिडाइजेशन निकाला एट प्लस फोर किया बारह बारह बाय दो किया छ्यू सिक्स आई एस पी थ्री डी टू आया तो सिक्स पेयर जीरो लोन पेयर आया स्ट्रक्चर क्या बनेगी एक्स ओ टू एफ फोर अब जरूर इस स्ट्रक्चर में सारे सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल नहीं है लेकिन लोहा लोहे को काटता है इसका डायपोल मोमेंट का और इसके डायपल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना क्योंकि सराउंडिंग एटम सेम है और अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो इसका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका बॉन्ड एंगल आपस में एक सौ अस्सी डिग्री और अगर बॉन्ड एंगल इनका आपस में एक सौ अस्सी डिग्री है तो नेट डेपल मोमेंट इनका जीरो तो हो गया अब इनको कॉम्पिटिशन से बाहर कर दो तो। इसके डेपल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ इसके मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ इनका बॉन्ड एंगल एक सौ अस्सी डिग्री कॉम्पिटिशन से बाहर इसके मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ इसके मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ एंगल 180 डिग्री कॉम्पिटिशन से बाय टू डायपोल्स ऑफ सेम आर प्रेजेंट एट 180 डिग्री एंगल देन रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो लिखवाया था प्रूफ किया था देखो ये रहा ये रहा क्लियर है यस yes. बढ़ते हैं आगे की तरफ ठीक है आगे की तरफ और एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं सी इसमें और भी थे ना तो ये कैसा हो गया बेटा अब जिसका डैपोल मोमेंट जीरो हो गया जिसका डैपोल मोमेंट जीरो हो गया वो मॉलिक्यूल कैसा हो गया नॉन पोलर पी सी एल थ्री एफ टू डेपोल मोमेंट जीरो आएगा नॉन पोलर डैपोल मोमेंट जीरो आएगा नॉन पोलर वो ट्रिक काम कर रही है बेटा है ना पीसीएल थ्री फाइव सिक्स सेवन एट तो ये पोलर है इसका डैपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है

लोन पेयर आ गया इरेगुलर जोमेट्री है जैसे ही इरेगुलर हुआ कैसा हो गया पोलर क्योंकि इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं है क्लियर नेक्स्ट देखेंगे बेटा हाँ अमोनिया क्लियर है भाई पोलर है डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है ठीक है इसका डायपोल मोमेंट जीरो नॉन पोलर ठीक है इसका 180 डिग्री एंगल है पोलर नॉन पोलर क्योंकि डायपोल मोमेंट जीरो दोनों आपस में 180 डिग्री पर है तो ये नॉन पोलर है ऐसी हो थ्री सिक्स बाई टू थ्री बॉन्ड पेयर जीरो तो ये भी कैसा हो गया नेचर में डेपलोमेंट जीरो नॉन पोलर सीधा उस ट्रिक से क्वेश्चन हो रहा है समझ आ रहा है ये बहुत पूछा जाता है इतना सिंगल सा पहली स्लाइड पे मैंने लिख दिया था जिसको मैं प्रूव कर रही हूं बार बार वो सिंगल हर जगह काम आ रहा है ठीक है नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्या बोला है यहां पे एन थ्री पोलर डेपल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो एक्सीएफ फोर आ गया बेटा कॉम्पिटिशन में एक्ससीएफ फोर देखो ध्यान से एक्सीएफ फोर मैंने कहा था ना फोर बॉन्ड पे टू लोन पेयर वाला केस होगा तो डेपल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो एक्सी एफ फोर में सेंट्रल एटम एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट फोर यूनिवेलेंट यूनिवेलेंस डिवाइड बाई टू आया सिक्स हाइब्रिडाइजेशन आया एस पी थ्री डी टू नहीं चलो ऐसा करो तुमको थर्टी सेकेंड का टाइम दिया तुम सॉल्व करो इसे तुम्हारी बहुत बातें हो गई हैं चलो करो तुम जल्दी से यस yes, बेटा जल्दी जल्दी जवाब दो नालायकों यस yes. तो अब इस केस में यह रहा दिनोन देख पा रहे हैं कि फोर पेयर टू लोन पेयर और इस तरह की ज्योमेट्री क्या हुआ करती थी बेटा स्क्वायर प्लेनर हुआ करती थी अगर स्क्वायर प्लेनर हुआ करती थी तो ड्रॉ कर देते हैं ये रहा फोर पेयर टू लोन पेयर ठीक है एक लोन पेयर ये रहा एक लोन पेयर ये रहा तो चारों फ्लोरीन को ध्यान से देखो बेटा दो दो फ्लोरीन आपस में दोनों आपस में 180 या आपस में 180 लोहा लोहे को काटता है यह भी आपस में 180 इसका डायपोल मोमेंट जीरो और मॉलिक्यूल कैसा हो गया नॉन पोलर कैसा हो गया बेटा नॉन पोलर कोई पोलैरिटी नहीं है क्लियर है तो यह कैसा हो गया नॉन पोलर डायपोल मोमेंट जीरो एट बाय टू पोलर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो एक्सीएफ टू बताओ जरा एक्सीएफ टू का बता तो बच्चों एक्सीएफ टू के केस में क्या होगा बेटा सेंट्रल एटम जिनोन एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो सराउंडिंग एटम दोनों यूनिवैलेंट डिवाइड बाय टू किया एट प्लस टू टेन टेन बाई टू किया फाइव आया एस पी थ्री और इधर दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर मैंने कहा था ना इंक्लूडिंग टू केसेस टू बॉन्ड पेयर थ्री लोन पेयर वाला केस अब इसकी शेप बना दो जरा जिनोन इधर है. लोन फ्लोरीन, फ्लोरीन, पेयर लोन पेयर लोहा लोहे को काटता है मैग्नीट्यूड सेम है इसका टैपोल मूवमेंट जीरो मॉलिक्यूल नॉन पोलर क्लियर है एकदम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने कहा था ना दो तीन टाइप का क्वेश्चन आएगा पहला टाइप कंपैरिजन ठीक है दूसरा टाइप पोलर नॉन पोलर और ये बहुत पूछा गया है पी क्यूज में आएगा और तीसरा परसेंट आयनिक रेक्टर वो भी करेंगे ठीक है और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इस पर ताकि और अच्छे से कमांड बन जाए क्या बोला है बेटा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से एक बार अरेंज अरेंज द द फॉलोइंग फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डायपोल मूमेंट इनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डायपोल मूवेंट में इसके डायपोल का डायरेक्शन इस तरफ इसके डायपोल का डायरेक्शन इस तरफ थीटा कितना दिख रहा है बेटा यहां पे थीटा डिग्री दिख रहा है इधर डायपोलोमेंट का डायरेक्शन थीटा कितना दिख रहा है 120 इसके इसके का का इस इस तरफ इसके का इस तरफ थीटा कितना दिख रहा वन 180 डिग्री कंक्लूड कर चुके हैं हम जितना कम बॉन्ड एंगल डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा तो अगर इसको नाम दे दें ए इसको नाम दे दें बी और इसको नाम दे दें सी तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डायपोल मोमेंट ए का होगा फिर बी का होगा फिर सी का होगा नेक्स्ट का बता दो बच्चों आप लोग इसको भी नाम दे देते हैं दैट इज ए दैट इज बी दैट इज सी एंड दैट इज डी डायपोल मोमेंट बताना है बेटा क्या बताना है डायपोल मोमेंट इसका डायरेक्शन इस तरफ इसका डायरेक्शन इस तरफ थीटा कितना है इसका 120 डिग्री इसका डायरेक्शन इस तरफ इसका डायरेक्शन इस तरफ इसका डायरेक्शन इस तरफ तीनों आपस में वन डिग्री पर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आ गया तो अब इन दोनों को भूल जाओ और अब इसका और इसका और बॉन्ड एंगल वन एटी डिग्री अब इसका डायपोलोम का डायरेक्शन इस तरफ इसके डायपोलम का डायरेक्शन इस तरफ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री कुछ तो मिसिंग है है ना ये तो सेम हो गया ना थर्ड वाला तो थर्ड वाला तो एकदम सेम हो गया ठीक है ना हाँ और डी वाला देखेंगे इसके इसके का का डायरेक्शन डायरेक्शन इस इस तरफ इस तरफ थीटा हो गया 60 डिग्री क्लियर तो अब इस केस में सबसे कम बॉन्ड एंगल जिसका होगा डैपुल मोमेंट सबसे ज्यादा उसके बाद इसका और इसका सेम कर देते हैं ए बराबर सी कर देते हैं और एट लास्ट क्या आ जाएगा बेटा बी आ जाएगा देख लो बेटा ध्यान से एक बार का तो डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा वेन टू डायपोल मूवमेंट ऑफ सेम मैग्निट्यूडेंट एट वन एटी डिग्री एंगल रिजल्टेंट डेपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा अरेन्ज द फॉलोइंग एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डायपोल मूवमेंट हमें यह पता है भाई डायपोल मूवमेंट तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है नंबर वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नंबर टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड थीटा क्लियर तो बेटा देख लो यहां से क्या दिया है बेटा थर्ड वन हमको बी एफ थ्री एच टू ओ एन थ्री एंड अमोनिया बॉन्ड एंगल कंपेयर करना ठीक है बी थ्री का हाइब्रिडाइजेशन एस टू थीटा इसका होता है एक डिग्री इन तीनों का हाइब्रेडाइजेशन एस पी थ्री टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर लोन पेयर जितना ज्यादा थ्योरी पॉस्टुलेट नंबर क्या कहता है बेटा इट डील्स विद बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल निकालना आता था परसेंट एस करेक्टर सेम होता था तो देखते थे लोन पेयर लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम बॉन्ड एंगल जितना कम मोमेंट उतना ज्यादा और इन दोनों में से इसका ज्यादा क्योंकि sp2 और sp3 में से परसेंट s करेक्टर इसका है जिसका ज्यादा परसेंट एस करेक्टर होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो अब इन दोनों की बारी आई अमोनिया और NH3 बात कर लेते हैं यार देख लो यार इधर हमने बना दिया अमोनिया ठीक है ये रहे तीनों हाइड्रोजन और ये रहा एनएफ और ये रहा एक लोन पेयर अब इस केस में डेपोल में इसका डायरेक्शन इस तरफ क्यों भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर है तो टूवर्ड्स द लोन पेयर इस केस में का डायरेक्शन इस तरफ टूवर्ड्स द लोन पेयर इधर, इधर सभी डेपोल का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ सारे सेम डायरेक्शन में एडिटिव हो जाएंगे ये सारे कंपैरेटिवली कम, कम आएगा तो अमोनिया और एन थ्री में से अमोनिया का ज्यादा होता है ठीक है तो ये ऑर्डर आएगा जो सारे सेम डायरेक्शन में वो सारे ऐड होते चले जाएंगे हाँ बी एफ थ्री का तो डेप्लोमेंट जीरो ही हो जाएगा बॉन्ड एंगल की भी जरूरत नहीं इसका तो जीरो ही हो जाएगा अरे हाँ ये तो लास्ट में जाएगा ना ये बिल्कुल बेटा बिल्कुल इसको तो एकदम लास्ट में लेके चलते हैं तो इनका फाइनल ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा सबसे ज्यादा एच टू का एच टू के बाद अमोनिया अमोनिया के बाद एन एफ थ्री एन एफ थ्री के बाद बी एफ थ्री क्लियर है बेटा हम्म क्लियर हो गया एकदम हां नेक्स्ट सीएच थ्री सीएल सीएच टू सीएल सीएच सीएल थ्री एंड सी सी एल फोर क्लियर अब इस केस में क्या होगा बेटा इसका तो डेपलमेंट जीरो हो जाएगा इसका डेपुल मोमेंट जीरो क्यों हो रहा है निकाल लो यार रेगुलर ज्योमेट्री है बाकी निकालोगे तो अब आप देखोगे पे चार्ज सेपरेशन चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा ज्यादा मोमेंट उतना तो इस केस में दैट इज द से मोमेंट क्लियर एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई हाइड्रोजन सब में कॉमन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा डेपुल मोमेंट उतना ज्यादा नेक्स्ट आ जाओ बेटा दैट इज हा लास्ट क्वेश्चन है बेटा डायपोल मोमेंट के कंपैरिजन का लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे परसेंट आयनिक कैरेक्टर का in year, दैपोल मुमेंट. दैपोल मुमेंट का अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोमेंट मोमेंट डायरेक्शन देख लेते हैं ठीक है अब सी एच थ्री प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किधर होगा बोलो भाई डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है

और ये यू जा रहा है तो इनका एंगल कितना है 120 डिग्री इस केस में ये एक नीचे आ रहा है ये एक इस तरीके से जा रहा है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री ये इस तरफ आ रहा है और ये भी इस तरफ आ रहा है थीटा कितना है जीरो डिग्री और बेटा अगर इसको मैं नाम दूं क्या बेटा ए इसको नाम दूं बी इसको नाम दूं सी तो हमें पता है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा और जिसका थीटा जितना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम जिसका सॉरी बॉन्ड एंगल जितना कम उसका म्यू उतना ज्यादा तो इसका सी का सबसे ज्यादा सी के बाद हो गया बी और बी के बाद हो गया ए सो करेक्ट आंसर विल बिकम सी बी ए क्लियर है यस yes. नेक्स्ट बता दो बेटा ओ OH. एच एच oh ग्रुप कैसा ग्रुप है ओ एच शो करता है प्लस आर और एन टू शो करता है माइनस आर विड्रॉ करने का काम करता है ठीक है तो इसके डेपोल का डायरेक्शन सेम ऊपर वाला एग्जांपल है इसका डायरेक्शन इस तरफ 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 इस इस और इसका भी डायरेक्शन इस तरफ सेम ऑर्डर आ जाएगा सी बी ए पैरा सबसे ज्यादा फिर मेटा मेटा के बाद और क्लियर है यस नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट देखेंगे दैट इज सी एच थ्री एफ ये एक्सेप्शन है बेटा ये एक्सेप्शन है डायपोल मोमेंट का ठीक है ये एक्सेप्शन है कैसे बेटा देखो ध्यान से हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है सी एच थ्री एफ सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री बी आर सी एच थ्री आई ठीक है अब इस केस में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं दो प्रॉपर्टीज एक साथ चेंज हो रही है ठीक है दो प्रॉपर्टीज एक साथ चेंज हो रही है पहला क्या बेटा म्यू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो डिस्टेंस लेफ्ट टू राइट जाने पर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो म्यू इंक्रीज होना चाहिए साथ के साथ लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो म्यू डिक्रीज होना चाहिए लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा यहां यहां इसीलिए सबसे ज्यादा डायपोल डोमिनेंट सी एच थ्री सी एल का होता है फिर सी एच थ्री एफ का होता है फिर सी एच थ्री बी आर का होता है और फिर सी एच थ्री आई का होता है देख लो बेटा ये एक्सेप्शन है और इसे याद रखना रीजन कि अप टू क्लोरीन क्लोरीन तक डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेंट है और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर डोमिनेंट है कि वो डिक्रीज हो रही है <coughs> वो डिक्रीज हो रही है तो डैपोल मूवमेंट डिक्रीज होगा ठीक है यस yes. नेक्स्ट बेटा परसेंट आयनिक कैरेक्टर मैंने कहा था ना डायपोल मोमेंट से नीट में तीन टाइप का क्वेश्चन बनता है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है पॉसिबिलिटी है है बेटा पोलैरिटी और नॉन पोलर पोलर पूछने की ये है या नॉन पोलर है इस तरीके से ठीक है तो बेटा परसेंट आयनिक कैरेक्टर अगर कभी भी कैलकुलेट करना हो तो इसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं सिंपल वर्ड्स में म्यू अपॉन म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड दैट इज म्यू ऑब्जर्व अपॉन न्यू एक्सपेरिमेंटल न्यू कैलकुलेटेड अपॉन न्यू एक्सपेरिमेंटल इन टू हंड्रेड कैसे निकालते हैं उसको समझो बेला ध्यान से बेटा कोवलेंट डायपोल मूवमेंट आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा दे रखा होगा ऑलरेडी ठीक है तो कोवेलेंट डायपोल मूवमेंट दे रखा होगा आईनिक हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से इसको और कैसे एक्सप्रेस करते हैं दैट इज परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड क्लियर या फिर म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड ठीक है कैसे म्यू परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर म्यू टिकल अपॉन म्यू एक्सपेरिमेंटल मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड दोनों डायपल मोमेंट ही है <coughs> अगर हमें किसी का डायपल मोमेंट दे रखा है तो वो ऑब्जर्व डायपल मोमेंट है हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे किस फॉर्मूले से कैलकुलेटेड डेपल मोमेंट का फॉर्मूला वही म्यू इज इक्वल टू ई इन टू डी एन क्या, 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 क्या होगा कितना चार्ज प्रेजेंट होगा वन होगा तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है और टू होगा तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन से आते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा द डायपोल मोमेंट ऑफ एच सी एल इज एच सी एल का डायपोल मोमेंट दे रखा है तो ये कौन सा डायपोल मोमेंट दे रखा है दैट इज गिवन म्यू ऑब्जर्वड डायपोल मोमेंट दैट इज गिवन 1.08 पॉइंट जीरो एट एंड बॉन्ड डिस्टेंस इज वन पॉइंट टू से वैल्यू दे रखा वन पॉइंट टू से अब देखो आवाज नहीं आ रही क्या बेटा सैल तो पूरे चार्ज है मस्ती कर रहे हो अब तो वॉइस ब्रेक नहीं होना चाहिए बेटा सेल तो पूरा चार्ज है क्लियर है नींद आ रही है सो जाओ जिसको आ रही है क्या दिक्कत हो रही है वॉइस में? देखो बेटा अब अगर हम E का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो H प्लस पे चार्ज हो जाएगा जितना प्लस E होगा और सीएल माइनस पे चार्ज हो जाएगा जितना माइनस E होगा और ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे म्यू बराबर ई इंटू डी तो ई e बराबर म्यू ओपॉन डी बेटा कितना पॉइंट जीरो एट डिबाई डिबाई को कन्वर्ट कर लो ई एस यू सेंटीमीटर में तो इंटू टेन टू दावर एटीन ई एस यू सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना है बेटा 1.27 पॉइंट टू सेवन एंगस्ट्रॉ एंगस्ट्रॉ टेन टू दावर माइनस टेन मीटर सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करना है तो इंटू टेन टू दावर माइनस एट सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया डिबाई तो हमने पहले ही हटा दिया ई में कन्वर्ट करके तो यहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा 0.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टेन ई और अगर चार्ज बताना है एच प्लस पे अगर चार्ज बताना है एच प्लस पे तो वो कितना हो जाएगा प्लस 0.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस टेन ई और अगर बताना है Cl माइनस पे माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस टेन पी एस यार सही सही बताओ वॉइस सच में क्रैक हो रही है वॉइस सच में क्रैक हो रही है तो मैं सेल चेंज करवाऊ सही सही बताओ बेटा अगर सब कुछ सही है तो यार ऐसे टाइम वेस्ट मत करो बेटा छोटा सा टॉपिक रह गया है दस मिनट का रेजोनेंस रह गया है दस मिनट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग सच में क्रैक हो रही है वॉइस नो मैम यस मैम दोनों आ रहा है बेटा एक चीज बोलो यार ऐसे नहीं चलेगा गांव यस वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी तुम श्योर हो अवश्य अवश्य आ रही है ऐप में चेक कर लिया नालायकों, निजी सिस्टम पे लोग बैठे हुए हैं पता है और वो कह रहे हैं आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच में नहीं आ रही ना आवाज सही है कि नहीं पंद्रह मिनट में थोड़ा लगेगा यार पी क्यूज भी है माइक के ऊपर ये जो फोम लगा रखा है पता नहीं यार Voice clear है ना हाँ जी हाँ जी क्लियर है नौटंकी मत करो तुम लोग सोना है ना सो जाओ आए बड़े वॉइस खराब है ठीक है ये हो गया लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायपोल मोवमेंट लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायपोल मोमेंट करो यार जल्दी से बोलो जल्दी बोलो जल्दी से क्या आ जाएगा हाँ

कैरेक्टर बराबर म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड क्लियर तो अब इस केस में ऑब्जर्वड एपल मोमेंट कितना है 0.78 पॉइंट सेवन एट इंटू टेन टू दावर माइनस टेन ई एस यू सेंटीमीटर बेटा कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या होगा ई इन टू डी ई क्या है बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है इंटरटोमिक डिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई एस यू में कितना होता है बेटा बोलो 4.8020 और दिया कितना पॉइंट 1.4 एंगस्ट्रॉम अगर इसको हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो माइनस एट सेंटीमीटर तो 1.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर माइनस एट सेंटीमीटर क्लियर ई एस यू गया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया ठीक है ये पूरा कैंसल आउट हो गया इसको सॉल्व करोगे बेटा आंसर आ जाएगा दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पॉसिबल होता है डायपुल मोमेंट से ठीक है हाँ हाँ बेटा मैंने करेक्ट कर दिया वो माइनस एटीन था तो बेटा जी दैट इज ऑल अबाउट दैट इज ऑल अबाउट डायपोलेंट क्लियर नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम हैोजन बॉन्डिंग ठीक है तो रेजोनेस को बहुत शॉर्ट में बहुत स्वीट तरीके से कंप्लीट कर देते हैं क्यों क्योंकि इसे आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो और यहां हम उसे इतना ही पढ़ेंगे जितना काम आता है जितना काम आता है हमारे ट में यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर एप्लीकेशन को हमें पढ़ना है ठीक है नमस्ते बेटा बिहार वालों को भी नमस्ते नीरज कुमार बोल रहे हैं नमस्ते फ्रॉम बिहार साइड चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं बेटा रेजोनेंस इन इस इसका मतलब क्या होता है रेजोनेंस इज ऑल अबाउट क्या बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर से उधर से जो डिलोकलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं रेजोनेंस अब एक बात बताओ काफी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो क्या करते हैं बिजनेस करते हैं क्यों करते हैं स्टेबिलिटी के के लिए जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो आपने इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बारे में सुना होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है वो क्या करता है अटैक करेगा कहां पर जहां इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई देते हैं ऑर्गेनिक में या तो पाई बॉन्ड हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो तो क्या होता है कि ये जिनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनको डिलोकलाइज करते हैं क्यों करते हैं ताकि इलेक्ट्रोफाइल आकर उनके इलेक्ट्रॉन पेयर को छीट के ना चला जाए वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं कैसे मान लो अभी लोग छह लोग सर्कल बना के खड़े हो जाए और एक बॉल के साथ कैच कैच खेले तो एक वो होता था ना बचपन में बीच का बंदर खेला है कभी बीच में कभी छीनने गए वो बॉल जो बीच का बंदर है ना वो बॉल छीनना चाहता है और वो बॉल नहीं छीन पाएगा अगर हमारा डीलोकलाइजेशन इसी तरीके से चलता रहेगा अगर हमारा डीलोकलाइजेशन इसी तरीके से चलता रहेगा तो बॉल छीनने वाला बंदर बॉल को नहीं छीन पाएगा क्यों क्योंकि हमने हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ा लिया कैसे बॉल को एक जगह ना रख के उसको डिलोकलाइज करवाते करवाते तो जितना डिलोकलाइजेशन होता है के अंदर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लेकिन होता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है हम मानते हैं ऐसा तो बेटा डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज सिंपली नोन एज रेजोनेंस इन सिंपल वर्ड्स ठीक है तो मोर देन वन स्ट्रक्चर आर पॉसिबल नोन एज उन्हें क्या बोलते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं दैट इज कैनोनिकल फॉर्म्स क्या बोलते हैं बेटा कैनोनिकल फॉर्म्स और उन्हें क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बट इनमें से जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है इनमें से जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो होती है रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड आपको प्रूफ करके ड्रॉ करके बना के दिखा देते ठीक है मान लो हमारे पास बेंजीन है ठीक है बेंजीन इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होती है दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवा के हम इसको ये भी बना सकते हैं और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से ठीक है उसी तरीके से बेटा सी एच थ्री सी ओ ओ एच इसका नाम तो आपने सुना होगा क्या बोलते हैं बेटा इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड अगर यहां से एक एच प्लस हम निकाल दें तो क्या बनेगा बेटा सी एच थ्री सी डबल बोन्डो ओ माइनस इसे हम क्या कहेंगे बेटा इसे हम कहेंगे एसिटेट आयन और क्या इस एसिटेट आयन में डिलोकलाइजेशन होगा तो हमें बॉन्ड तोड़ना आना चाहिए कैसे यह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे देगा यह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे देगा तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ इधर आ गया ओ माइनस ये क्या है यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो क्या ध्यान देना है बेटा इस बात पे ध्यान दो कि बॉन्ड हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन घुमाना आना चाहिए हम ऑर्गेनिक का भी फोबिया बना देते हैं हमें बॉन्ड को घुमाना आना चाहिए हमेशा जब भी जब भी बॉन्ड टूटता है बॉन्ड टूटकर किस तरफ जाता है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्या बेटा बॉन्ड जब भी टूटता है वो जाता है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पेयर जहां जाता, जाता है उधर आता है नेगेटिव चार्ज जहां सिंह जाता है उधर आता है पॉजिटिव चार्ज और ये तो हमने जान लिया कि डिलोकलाइजेशन होता है होता है लेकिन वो कौन से केसेस हैं जहां पर डिलोकलाइजेशन होता है ठीक है तो बेटा पांच कंडीशन है सिर्फ उसी केस में रेजोनेंस होगा नहीं तो कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा वो क्या पांच कंडीशन है उन्हें ध्यान से सुनो और समझो कंडीशन नंबर वन पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो पक्का रेजोनेंस होगा कैसे फॉर एग्जाम्पल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो ये बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है यहां पर रेजोनेंस होगा ही होगा नेक्स्ट बेटा सेकेंड कंडीशन पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज अगर बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट पोजिशन जैसे कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज तो ऑल्टरनेट पोजिशन पे है यहां पर रेजोनेंस पक्का होगा थर्ड कंडीशन बेटा पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज अगर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो भी रेजोनेंस होगा नेक्स्ट पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर अगर लोन पेयर के साथ पाईबोंड कॉन्जुगेशन में है तो भी रेजोनेंस होगा नेक्स्ट पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन ये कंडीशंस होंगी बेटा तो रेजोनेंस होगा जहां से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो क्लियर ध्यान रखना इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं होती रेजोनेंस हाइब्रिड को हम एक्चुअल स्ट्रक्चर मानते हैं अगर हमें इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो हम स्टेबिलिटी भी कंपेयर कर सकते हैं कैसे पॉइंट नंबर वन जिसमें जितने ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिसमें जितने ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसका उतनी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मानी जाती है, में। दूसरा, अगर बराबर है, अगर बराबर है तो न्यूट्रल तो मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए अगर चार्ज भी सब पे है तो अपोजिट चार्ज जितना पास होगा सिमिलर चार्ज जितना दूर होगा <coughs> <coughs> उसे हम क्या बोलेंगे बेटा दैट इज वो ज्यादा स्टेबल है क्लियर ये चीज आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ी होगी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हमारे काम आता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या काम आता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या फॉर्मूला यूज करना है बेटा हमेशा दैट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम आप किसी की एक स्ट्रक्चर भी बना लो और उस केस में उसके टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स को अगर आप डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम से तो वहां से क्या आ जाता है बेटा उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट पीओर माइनस थ्री अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने का ट्रिक क्या है मैंने क्या बताया था जितना माइनस चार्ज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितनी है जितना माइनस चार्ज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी सिंगल ऑक्सीजन है तो बेटा पी डबल बॉन्ड O एक हो गया बाकी तीनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस इसकी चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है एक बार पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर Easy. अब इस केस में हमें हाँ तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना वन टू थ्री फोर फाइव टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फाइव है सराउंडिंग एटम कितने हैं वन टू थ्री फोर आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया वन पॉइंट टू फाइव तो इस फॉर्मूले से आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो ठीक है क्वेश्चन देखो बेटा क्या क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्या तीन चीजें दे दी बेटा एच टू ओ टू ओ टू एंड ओ थ्री बेटा एच टू ओ टू को मैं ओ टू माइनस टू लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकती हूं परऑक्साइड है और इसको ओ टू लिख सकती हूं और इसको ओ थ्री बेटा इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या मैं MOT टी से निकाल सकती हूँ बिल्कुल निकाल सकती हूँ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने क्या डिस्कस किया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? इसका इस तरीके से क्यों नहीं निकाला क्या ये डायटोमिक है तो इस पर एमओटी अप्लाई नहीं होगा तो इसके लिए क्या अप्लाई करें मैम इसके लिए अप्लाई करो ना रेजोनेंस तो इसकी स्ट्रक्चर क्या थी ये थी ना हमने बनाई थी तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने है बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड है तीन सराउंडिंग एटम टू इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया वन पॉइंट फाइव तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया बेटा ओ टू का ओ टू के बाद ओ थ्री का और ओ थ्री के बाद एच टू ओ टू का तो इस तरीके से मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाकर भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर क्लियर है जी यस नेक्स्ट क्वेश्चन हा नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान से सुनना ध्यान से समझना लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास उसके बाद तो पीठ से अपने क्या चलने वाले हैं पीवाई चलने वाले ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा वो हाइड्रोजन जो खुद डायरेक्टली अटैच हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर वो अट्रैक्ट हो अदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरिन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तो इस टाइप के अट्रैक्शन को इस टाइप के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा इस टाइप के अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तो यही लिखा हुआ है बेटा वो हाइड्रोजन जो खुद डायरेक्टली अटैच है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना तो इट इज टाइप ऑफ इट इज टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अ काइंड ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना इसकी कुछ कंडीशन होती हैं ठीक है क्या कंडीशन होती है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कंडीशन नंबर वन हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली अटैच शुड बी डायरेक्टली अटैच डायरेक्टली अटैच विथ हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ये तो मस्ट कंडीशन है कि हमें एक ना एक हाइड्रोजन ऐसी चाहिए जो कि डायरेक्टली अटैच हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कंडीशन नंबर सेकंड। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल क्लियर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज कैसा होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए क्यों, क्यों, क्योंकि देख लो इसीलिए कौन से एटम्स को प्रेफर किया जाता है बेटा फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन क्लियर तो हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अगर वो अट्रैक्ट हो अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा तुम्हें कसम है तुम्हारे होने वाले नीट के पेपर की सच बोलो क्या सच में वॉइस क्रैक हो रही है सच बोलना एकदम तुम्हें कसम है अपने अपने होने वालों की बताना जरा अब बोलो वॉइस क्रैक हो रही है ठीक है मैं ही सुन लेती हूँ लेक्चर में अब तुम लोग ऐसे तो मानोगे नहीं है ना मैं ही सुन लेती हूं मैम कभी कभी हो रही है हमेशा तो नहीं हो रही है ना बेटा हमेशा तो नहीं हो रही है ना बेटा हमेशा तो नहीं हो रही है ना बेटा अभी क्लियरली ऑडिबल है सबको मेरी वॉइस बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा वॉइस फट रही है हाँ मैंने सुन के देख लिया बट ऐसा तो नहीं है कि यार मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बात बताओ ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी आवाज नहीं आ रही है आवाज़ तो आ रही है ना बेटा यस yes. तो अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो तरीके से क्लासीफाई हुई है कैसे ध्यान से सुनना और समझना बेटा कैसे क्लासीफाई हुई है दैट इज इंट्रामोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बेटा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड अब तो माइक भी फट रहा है अब तो मैं गाना भी नहीं सुना पाऊंगी है ना हाँ मुझे भी लग रही है बेटा थोड़ी थोड़ी लास्ट टॉपिक है उसके बाद पीवाई क्यूज है यार ठीक है और अनादर टाइप है हमारे पास दैट इज इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड भाई ये तो समझ में आ गया कि ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है हाइड्रोजन खुद अटैच होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो अट्रैक्ट हो अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल अगर वो विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है तो भाई यह बिल्कुल सही बात है वो कहलाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है तो सिर्फ स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इंट्रा स्कूल कंपटीशन और अलग अलग स्कूल आए हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है इंटर स्कूल कंपटीशन तो इंटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू सिमिलर और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो सिमिलर या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो उसे हम कहते हैं दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर और विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल देखो बेटा एग्जाम्पल देखो ये रहा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ध्यान से देखना बेटा ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है ना इस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन जो खुद अटैच है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो अट्रैक्ट हो रहा है अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो ये क्या हो रही है ये हो रही है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दैट इज द रीजन की ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो होता है ना बेटा वो स्टीम वॉलिटाइल होता है क्यों क्योंकि जो पैरा पैरानाइट्रोफिनोल होता है ना उसमें तो इंटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में कौन सी होती है बेटा दैट इज इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेरिटिवली ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पैरा पैरानाइट्रोफिनोल में बनेंगे तो उन्हें तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा इसलिए उनका मॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसे? फिनोल से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से ऑर्थोनाइ्रोफिनोल में एक ही मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वो तोड़ना कंपेरिटिवली आसान है, इसलिए स्टीम होता है। Next, इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है इन बिटवीन टू सिमिलर और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल वॉटर है वॉटर जब सॉलिड स्टेट में होता है वॉटर जब सॉलिड स्टेट में होता है तो वो हाइड्रोजन किस तरीके से करता तो वाटर है? तो के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और बॉन्ड बनाएगा क्लियर ये ऊपर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इससे अट्रैक्ट हो रहा है तो वो हाइड्रोजन जो खुद डायरेक्टली अटैच हो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर वो अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इन बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल इंटर विद इन द सेम मॉलिक्यूल इंट्रा अब इसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉइंट नंबर वन एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड फॉर्म्स डाइमर बेटा एसिटिक एसिड डाइमर का फॉर्मेशन कर पाता है कैसे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ ओ एच तो इनके बीच में क्या हो रहा होता है बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है इसीलिए ये डायमर बनाता है क्यों क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है नेक्स्ट बेटा एल्कोहॉल्स एल्कोहॉल्स आर हाईली मिसिबल इन वॉटर एल्कोहल्स आर हाईली मिसिबल इन वॉटर एल्कोहल्स वॉटर में मिसिबल क्यों होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है कौन सा इंटरमोलिक्यूलर देखेंगे ध्यान से वो हाइड्रोजन जो खुद अटैच है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो अट्रैक्ट हो रहा है अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो हाइड्रोजन जो खुद अटैच है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो अट्रैक्ट हो रहा है अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इसीलिए ये हाईली मिसिबल होता है नेक्स्ट बेटा के एच एफ टू बट के एच बी आर टू एल टू के एच आई टू डज नॉट एग्जिस्ट क्या बेटा डज नॉट एग्जिस्ट के एच एफ टू एग्जिस्ट कर पाता है कैसे जब के एफ रिएक्शन करता है एच एफ के साथ तो ये क्या बना लेता है दैट ये हमारे पास एफ माइनस है यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन जो खुद अटैच है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से वह अट्रैक्ट होता है अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जिसकी वजह से के एच एफ टू एग्जिस्ट करता है और कोई नहीं करता ड्यू टू इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर यस अब और भी प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स OH OH का एसोसिएशन उतना ज्यादा होगा और विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी ठीक है सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगा ठीक है, वेपर प्रेशर उतना कम होगा फॉर एग्जाम्पल बेटा सी एच थ्री ओ एच ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल। अगर आपने कभी लैब में प्रैक्टिकल किया होता तो आप देख पाते कि जो ग्लिसरॉल होता है ना बेटा जो ग्लिसरोल होता है ना ये सबसे ज्यादा विस्कस होता है ये किसका ऑर्डर है ये ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी है इसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा क्यों है क्योंकि ओ एच बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा वो लिक्विड विस्कस होगा इन तीनों में ये इजीली वेपराइज हो जाता है लेकिन ये कंपैरेटिवली कैसा होता है विस्कस होता है बिल्कुल बेटा क्यों ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर है बेटा यस यस आर्यन बेटा अभी इस बात पे फोकस कर लो अभी इस बात पे फोकस कर लो नेक्स्ट बेटा <coughs> और क्या क्या एप्लीकेशन है बताओ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो कोई बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा इसके एप्लीकेशन के लिए हमारे पास तीन ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं ग्रुप नंबर 15 ग्रुप नंबर 16 यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा ग्रुप नंबर 17 क्या हाइड्राइड्स है बेटा ग्रुप 15 के अमोनिया PH3 AsH3 SbH3 BiH3 हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 Hydrides of group 16 H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO. Polonium को तो रहने ही देते एलिमेंट 17 HF, HCL, HBR, HI. अब क्या होता है बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉन्डर वॉल्व फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए था डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन ग्रुप 15 में अमोनिया ग्रुप 16 में वाटर और ग्रुप 16 में एच ये तीनों क्योंकि इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इस वजह से एक्सेप्शनली इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है क्या हो जाती है बेटा चेंज हो जाती है अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप 15 के बॉइलिंग पॉइंट की तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होगा तो पी एच थ्री का सबसे कम फिर ए एस एच थ्री उसके बाद अमोनिया उसके बाद एस बी एच थ्री और उसके बाद बी आई एच थ्री लेकिन अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी पी एच थ्री फिर ए एस एच थ्री फिर एस बी एच थ्री उसके बाद अमोनिया का एक्सेप्शनली ये पोजीशन मिलती है बी आई एच थ्री को भी कंपैरिजन नहीं किया जाता बेटा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेकआउट कर लो बेटा जल्दी से चेकआउट कर लो बेटा जल्दी से बिल्कुल क्वेश्चन आता है यहां से इसलिए करवा रही हूं बेटा ऐसे सिली क्वेश्चन तो ना ही करो अभी तुम मुझसे डांट खा लोगे ठीक है नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूं ग्रुप सिक्सटीन की यानी कि ऑक्सीजन फैमिली उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर सेम होता है डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों इंक्रीज होता है लेकिन एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा एच टू का होता है तो एच टू एस एच टू एस सी एच टू टी ई एच टू ओ का सबसे लास्ट में एक्सेप्शनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट बेटा ग्रुप सेवनटीन की अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है यस वेरी गुड दीप्ति जोशी यस क्या ऑर्डर होगा बताओ बेटा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा ये ब्लॉक केमिस्ट्री में रिपीट होगा बेटा एच सी एल एच बी आर एच आई एक्सेप्शनली एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर हम लिखें तो एच सी एल एच बी आर एच आई एच एफ और उसके बाद एच आई एक्सेप्शनली सेकेंड लास्ट पोजिशन मिलती है तो so, बेटा दीज आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो बेटा ध्यान से उसके बाद में इंट्रमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में दो बातें बता देती हूँ किसका ज्यादा होगा अरे भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एच की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्यों क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन को उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा कमी होगी उतना वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होगा तो एच एफ एच एफ ओ और एच एन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एच एफ की होती है लेकिन अगर पूछ ले एक्सटेंट ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन जहां बनेंगे उसकी एक्सटेंट ज्यादा होगी लेकिन स्ट्रेंथ उस हाइड्रोजन बॉन्ड की ज्यादा होगी जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ठीक है बेटा दैट इज अबाउट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बात करते हैं बेटा last, एक लास्ट एकदम लास्ट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन किसकी बेटा इंट्रामोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन अगर बात करें बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसकी यही मेजर एप्लीकेशंस हैं एक तो मैं आपको बता चुकी हूं दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में से ये है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्लियर और ये है आपका पैरा नाइट्रोफिनोल तो बेटा पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या होता है यहां पर होती है इंटर मोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा इंटर मोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये अलग दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये कौन सी है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां देखो बेटा ध्यान से विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अब क्या होगा जब दोनों का हमारे पास कंटेंट प्रेजेंट है तो अब इस केस में यहां पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस केस में यहां पर इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर होता है लेकिन एक मॉलिक्यूल में अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इन दोनों के कंपैरेटिवली ये जो होता है ये स्टीम वॉलेटाइल होता है कैसा होता है बेटा स्टीम वॉलेटाइल स्टीम वॉलेटाइल यानी कि जो जल्दी वेपराइज हो जाएगा जिसके बॉन्ड इजिली जल्दी ब्रेक हो जाएंगे और यहां पर क्या हो रही है बेटा इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा बहुत सारे पैरा पैरानाइट्रोफिनोल है जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर उतना ज्यादा देना पड़ेगा टेम्परेचर जितना ज्यादा देना पड़ेगा कंपैरेटिवली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इससे दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इसका नाम क्या है बेटा दैट इज ऑर्थो नाइट्रो फिनोल और इसका नाम है इज पैरा फिनोल तो जब आप ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स भी पढ़ते हो जैसे कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक uh, में जीओसी के लास्ट में आता है बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर आप ये टर्म पढ़ोगे कि और तो नाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल होता है और ये इसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होता है रीजन रीजन यही होता है बेटा क्योंकि यहां पर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा क्लियर उसी तरीके से बेटा

क्लियर इसमें भी क्या हो रहा है बेटा वो हाइड्रोजन जो खुद डायरेक्टली अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो अट्रैक्ट हो रहा है अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से तो ये भी क्या है बेटा ये भी है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां ये चैप्टर खत्म होता है अब बढ़ते हैं पीवाईक्यूज की तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ ठीक है बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ दो एग्जाम्पल और करा रही हूं बेटा देखो बैक बॉन्डिंग इन जनरल पी ब्लॉक में पड़ते हैं लेकिन एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करा देती हूं ताकि आपको यह पहचानना आ जाए कि एग्जैक्टली exactly होता क्या है कुछ एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स है बेटा जिनका मैं हाइड्रोजन बॉन्ड देखना भी बत, उनका हाइब्रिडाइजेशन देखना बता देती हूँ फॉर एग्जाम्पल बेटा पीसीएल फाइव पीसीएल फाइव जब गैसियस स्टेट में होता है तो बाय डिफॉल्ट जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने कैलकुलेट किया था बाय डिफॉल्ट जैसे हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया था वैसे ही होता है एस पी थ्री डी एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव प्लस फाइव यूनि बैलेंस फीसिस डिवाइड बाई टू करेंगे तो फाइव तो एसपी थ्री डी फाइव बॉन्डपेयर जीरो लॉन्डपेयर एसपी थ्री डी इसका हाइब्रोडाइजेशन होता है लेकिन सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट में ये कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा PCl4 फोर प्लस पीसीएल और जब यह पीसीएल रिप्रेजेंट करता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पर एस पी थ्री होता है और यहां पर इसका एस पी थ्री डी टू होता है तो कभी अगर आपसे पूछ ले वॉट आर द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 तो sp3d तो करेक्ट होता ही होता है साथ के साथ एस SP3 पी और एस पी थ्री डी भी करेक्ट है लेकिन अगर वो कर रहा है कि स्टेट में गैसियन क्या होगा इट इज ऑलवेज sp3d विदाउट एनी कंफ्यूजन ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसी तरीके से PBr5 क्लियर अगर पूछोगे कि स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन तो फिर एस पी थ्री डी ही होता है लेकिन अगर पूछोगे सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है तो पी बी आर फोर प्लस बी आर माइनस इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होता है ठीक है नेक्स्ट बेटा दैट इज पीपिरीडीन पीपिरिडीन किसे बोलते हैं बेटा पीपिरिडीन बोलते हैं पिरीडीन में सारे पाई बॉन्ड हटा दो पिपेरिडीन बन जाएगा ठीक है ये होता है अब ये जो पिपेरिडीन यहां पर प्रेजेंट है इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो बेटा मेथड सेकंड से मेथड सेकंड से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेथड सेकंड बताया था नंबर ऑफ सिग्मा वन प्लस लोन पेयर बेटा एकदम एक्सेप्शंस करवा रही हूं क्योंकि कभी-कभी सीधा-सीधा एक्सेप्शन से इक्वेशन बन जाता है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन ठीक एन की वैल्यू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वन टू थ्री प्लस लोन पेयर एन का वैल्यू कितना आ गया बेटा फोर एन का वैल्यू जब जब फोर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री क्लियर क्लियर नेक्स्ट बेटा और एग्जाम्पल है दैट इज पिरीडीन इसे कहते हैं पिरीडीन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर Sigma bond कितने यहाँ पर? और लोन पेयर तो बेटा येट ये कर करेगा या नहीं करेगा बेटा इस नाइट्रोजन एटम के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है अगर पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है तो भाई जब कोई बिजनेस करता है ना तो बराबर पैसे देना लेना रखता है ठीक है ये अपने चार इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे देगा डिलोकलाइजेशन के लिए तो ये वाला जो लोन पेयर है यह क्या कहलाता है यह कहलाता है लोकलाइज्ड लोन पेयर और जो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो कहलाता है लोकेलाइज लोन पेयर और वो लोन पेयर काउंट होता है जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे होते तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी वन टू थ्री एन की वैल्यू आई थ्री ये लोन पेयर मैंने काउंट किया है ये लोन पेयर क्यों काउंट किया है क्योंकि बेटा इसने डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया एन की वैल्यू थ्री तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया एस टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो बेटा नेक्स्ट पायरोल इसे कहते हैं पायरोल अब इस केस में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो जल्दी से यस yes, बेटा पायरोल में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो जल्दी से यस यस बेटा बताओ यहां पर भी एन की वैल्यू थ्री है दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर मैम आपने इस लोन पेयर को काउंट क्यों किया इस लोन पेयर को इसलिए काउंट किया है क्योंकि ये डीलोकलाइज लोन पेयर है डीलोकलाइज लोन पेयर का मतलब जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो लोन पेयर जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता क्लियर यस yes, ये रिलेशन याद रखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ पी पी पीपाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड इन दॉलोइंग मॉलिक्यूल इसका सीधा सीधा ट्रिक सिखा रही बेटा बाकी बॉन्डिंग तो पड़ी लोग सीधा सीधा ट्रिक सिखा रही सुन कान खोल के। देखो बेटा एसओ टू की स्ट्रक्चर क्या थी भाई हमने एसो टू की स्ट्रक्चर बनाई थी एस एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ तो बैक बॉन्डिंग होती है बेटा सिंपल जो पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए वो अपना जो ऑर्बिटल देते हैं अगर अपना पी ऑर्बिटल देते तो पी पाई पी पाए अगर डी डी ऑर्बिटल देते तो पाए, पाए। तो पी जो एलिमेंट सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है जो एलिमेंट पीरियड से बिलोंग करता है उसके पास तो डी ऑर्बिटल नहीं होता और उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता तो वो ओवरलैपिंग के लिए हमेशा पी ऑर्बिटल देता है ठीक है बात करते हैं इस सल्फर की इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ यहां पे तो SO2 में अगर हमें निकालना है कि यहां पर कितने पीपाई pi पी और और पीपाई pi बॉन्ड होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बेटा टू बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर होता है SO2 के अंदर बिल्कुल तो अब इस केस में अगर हाँ चलो बताओ कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं बताओ कितने pi pi पीपाई पी और कितने पीपाई pi होंगे लोन yes. पेयर नहीं होता एसओ टू में अच्छा चलो बेटा इस टॉपिक को ना मैं पी ब्लॉक में ही करवा दूंगी ठीक है अभी तुम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ठीक है पी ब्लॉक में करवा देंगे इसको और भी हैं इसके। चलो ठीक है? कोई नहीं करवा रहे बेटा देख लो जब भी डायरेक्ट फॉर्मुला बता रही हूं अभी तो बाकी ब्लॉक में रखा है तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल की बना लो। आपने SO3 बना लिया? अब आप ये पूछ रहा है कि ये जो बॉन्ड बने बॉन्ड में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं ओवरलैपिंग के लिए तो अब बेटा इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ तीन सिग्मा बॉन्ड तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है, है sp2 अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इसका मतलब इसके पास अब क्या नहीं बचा इसके पास दो पी ऑर्बिटल नहीं बचे एक पी ऑर्बिटल अभी भी बाकी है तो बेटा मैंने क्या लिखवाया था जब पाई बॉन्ड लिखवाया था कि साइडवाइज ओवरलैपिंग कोलेटरल ओवरलैपिंग कौन करते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्लियर तो अब यहां पर ये जो सल्फर है इसके पास sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है तो सेकेंड पीरियड वाला तो हमेशा p ऑर्बिटल देगा ओवरलैपिंग के लिए साइडवाइज सेकेंड पीरियड वाले के पास d है ही नहीं तो अगर कभी भी आइडेंटिफाई करना हो ना कितने पी पाए पी पाए कितने पी पाए तो बस क्या देख लो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देख लिया तो इससे पता चल गया इसके पास एक ऑर्बिटल अवेलेबल है एक पी है तो बाकी पाई बॉन्ड के लिए क्या देगा ये डी ही देगा तो सेकेंड पीरियड वाला तो अपना पी ऑर्बिटल दे रहा है इस पाई बॉन्ड के लिए इसने इसके साथ मान लो दे दिया अपना पी ऑर्बिटल तो इस पाई बॉन्ड के लिए कौन सी ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबल है पी पाई पी पाई तो फिर इस पी P... इस पाई बॉन्ड के लिए कौन सी ओवरलैपिंग है सेकेंड पीरियड वाला तो पी ही दे सकता है तो अब दूसरा ये अपना डी ऑर्बिटल देगा, तो इस के लिए pi pi, और इस कितने डी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे सेंट्रल एटम का हाइब्रोडाइजेशन निकालो हाइब्रोडाइजेशन निकाल कर आपको ये पता चल जाएगा कि उसके कितने पी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं टोटल पी के तीन होते हैं अगर दो हो गए हैं यानी कि एक अभी भी बचा हुआ है ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो बेटा जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा वन टू थ्री फोर फोर सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस थ्री अगर तीनों पी के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो चुके हैं अगर तीनों पी के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो चुके हैं तो इस फॉस्फोरस के पास अब एक भी पी ऑर्बिटल नहीं है इस पाई बॉन्डिंग के लिए तो ये क्या देगा अपना ऑर्बिटल ऑक्सीजन तो पी ही देगा तो ये पाई बॉन्ड के लिए एक पी पाई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है क्लियर ऐसे देख सकते हैं सीधे हाइब्रिडाइजेशन से ठीक है तो बैक बॉन्डिंग थोड़ा सा बता दिया है बाकी बेटा पी ब्लॉक में इसको कवर कर लेंगे तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन कराउंड तैयार हो बेटा तैयार तो हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बस लास्ट बेटा आपका चैप्टर खत्म हो चुका है यहां पे यस yes, बेटा आप करोगे क्वेश्चंस चलो लास्ट कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं फिर आप लोगों को फ्री कर देंगे ठीक है PYQ खुद करेंगे तो होमवर्क दे दू नहीं बेटा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारा इस उम्मीद टू पॉइंट का क्या मेन पर्पस था आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो सारी ट्रिक्स आपके पास हो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो ठीक है यस yes. स्टार्ट करते हैं बेटा क्या है पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा इन द स्ट्रक्चर ऑफ सी एल एफ थ्री ये बेटा आंसर करते जाओ वन बाय वन जल्दी जल्दी अब मैं नेम अनाउंस करने वाली हूं उन बच्चों के जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं यस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सी एल एफ थ्री द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ठीक है सीएल बोला है तो सेंट्रल एटम क्लोरिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन थ्री यूनिबेलेंस पीसेस डिवाइड बाई टू किया टेन बाय टू किया फाइव आया थ्री बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर तो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा ये yes, बेटा मैग्नीशियम रियक्ट विद एलिमेंट एक्स मैग्नीशियम रियक्ट विद एलिमेंट एक्स मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसी एलिमेंट एक्स के साथ टू फॉर्म एन आइनिक आउटरमोस्ट शेलेंस इलेक्ट्रॉन पांच है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी थ्री मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला क्या बन गया एम जी थ्री एक्स टू क्लियर है क्लियर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री कंसिडर फॉलोइंग सी एन प्लस सी एन माइनस एन ओ एन सी एन विच ऑफ दीज है हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बेटा बता दो जल्दी से इसका जो तो ट्रिक बताया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो बता दो बेटा सी एन कार्बन के छह नाइट्रोजन के साथ टोटल इलेक्ट्रॉन पंद्रह नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के आठ इसके भी टोटल इलेक्ट्रॉन पंद्रह गया, विच वन ऑफ दीज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर कुछ तो मिसिंग लग रहा है चलो ठीक है देखते हैं सेवन टूज ऑफ फोर्टीन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन सिक्स प्लस सेवन सेवन टूज ऑफ फोर्टीन थर्टीन इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन्स hmm. cn+ कार्बन 6+7 12 इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स होने पर बॉन्ड ऑर्डर 3.0 2.5 ठीक है 2.5 और इधर 2.0 तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है cn- का तो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी क्लियर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54

नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दस पीसेज है ऑप्शन कॉम्पिटिशन से बाहर ये ऑप्शन कॉम्पिटिशन से बाहर ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर एन इज इक्वल टू सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री थ्री यूनिबैलेंस पीसेस डिवाइड बाई थ्री थ्री पेयर जीरो लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर क्लियर है बेटा यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीयर्स है सेम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के लिए क्या होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए बस याद रखना सीओ प्लस का एक्सेप्शनली 3.5 होता है जल्दी से आंसर बता दो यार ट्रिक बता रखी है मैंने आपको सारी यस yes. करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी कैसे भाई कार्बन के छह इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के सेवन प्लस वन किया कितना आ गया बेटा चौदह यहां से कार्बन के सिक्स प्लस एट चौदह दोनों का बॉन्ड ऑर्डर थ्री पॉइंट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एच टू ओ टू इंटर एच इंटर एसिडिक एसिड इंटर सैल्यूलोस पढ़ते हो ना बेटा, बेटा बायो में जोलॉजी में वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनओ टू प्लस एनओ थ्री माइनस एन एच फोर प्लस भाई फॉर्मूला में बता चुकी हूं यार बच्चों एनओ टू प्लस एनओ थ्री माइनस एन एच फोर प्लस सेंट्रल वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव प्लस फोर माइनस वन डिवाइड इलेक्ट्रॉन टू नाइन माइनस वन एट एट बाय टू फोर हाइब्रोडाइजेशन एसपी थ्री क्या आंसर आ रहा है एसपी एसपी टू एसपी थ्री करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी वेरी गुड बेटा इसी स्पीड से आंसर चलने चाहिए चैट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा विच ऑफ फॉलोइंग आर वो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल बता दो जल्दी से यस yes. क्या आंसर आएगा बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल दोनों बोला है निकालना शुरू करते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन फोर फोर बाय टू फोर बाय टू किया सिक्स फोर प्लस टू सिक्स बाय टू थ्री बॉन्डपीयर जीरो लॉन्ड पियर फाइव प्लस वन सिक्स तो आइसो स्ट्रक्चरल तो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी चेक कर लेते हैं सेवन एट थ्री जा ट्वेंटी फोर एट फोर थर्टी टू थर्टी टू इलेक्ट्रॉन एट थ्री जा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्स थर्टी टू आ गया आईसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आईसो स्ट्रक्चरल क्लियर इसमें ऑप्शन डी भी करेक्ट है चेक कर लेते हैं क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन प्लस वन बाय टू एट बाई टू फोर थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर सल्फर सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस टू बाई टू फोर थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर आइसो स्ट्रक्चरल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं चेक कर लेते हैं एट थ्री जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस प्लस एटीन ट्वेंटी फोर प्लस एटीन सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर दोनों करेक्ट आंसर है दोनों करेक्ट आंसर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एक तो बोर्ड हैंग हो रहा हैं बच्चों द करेक्ट ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन फॉर यस बेटा। ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन बोला है बताओ क्या आंसर आएगा अब पता चलेगा तुमने कितनी कितनी ध्यान से मेरी क्लास को सुना है बोलो एन की वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 4 यूनिवरेंट स्पीशीज डिवाइड बाय 2 12 बाय 2 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 4 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर लेकिन यहां तक तो जाना ही नहीं था हाँ आ गए ना नालायक देखो देखो कर रहे हैं फोर्थ ऑप्शन बेटा यहीं से पिटाई हो जाएगी वैस पर थ्योरी के स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था नालायकों क्या लिखवाया था ज्योमेट्री बोला है क्वेश्चन देने वाला खेल गया आपके साथ थ्री डी अरेन्जमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम इज नोन एज ज्योमेट्री और जब जब किसी का हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री डी टू होगा बिना किसी शक के ऑक्टाहाइड्रल आएगा आ गए शेप बताने स्क्वायर प्लेनर नेक्स्ट क्वेश्चन

एस एफ फोर बेंट ज्योमेट्री बोल रहा है ना ये आई थ्री माइनस सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस टू यूनिवेल पे बॉन्डपेयर थ्री लोन पेयर टू बॉन्डपेयर थ्री लोन पेयर में लीनियर होता है और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है इनका शेप सेम नहीं है ये तो सही है पी एच फाइव बी आई सी एल फाइव एक्जिस्ट नहीं करता और इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिल्कुल फिर भी अगर देखो बेटा अगर फिर भी कंपेरिजन करना हो तो हम क्या करते हैं बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं गलत तो डी भी है लेकिन मोर इनकरेक्ट कौन है वो है ऑप्शन सी बिल्कुल इस तरीके से आंसर दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर पूछा है किस चीज का रिपोर्टन का बता दो बच्चों क्या आंसर आएगा वेस्पर थ्योरी पॉस्टुलेट नंबर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिप्रजेंट क्या होता है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द मॉलिक्यूल सी एच फोरिया एच टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताओ बेटा ये तो हमने किया है आज ही स्ट्रक्चर बना बना के ज्योमेट्री बनाई है इनकी यस yes. किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा हमसे पूछा है इनमें से कौन सा फॉल्स है एच सी एच बॉन्ड एंगल इन सी एच फोर एच सी एच बॉन्ड एंगल इन सी एच फोर इज लार्जर दैन एन एच थ्री सही बात है भाई सी एच फोर और अमोनिया में इधर फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा करेक्ट है द एच सी एच बॉन्ड एंगल इन सी एच फोर द एच एन एच बॉन्ड एंगल इन अमोनिया एंड द एच ओ एच बॉन्ड एंगल इन एच टू आर ग्रेटर दैन नाइन्टी डिग्री ये भी सही है द एच ओ एच बॉन्ड एंगल इन एच टू इज लार्जर दैन द एच सी एच बॉन्ड एंगल इन सी एच फोर गलत बात है दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बेटा स्टेबिलिटी जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी ठीक है तो O2 में टू है ओ टू माइनस है ओ टू प्लस है और ओ टू माइनस टू है टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन सोलह सत्रह पंद्रह सोलह अट्ठारह तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया टू पॉइंट फाइव इसका बॉन्ड ऑर्डर टू पॉइंट जीरो इसका वन पॉइंट फाइव इसका वन पॉइंट जीरो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ओ टू प्लस हम्म करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल बता दो बेटा कौन सी स्पीशीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है जिसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी सेम नहीं है वो भी कंपटीशन से बाहर हो जाएगा कैसे यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ रहा है और यहां पर sp3 आ रहा है जब हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है जब

तो लोन पेयर तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन एस पी आने वाला है सबसे ज्यादा परसेंटेज सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल बाद में जाने की जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन द इनोलिक फॉर्म बस यहां यहां पे पे ये गलती है कि यहां पे पाई नहीं है कि पाई बॉन्ड नहीं इनोलिक फॉर्म बेटा कीटो इनोल फॉर्म पढ़ते हो ऑर्गेनिक के अंदर द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट एस बिलो अब इसमें आपसे पूछा है कितने सिग्मा हैं कितने पाई हैं वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन तो सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है देख लो बेटा यही आंसर आ रहा है क्या एटीन सिग्मा और दो पाई है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग स्पीसिस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एन पाई बॉन्ड ठीक है देख लेते हैं सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन एक्सीट बाई टू एसपी थ्री फोर बॉन्ड पे फोर सिग्मा फोर पाई करेक्ट आंसर क्लियर क्लियर है बच्चो देख लो एक बार ध्यान से क्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीस डिस्कस किया था बेटा हमने ये बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर निकाल लो याराइनस ओ टू प्लस ओ टू प्लस टू एट टू दिक्सटीन सिक्सटीन माइनस टू फोर्टीन एट टू दिक्सटीन फिफ्टीन एट टू सिक्सटीन सेवनटीन बॉन्ड ऑर्डर थ्री पॉइंट जीरो टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट जीरो वन पॉइंट फाइव तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ओ टू प्लस टू का फिर ओ टू प्लस का फिर ओ टू माइनस का क्लियर है एमओटी की ट्रिक से हो रहा है बेटा ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आय आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल क्या बताना है बेटा कौन सा पेयर ऐसा है जो आइसोस्ट्रक्चरल भी है आईसो इलेक्ट्रॉनिक भी है बता दो तो बेटा क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है देख लो बेटा क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है नहीं ऑप्शन ए इज करेक्ट हम्म फर्स्ट ऑप्शन में अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड हैंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा विच ऑफ दैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए ऑर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टोटल एमओटी में पढ़ा था ना या टोटल इलेक्ट्रॉन दस या सोलह होने चाहिए देख लो भाई क्या आंसर आ रहा कौन है कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक है टोटल इलेक्ट्रॉन सेवन प्लस एट माइनस वन तो ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें एट टू दिक्सटीन सिक्सटीन प्लस यही हो गया पैरामैग्नेटिक सिंपल टोटल इलेक्ट्रॉन जिसमें भी ऑड नंबर में है वो कैसे हो जाएंगे बेटा दैट इज पैरामैग्नेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा द पेयर ऑफ विद सेम बॉन्ड ऑर्डर जिसके भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा देख लो भाई बी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं भी होंगे तो निकाल सकते हैं ओ के अंदर ए टू 16 प्लस टू एटीन इलेक्ट्रॉन इस केस में बॉन्ड ऑर्डर वन पॉइंट जीरो होता है इस केस में भी वन पॉइंट जीरो होता है याद कर लो यार बॉन्ड ऑर्डर वाली ट्रिक जीरो 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 पॉइंट फाइव वन जीरो जीरो फिर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव डिक्रीज कर रहे थे ठीक है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ वन पॉइंट फाइव इज शोन बाय

बट नॉट द लीस्ट क्या क्वेश्चन से आइसो स्ट्रक्चरल है एन एफ थ्री बी एफ थ्री कॉम्पिटिशन से बाहर बी सी एल थ्री बी आर सी एल थ्री कॉम्पिटिशन से बाहर चाहो तो कैलकुलेट कर लो बी एफ फोर अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी आता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना भी आता है अगर वो सेम है तो फिर थ्री प्लस फोर प्लस एट एट बाई टू फोर एस पी थ्री थ्री लोन पेयर ठीक है यह एन फोर प्लस है बेटा ये प्लस नीचे की जगह ऊपर है ठीक है सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी आज की कार्यवाही को यही समाप्त करते हैं ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों हमने कोशिश की आपको मैक्सिमम पोर्शन जहां से क्वेश्चन बनता है उसे कवर कराने की हो सकता है यह सेशन एक बार में पूरे तरीके समझ ना आए जिस टॉपिक में आपको डाउट हो आप उस टॉपिक को उठाकर देख लेना बाद में और बहुत सारी ब्लैसिंग्स आपके आने वाले टेस्ट के लिए जो कि 17 जुलाई को है ठीक है तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ ज्यादा के पीछे मत भागो जितना है उसे अच्छे से कर लो अभी भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम एनसीआर टी पढ़नी है ये पढ़ना है वो पढ़ना है कुछ नहीं पढ़ना यार जो पढ़ रखा है उसे रिवाइज करना है ठीक है आपको लगता है यार ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ो नहीं लगता मत पढ़ो ठीक है अब आपको पता चल चुका है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है एटलीस्ट ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों ठीक है थैंक यू सो मच लास्ट टाइम है बेटा बस एक चीज का ध्यान रखना इनऑर्गेनिक में जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आपका आंसर सही क्यों है वो तो ठीक है लेकिन बाकी तीन गलत क्यों है बाकी तीन गलत क्यों है इसको एक बार देख लेना हो सकता है सिली मिस्टेक होने से बच जाए ठीक है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं हर क्लास में कहती हूं बेटा कि अगर पेपर इजी आ जाए अगर पेपर ईजी आ जाए तो रखना पेशेंस पेशेंस का मतलब समझ रहे हो क्या करते चले जा रहे हो गलतियां मत कर देना सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं और अगर पेपर टफ आ जाए तो बेटा रखना कॉन्फिडेंस क्या रखना बेटा कॉन्फिडेंस बस ये ना बेटा बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बता रही हूं आपको सिलेक्शन की क्योंकि आपको पता है सिक्सटी परसेंट बच्चा इसमें होता है उसको आता सब है गलती कर देता है बिलो एवरेज एवरेज वाला बच्चा भी अगर बेटा पेपर को इस तरीके से करे कि आती हुई चीज को गलत मत दे पेपर टफ आता है जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता ये सोचकर पेपर करो बस उस टाइम पे वो तीन घंटे के लिए जो आपके हाथ में ना सिर्फ वो आपके कंट्रोल में है अभी भी मैंने देखा मैंने बीच में इसलिए नहीं बोला काफी बच्चे बोल रहे थे पेपर 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 हो 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 रहा 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 है पेपर वो हो रहा है है ये वो अरे यार तुम उस चीज को डिस्कस कर रहे हो तुम उस चीज को डिस्कस कर रहे हो जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारी प्रिपरेशन है पेपर आज हो कल हो चार महीने बाद हो अगले साल हो सिलेबस तो वही है सिलेबस तो वही है तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम यूटिलाइज योर टाइम ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर इजी आए रखना पेशेंस टफ आए रखना कॉन्फिडेंस बाकी सब कुछ आपके कंट्रोल में ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों थैंक यू